नमस्कार सारे व्यूअर्स और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में, मेलबर्न स्टार वुमेन वर्सेस हॉबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स का ये मुकाबला है, 20वां मुकाबला है वुमेन बिग बैश लीग का। तो देखते हैं यहाँ से कौन सी टीम जो है जीतने नजर आती है। एक तरफ मैगलैनिंग की टीम होगी मेलबर्न स्टार, एक तरफ एलिस विलानी की टीम होगी हॉबार्ट हरिकेन्स, और 20वां ये मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले में टॉस जीत लिया है मेलबर्न स्टार वुमेन्स की टीम ने और पहले जो है बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। बिलेवरी ओवल हॉबार्ट में खेला जा रहा है ये मुकाबला, हॉबार्ट हरिकेन्स का ये होम ग्राउंड है। तो देखते हैं यहाँ से मुकाबला जो है वो किस प्रकार चलता है। तो आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और एंजॉय करिए इस मुकाबले को। आप सभी का स्वागत करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर। तो लाइव हिंदी कमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अगर बात की जाए यहाँ पर मेलबर्न स्टार की, तो मेलबर्न स्टार की टीम जो है अब 5 मुकाबले इस सीज़न के अंदर खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 4 अंक के साथ छठे पायदान पे है। वहीं अगर बात की जाए हॉबार्ट हरिकेन्स की, तो हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम जो है अब 5 मुकाबले इस सीज़न के अंदर खेले हैं, 4 मुकाबले सीज़न के अंदर खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं, और 5वें पायदान पे बनी हुई है इस पॉइंट्स टेबल के अंदर। तो आज देखते हैं कौन सी टीम जीतने जाती है इस मुकाबले को। टॉस जीता है मेलबर्न स्टार वुमेन्स की टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो ले लिया है। तो मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा, लाइक करके सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। तो बात करते हैं इस मुकाबले की कि मुकाबला जो है वो किस प्रकार रहेगा। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की और कौन सी टीम जीतेगी, ज़रा उसकी ज़रा यहाँ पर बात कर लें। तो यहाँ पर टॉस जीता है मेलबर्न स्टार की टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में, मेलबर्न स्टार वर्सेस हॉबार्ट हरिकेन्स। जी हाँ, मेलबर्न स्टार और हॉबार्ट हरिकेन्स के बीच यहाँ पर जो है 20वां मुकाबला खेला जा रहा है वुमेन बिग बैश लीग का। बिलेवरी ओवल हॉबार्ट के अंदर खेला जा रहा है ये मुकाबला, 20वां मुकाबला है जहाँ पर टॉस जीता है मेलबर्न स्टार की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम कर रही है गेंदबाजी, मेलबर्न स्टार की टीम कर रही है बल्लेबाजी। तो यहाँ पर हमारी टीम रहेगी, जी हाँ यहाँ पर हमारी टीम रहेगी मेलबर्न स्टार। उम्मीद करेंगे मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते, तो हमारी टीम होगी यहाँ पर मेलबर्न स्टार, मेलबर्न स्टार के साथ रहेंगे यहाँ पर। आप सब लोग जो है सेटबेट साथ जुड़ जाइएगा यार, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये का, और पहले डिपॉजिट करने पे, जी हाँ पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट तरफ से मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा, डिपॉजिट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। और अच्छी बात यह है कि सेटबेट के ऊपर पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है, साथ साथ में सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइक दे सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन करते हैं सेटबेट को। अब चलते हैं, ज़रा बात करते हैं प्लेइंग 11 की। जी हाँ, प्लेइंग 11 जो है किस प्रकार रहेगी यहाँ पर ज़रा वो देख ले। तो मेलबर्न स्टार टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है। तो मेलबर्न स्टार की टीम आप देख लीजिएगा, इस टीम के अंदर मैगलैनिंग जो है वो इस टीम के अंदर हैं, सोफी डंकली इस टीम के अंदर हैं, एलेक्स कैप्सी इस टीम के अंदर हैं, साथ में माया बाउचर जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं, साथ में एनाबेल सदरलैंड, जी एनाबेल सदरलैंड भी इस टीम के अंदर हैं, निकोला फॉल्टोम जो हैं विकेट कीपर हैं, साथ में किम ग्राथ इस टीम के अंदर हैं, यहाँ पर शाशा मॉलनी, जी हाँ शाशा मॉलनी इस टीम के अंदर हैं, सोफी रेड जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं, साथ में रेस मकीना और सोफी डे, जी हाँ सोफी डे इस टीम के अंदर। तो सोफी डे और सोफी रिड दो अलग खिलाड़ी हैं, सोफी रिड भी खेल रही हैं और सोफी डे भी इस टीम के अंदर। तो पूरी सेम 11 है जो पिछले मुकाबले में मेलबर्न स्टार ने खिलाई थी, वही सेम 11 के साथ उतरी है यहाँ पर मेलबर्न की टीम एक बार फिर से देख लीजिएगा। सोफी डंकली, मैगलैनिंग, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी, किम ग्राथ, अमाया बाउचर, निकोला फॉल्टोम, शाशा मॉलनी, सोफी डे, राइस मकीना और साथ में सोफी रेड जो है वो टीम के अंदर है। तो ये है पूरी प्लेइंग 11 मेलबर्न स्टार की। मेलबर्न स्टार की टीम जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और हमारी टीम भी यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। मेलबर्न स्टार को ही सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते यहाँ पर।
अब बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग ऑर्डर चेक कर लीजिएगा मेलबर्न स्टार्स का। यहाँ पर ओपनिंग जो है सोफी डंकली और मैग लेनिंग जो है वो ओपन करती हैं, नंबर तीन पे बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आती हैं एलेक्स कैप्सी जी। हाँ, नंबर चार पे बल्लेबाजी करेंगे एनाबेल सदरलैंड, नंबर पाँच पे बल्लेबाजी करेंगे माया बाउचर, नंबर छः पे जी हाँ मुखरी यहाँ पर नंबर पाँच पे माया बाउचर, नंबर छः पे बल्लेबाजी करेंगे निकोला फॉल्टोम और नंबर सात पे बल्लेबाजी करेंगी यहाँ पर किम ग्रात, नंबर आठ पे सोफी रिड, नंबर नौ पे साशा मोरिनी, नंबर दस पे रायस मकीना और नंबर ग्यारह पे सोफी डे जो है वो बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। तो ये पूरा बैटिंग ऑर्डर जो सेम इलेवन आप देख रहे हैं वही सेम इलेवन जो है वो आज के इस मुकाबले में उतारी है मेलबर्न स्टार की कप्तान मैग लेनिंग ने। तो देखते हैं किस प्रकार से खेलता है, मगर हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। वहीं अगर बात की जाए हॉबार्ट हरिकेन्स की, तो हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम देख लीजिएगा शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद पिछले दो मुकाबलों से लगातार जीत जो है वो दर्ज कर रही है। एलिस विलानी के आने के बाद ये टीम जो है बेहतर नजर आ रही है। तो टीम सुन लीजिएगा यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की, एलिस विलानी इस टीम के अंदर है, लेजली इस टीम के अंदर है, ब्राउनी स्मिथ इस टीम के अंदर है, साथ में हैदर ग्राम जी हाँ हैदर ग्राम इस टीम के अंदर है, निकोला कैरी जी हाँ निकोला कैरी भी टीम के अंदर है, नौमी स्टेलबर्ग इस टीम के अंदर खेल रही हैं, साथ में रुथ जॉनस्टन जी हाँ रुथ जॉनस्टन भी इस टीम के अंदर हैं, मॉली स्टेनो जी हाँ मॉली स्टेनो जो है वो इस टीम के अंदर खेल रही हैं, साथ में एमी स्मिथ भी टीम में है, शबनम इस्माइल और मैसी गिब्सन जो है वो टीम के अंदर। तो ऑलमोस्ट सेम इलेवन है जो विनिंग कॉम्बिनेशन उसको छेड़ा नहीं है यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम ने एलिस विलानी ने। तो सेम इलेवन यहाँ पर खेल रही है टीम, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एलिस विलानी, लिजिली, नॉमी स्टेलबर्ग, हैदर ग्राम, ब्राउनी स्मिथ, मॉली स्टेनो, निकोला कैरी, रुथ जॉनस्टन, शबनम इस्माइल, एमी स्मिथ और मैसी गिब्सन जो हैं वो टीम के अंदर खेल रही हैं। तो सेम इलेवन, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पर कप्तान एलिस विलानी ने, हॉबार्ट हरिकेन्स की कप्तान है, इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर से देखिएगा, एक बार बैटिंग ऑर्डर फिर से देख लीजिएगा यहाँ पर बैटिंग जो है ऑर्डर हॉबार्ट हरिकेन्स का। तो ओपनिंग करती हैं एलिस विलानी और लिजली जो है वो ओपन करती है, नंबर तीन पे आती हैं ब्राउनी स्मिथ, नंबर चार पे आती हैं हैदर ग्राम, नंबर पाँच पे आती हैं निकोला कैरी, नंबर छः पे आती हैं नौमी स्टेलबर्ग, नंबर सात पे आती हैं रुथ जॉनस्टन, नंबर आठ पे आएंगी मॉली स्टेनो, नंबर नौ पे आएंगे एमी स्मिथ, नंबर दस पे शबनम इस्माइल और नंबर ग्यारह पे मैसी गिब्सन जो है वो खेलेंगे। तो सेम इलेवन है जो आपकी स्क्रीन के सामने है यहाँ पर। तो ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन। चलते हैं ज़रा बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं अब पिच रिपोर्ट की, मगर उससे पहले बता दें आपको मेलबर्न स्टार ने ही टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया इस 20वें मुकाबले में। बिलीवरी जो है हॉबार्ट के अंदर खेला जा रहा है मुकाबला। बाकी आप सब लोग जो है वो सेटबेट साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे जी हाँ 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। यहाँ पर डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है, टोटली एक्सचेंज है। और सेट बेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइव दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले लाइव दे सकते हैं। सेट बेट ट्राई एंड टेस्टेड एंड टेस्टेड वेबसाइट है, क्रिकेट लाइव हिंदी के काफ़ी व्यूअर खेल रहे हैं, तो आप भी खेलिए और जीतिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। हमारी टीम आपको बताई दी है कि मेलबर्न स्टार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करें मेलबर्न स्टार की टीम इस मुकाबले को जीते। अब चलते हैं जरा बात करते हैं पिच के, जी हां पिच किस प्रकार रहेगी। बिलीवरी ओवल हॉबार्ट की पिच जी हां बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल रहती है ये पिच। इस ग्राउंड पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 136 का है, और इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो नजर आता है। मगर यहां पर अगर देखेंगे ज्यादातर मुकाबले रन चेज करने वाली टीम जो है वो जीती है, मगर मेलबर्न स्टार ने टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है, मगर ओवरऑल देखा जाए हॉबार्ट की ये पिच, बिलीवरी ओवल हॉबार्ट की ये पिच अमूमन बल्लेबाजी के लिए काफी
अनुकूल जो है वो रहती है और अच्छे खासे रन जो है वो बनते नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिसेंट मुकाबलों की, तो अभी तक वुमेन बिग बैश 2023 का यहाँ पर एक भी मुकाबला खेला नहीं गया है। पहला मुकाबला आज खेला जाएगा होबार्ट के इस मैदान के ऊपर, मगर ओवरऑल जो पिच की कंडीशन है वही बता रही है कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी। 140-150 प्लस रन बनते हुए नजर आएंगे, मगर यहाँ पर थोड़ा तेज़ गेंदबाजों को बच के रहना होगा, क्योंकि तेज़ गेंदबाज जो है वो ज़्यादा विकेट चटकाते हैं ब्रिस्बेन स्पिनर गेंदबाजों के। बाकी यहाँ पर रन चेज करने टीम जीतती है, मगर हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। अगर ग्राउंड के स्टेट्स की बात की जाए तो ज़रा उस पर नज़र डाल लीजिए, ग्राउंड के स्टेट्स किस प्रकार हैं। 32 मुकाबले इस पिच पे खेले गए हैं, 17 मुकाबले यहाँ पर रन चेज करने टीम जीती है और 15 मुकाबले यहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आई है टीमें। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 53% मुकाबले रन चेज करने टीम और 47% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करने टीम जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज 36 है, सेकंड इनिंग एवरेज 27 है, हाईएस्ट टोटल 173 है, लोएस्ट टोटल जो है वो 80 है, यहाँ पर हाईएस्ट चेज 165 है और वहीं अगर बात किया लोएस्ट डिफेंड की 115 रन भी यहाँ पर डिफेंड होते हुए नजर आए। अगर मेलबर्न स्टार को इस मुकाबले जितना 150 प्लस स्कोर खड़ा करना हो, क्योंकि अभी होबार्ट हरिकेन्स की बल्लेबाजी में थोड़ा सा जो बल्लेबाज है फॉर्म में आ रहे हैं, तो एक बड़ा स्कोर आपको खड़ा करना होगा, टोटल डिफेंड करना है। अगर होबार्ट यहाँ पर रन चेज करना चाहती है तो 150 से नीचे के स्कोर पर रोकना होगा मेलबर्न स्टार को, तभी इस मुकाबले में रन चेज जो है वो हो पाएगा। तो ये ग्राउंड के स्टेट्स अगर हम बात करें यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की, तो देख लीजिएगा यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन के मिले जुली ये विकेट है। 60% विकटेज हैं वो तेज़ गेंदबाज चटकाते हैं, 40% विकटेज हैं स्पिनर गेंदबाजों ने चटकाई है, 72 विकेट चटकाई है तेज़ गेंदबाजों ने, 49 विकेट चटकाई है स्पिनर गेंदबाजों ने। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं, तो दो स्पिनर आप रख सकते हैं, आपकी फैंटेसी टीम जो है वो पूरी हो जाएगी। चलिए बता देता हूँ कौन कौन से खिलाड़ी जो है फैंटेसी टीम में आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई बात पिच की, मगर आप सब लोग जो है बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, सेटबेट को जाकर ज्वाइन करते रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, सेटबेट के ऊपर खेलिएगा और जीतिएगा, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिल रहा है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। तो मेलबर्न स्टार जो है वो पहले जो है बल्लेबाजी जो है वो कर रही है, यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। तो बात करते हैं मेलबर्न स्टार की, मेलबर्न स्टार की ओपनिंग जो है वो सोफी डंकली और मैग लैनिंग करती हैं। मैग लैनिंग दोनों को अच्छी शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलते हैं ज़रा फैंटेसी टीम की तरफ। जी हाँ, फैंटेसी टीम में आप किस किस को रख सकते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है सोफी डंकली का। तो देखिए सोफी डंकली को आप अपने टीम के अंदर रख लीजिएगा एज अ बल्लेबाज, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, तो ओपनिंग करती हैं मेलबर्न स्टार, तो सोफी डंकली को आप रख लीजिएगा। मैग लैनिंग, जी हाँ मैग लैनिंग को आप टीम में रख लीजिएगा, और साथ में माया बाउचर। सोफी डंकली, मैग लैनिंग, माया बाउचर को आप अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं। अगर आप माया बाउचर को नहीं रख रहे हैं तो आप एलेक्स कैप्सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एलेक्स कैप्सी गेंदबाजी भी करती हैं और बल्लेबाजी भी करती हैं। तो मेरा जो मन है वो सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एलेक्स कैप्सी के साथ है। माया बाउचर को मैं नहीं रखना चाहता यहाँ पर। और ऑलराउंडर के लिए एनाबेल सदरलैंड, जी हाँ सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड और एलेक्स कैप्सी को आप टीम में रख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर किम ग्राथ, जी हाँ किम ग्राथ एक और ऑलराउंडर इस टीम में है, बैटिंग कर लेती है, मगर ज़्यादातर इनकी जो गेंदबाजी है किम ग्राथ की और वो बेहतर रहती है। तो सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी और किम ग्राथ को आप टीम में रख लीजिएगा। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए, अगर एक और गेंदबाज आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप सोफी डी या शाशा मौलिनी को वैसे किसी को रख लीजिएगा, या आप रेस मकीना के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलराउंडर के लिए आपके पास तीन ऑलराउंडर रहेंगे, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी, किम ग्राथ। एक और अगर गेंदबाज ऐड करना है तो रेस मकीना को आप यहाँ पर टीम में रख सकते हैं, गेंदबाजी जो है वो अच्छी करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गई मेलबर्न स्टार की तरफ से खिलाड़ी है। और अगर चलते हैं जरा होबार्ट की तरफ से, तो होबार्ट की तरफ से सबसे बड़ा नाम आता है लिजली का। लिजली को टीम में रख लीजिएगा, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, तो लिजली को यहाँ पर रख लीजिएगा। साथ में एलिस विलानी, कप्तान होबार्ट हरिकेन्स की, लिजली और एलिस विलानी दोनों ओपन करते हैं, तो दोनों को रख लीजिएगा। लिजली और एलिस विलानी दोनों को रख लीजिएगा। और ऑलराउंडर के लिए हैदर ग्राम, जी हाँ हैदर ग्राम अच्छी चॉइस रहेंगी, हैदर ग्राम को आप टीम में रख लीजिएगा ऑलराउंडर के लिए यहाँ पर। हैदरग्राम जो है बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही अच्छी करती हैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो शबनम इस्माइल, जी हाँ शबनम इस्माइल को आप टीम में रख लीजिएगा।
और साथ में निकोला कैरी को। निकोला कैरी इंजरी के बाद आई हैं, मगर मेरे हिसाब से निकोला कैरी को आप टीम में ज़रूर रखिएगा। गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करती हैं यहाँ पर। तो एलिस विलानी, लिज़ ली, यहाँ पर हैदर ग्राम, निकोला कैरी और शबनम इस्माइल को आप टीम में रख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराउंड यहाँ पर कप्तान के लिए मेरी चॉइस यहाँ पर रहेंगी एलेक्स कैप्सी। एलेक्स कैप्सी इसलिए कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करती है, तो मेरी तरफ से कप्तान एलेक्स कैप्सी रहेंगी। उप कप्तान के लिए यहाँ पर मैं जो है निकोला कैरी को सकता हूँ। निकोला कैरी इस पिच के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करती हैं, या फिर आप हैदर ग्राम को उप कप्तान जो है वो टीम के अंदर रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अब कप्तान के लिए आप एलेस विलानी को भी सकते हैं। एलेस विलानी भी अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करती है रन चेज में, तो एलेस विलानी को भी सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कप्तान यहाँ पर एलेस कैप्सी और उप कप्तान के लिए यहाँ पर हैदर ग्राम को मैं टीम में रखना चाहूँगा। तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है यहाँ पर। तो ये दोनों टीमें, दोनों टीमों के बारे में आपको बता दिया है कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं। जिन भाइयों ने अभी अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं और कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर टॉस जीता है मेलबर्न स्टार की टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में, मेलबर्न स्टार वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स। जी हाँ, मेलबर्न स्टार और होबार्ट हरिकेन्स के बीच यहाँ पर जो है 20वां मुकाबला खेला जा रहा है वुमन बिग बैश लीग का। बिलेवरी ओवल होबार्ट के अंदर खेला जा रहा है ये मुकाबला, 20वां मुकाबला है जहाँ पर टॉस जीता है मेलबर्न स्टार की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। होबार्ट हरिकेन्स की टीम कर रही है गेंदबाजी, मेलबर्न स्टार की टीम कर रही है बल्लेबाजी। तो यहाँ पर हमारी टीम रहेगी, जी हाँ यहाँ पर हमारी टीम रहेगी मेलबर्न स्टार। उम्मीद करेंगे मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते, तो हमारी टीम होगी यहाँ पर मेलबर्न स्टार, मेलबर्न स्टार के साथ रहेंगे यहाँ पर। आप सब लोग जो है सेटबेट साथ जुड़ जाइएगा यार, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 रुपये का, और पहले डिपॉजिट करने पे, जी हाँ पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट तरफ से मिलेगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करिएगा, डिपॉजिट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। और अच्छी बात यह है कि सेटबेट के ऊपर पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है, साथ साथ में सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइक दे सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन करते हैं सेटबेट को। अब चलते हैं, ज़रा बात करते हैं प्लेइंग 11 की। जी हाँ, प्लेइंग 11 जो है किस प्रकार रहेगी यहाँ पर ज़रा वो देख ले। तो मेलबर्न स्टार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया है, तो मेलबर्न स्टार की टीम आप देख लीजिएगा। इस टीम के अंदर मैगलेनिंग जो है वो इस टीम के अंदर हैं, सोफी डंकली इस टीम के अंदर हैं, एलेक्स कैप्सी इस टीम के अंदर हैं, साथ में माया बाउचर जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं, साथ में एनाबेल सदरलैंड, जी एनाबेल सदरलैंड भी इस टीम के अंदर हैं, निकोला फॉल्टोम जो हैं विकेट कीपर हैं, साथ में किम ग्राथ इस टीम के अंदर हैं, यहाँ पर शाशा मोलनी, जी हाँ शाशा मोलनी इस टीम के अंदर हैं, सोफी रेड जो हैं वो इस टीम के अंदर हैं, साथ में रेस मकीना और सोफी डे, जी हाँ सोफी डे इस टीम के अंदर। तो सोफी डे और सोफी रीड दो अलग खिलाड़ी हैं, सोफी रीड भी खेल रही हैं और सोफी डे भी इस टीम के अंदर। तो पूरी सेम 11 है जो पिछले मुकाबले में मेलबर्न स्टार ने खिलाई थी, वही सेम 11 के साथ उतरी है यहाँ पर मेलबर्न की टीम। टीम एक बार फिर से देख लीजिएगा, सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी, किम ग्राथ, अमाया बाउचर, निकोला फॉल्टोम, शाशा मोलनी, सोफी डे, राइस मकीना और साथ में सोफी रेड जो है वो टीम के अंदर है। तो ये है पूरी प्लेइंग 11 मेलबर्न स्टार की। मेलबर्न स्टार की टीम जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और हमारी टीम भी यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। मेलबर्न स्टार को ही सपोर्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते यहाँ पर। अब बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की, तो बैटिंग ऑर्डर चेक कर लीजिएगा मेलबर्न स्टार्स का। यहाँ पर ओपनिंग जो है सोफी डंकली और मैग लैनिंग जो है वो ओपन करती हैं, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आती हैं एलेक्स कैप्सी, जी हाँ नंबर 4 पे बल्लेबाजी करेंगे एनाबेल सदरलैंड, नंबर 5 पे बल्लेबाजी करेंगे माया बाउचर, नंबर 6 पे, जी हाँ यहाँ पर नंबर 5 पे माया बाउचर, नंबर 6 पे बल्लेबाजी करेंगे निकोला फॉल्टोम और नंबर 7 पे बल्लेबाजी करेंगी यहाँ पर किम ग्राथ, नंबर 8 पे सोफी रिड, नंबर 9 पे शाशा मोलनी, नंबर 10 पे रायस मकीना और नंबर 11 पे
सोफी डे जो है वो बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। तो ये पूरा बैटिंग ऑर्डर जो सेम इलेवन आप देख रहे हैं वही सेम इलेवन जो है वो आज के इस मुकाबले में उतारी है मेलबर्न स्टार की कप्तान मैग लैनिंग ने। तो देखते हैं किस प्रकार से खेलता है, मगर हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। वहीं अगर बात की जाए हॉबार्ट हरिकेन्स की, तो हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम देख लीजिएगा, शुरुआती दो मुकाबले हारने के बाद पिछले दो मुकाबलों से लगातार जीत जो है वो दर्ज कर रही है। एलिस विलानी के आने के बाद ये टीम जो है बेहतर नजर आ रही है। तो टीम सुन लीजिएगा यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की, एलिस विलानी इस टीम के अंदर है, लेजली इस टीम के अंदर है, ब्राउनी स्मिथ इस टीम के अंदर है, साथ में हैदर ग्राम इस टीम के अंदर है, निकोला कैरी भी टीम के अंदर है, नौमी स्टेलबर्ग इस टीम के अंदर खेल रही हैं, साथ में रुथ जॉनस्टन भी इस टीम के अंदर हैं, मॉली स्ट्रेनो जो है वो इस टीम के अंदर खेल रही हैं, साथ में एमी स्मिथ भी टीम में है, शबनम इस्माइल और मैसी गिब्सन जो है वो टीम के अंदर। तो ऑलमोस्ट सेम इलेवन है जो विनिंग कॉम्बिनेशन उसको छेड़ा नहीं है यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम ने, एलिस विलानी ने। तो सेम इलेवन यहाँ पर खेल रही है टीम, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एलिस विलानी, लिजिली, नॉमी स्टेलबर्ग, हैदर ग्राम, ब्राउनी स्मिथ, मॉली स्टेनो, निकोला कैरी, रुथ जॉनस्टन, शबनम इस्माइल, एमी स्मिथ और मैसी गिब्सन जो हैं वो टीम के अंदर खेल रही हैं। तो सेम इलेवन, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पर कप्तान एलिस विलानी ने, हॉबार्ट हरिकेन्स की कप्तान है, इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर से देख लीजिएगा यहाँ पर बैटिंग जो है ऑर्डर हॉबार्ट हरिकेन्स का। तो ओपनिंग करती हैं एलिस विलानी और लिजली जो है वो ओपन करती है, नंबर तीन पे आती हैं ब्राउनी स्मिथ, नंबर चार पे आती हैं हैदर ग्राम, नंबर पाँच पे आती हैं निकोला कैरी, नंबर छः पे आती हैं नौमी स्टेलबर्ग, नंबर सात पे आती हैं रुथ जॉनस्टन, नंबर आठ पे आएंगी मॉली स्टेनो, नंबर नौ पे आएंगे एमी स्मिथ, नंबर दस पे शबनम इस्माइल और नंबर ग्यारह पे मैसी गिब्सन जो है वो खेलेंगे। तो सेम इलेवन है जो आपकी स्क्रीन के सामने है यहाँ पर। तो ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन। चलते हैं ज़रा बात करते हैं, जी हाँ चलते हैं ज़रा यहाँ पर बात करते हैं अब पिच रिपोर्ट की, मगर उससे पहले बता दें आपको मेलबर्न स्टार ने ही टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया इस 20वें मुकाबले में। बिलीवरी जो है हॉबार्ट के अंदर खेला जा रहा है मुकाबला। बाकी आप सब लोग जो है वो सेटबेट साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे जी हाँ 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। यहाँ पर डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। विड्रॉल जो है 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है, टोटली एक्सचेंज है। और सेट बेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाई दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले लाई दे सकते हैं। सेट बेट ट्राई एंड टेस्टेड एंड टेस्टेड वेबसाइट है, क्रिकेट लाइव हिंदी के काफ़ी व्यूअर खेल रहे हैं, तो आप भी खेलिए और जीतिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। हमारी टीम आपको बता दी है कि मेलबर्न स्टार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मेलबर्न स्टार की टीम इस मुकाबले को जीते। अब चलते हैं ज़रा बात करते हैं पिच के, जी हाँ पिच किस प्रकार रहेगी। बिलीवरी ओवल हॉबार्ट की पिच, जी हाँ बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल रहती है ये पिच। इस ग्राउंड पर जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है 136 का है, और इस पिच के ऊपर तेज गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो नजर आता है। मगर यहां पर अगर देखेंगे ज्यादातर मुकाबले रन चेज करने वाली टीम जो है वो जीती है, मगर मेलबर्न स्टार ने टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो देखते हैं अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है, मगर ओवरऑल देखा जाए हॉबार्ट की ये पिच, बिलीवरी ओवल हॉबार्ट की ये पिच अमूमन बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल जो है वो रहती है, और अच्छे खासे रन्स जो है वो बनते नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिसेंट मुकाबलों की, तो अभी तक वुमेन बिग बैश 2023 का यहाँ पर एक भी मुकाबला खेला नहीं गया है, पहला मुकाबला आज खेला जाएगा हॉबार्ट के इस मैदान के ऊपर। मगर ओवरऑल जो पिच की कंडीशन है वही बता रही है कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी, 140 से 150 प्लस रन बनते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर थोड़ा तेज़ गेंदबाजों को बच के रहना होगा, क्योंकि तेज़ गेंदबाज जो है ज़्यादा विकेट चटकाते हैं ब्रेस्ट स्पिनर गेंदबाजों के।
बाकी यहाँ पर रंचेस करंट टीम जीतती है, मगर हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार रहेगी। अगर ग्राउंड के स्टेट्स की बात की जाए तो जरा उस पर नजर डाल लीजिए, ग्राउंड के स्टेट्स किस प्रकार हैं। 32 मुकाबले इस पिच पे खेले गए हैं, 17 मुकाबले यहाँ पर रंचेस करंट टीम जीती है और 15 मुकाबले यहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आई है टीमें। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 53% मुकाबले रंचेस करंट टीम और 47% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करंट टीम जीती है। और फर्स्ट इनिंग एवरेज को 36 है, सेकंड इनिंग एवरेज को 27 है, हाईएस्ट टोटल 173 है, लोएस्ट टोटल जो है वो 80 है, यहाँ पर हाईएस्ट चेज 165 है और वहीं अगर बात किया लोएस्ट डिफेंड की 115 रन भी यहाँ पर डिफेंड होते हुए नजर आए। अगर मेलबर्न स्टार को इस मुकाबले जितना 150 प्लस स्कोर खड़ा करना हो, क्योंकि अभी हॉबार्ट हरिकेन्स की बल्लेबाजी में थोड़ा सा जो बल्लेबाज है फॉर्म में आ रहे हैं, तो एक बड़ा स्कोर आपको खड़ा करना होगा, टोटल डिफेंड करना है। अगर हॉबार्ट यहाँ पर रंचेस करना चाहती है तो 150 से नीचे स्कोर पर रोकना होगा मेलबर्न स्टार को, तभी इस मुकाबले में रंचेस जो है वो हो पाएगा। तो ये ग्राउंड के स्टेट्स, अगर हम बात करें यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की तो देख लीजिएगा यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन के मिले जुली विकेट है। 60% विकेटें जो हैं वो तेज गेंदबाज छटकाते हैं, 40% विकेटें जो हैं स्पिनर गेंदबाजों ने छटकाई है, 72 विकेट छटकाई है तेज गेंदबाजों ने, 49 विकेट छटकाई है स्पिनर गेंदबाजों ने। अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं, तो दो स्पिनर आप रख सकते हैं, आपकी फैंटेसी टीम जो है वो पूरी हो जाएगी। चलिए बता देता हूँ कौन कौन से खिलाड़ी जो है फैंटेसी टीम में आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई बात पिच की, मगर आप सब लोग जो है बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, सेटबेट को जाकर ज्वाइन करते रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, सेटबेट के ऊपर खेलिएगा और जीतिएगा, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिल रहा है। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, एंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। तो मेलबर्न स्टार जो है वो पहले जो है बल्लेबाजी जो है वो कर रही है, यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। तो बात करते हैं मेलबर्न स्टार की, मेलबर्न स्टार की ओपनिंग जो है वो सोफी डंकली और मैग लैनिंग करती हैं। खासकर सोफी डंकली मैग लैनिंग दोनों को अच्छी शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलते हैं जरा फैंटेसी टीम की तरफ। जी हाँ, फैंटेसी टीम में आप किस किस को रख सकते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है सोफी डंकली का। तो देखिए सोफी डंकली को आप अपने टीम के अंदर रख लीजिएगा एज अ बल्लेबाज, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, तो ओपनिंग करती हैं मेलबर्न स्टार, तो सोफी डंकली को आप रख लीजिएगा। मैग लैनिंग, जी हाँ मैग लैनिंग को आप टीम में रख लीजिएगा, और साथ में माया बाउचर, सोफी डंकली, मैग लैनिंग, माया बाउचर को आप अपने टीम के अंदर रख सकते हैं। अगर आप माया बाउचर को नहीं रख रहे हैं तो आप एलेक्स कैप्सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एलेक्स कैप्सी गेंदबाजी भी करती हैं और बल्लेबाजी भी करती हैं। तो मेरा जो मन है वो सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एलेक्स कैप्सी के साथ है। माया बाउचर को मैं नहीं रखना चाहता यहाँ पर। और ऑलराउंडर के लिए एनाबेल सदरलैंड, जी हाँ सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड और एलेक्स कैप्सी को आप टीम में रख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर किम ग्राथ, जी हाँ किम ग्राथ एक और ऑलराउंडर इस टीम में है, बैटिंग कर लेती है और ज़्यादातर इनकी जो गेंदबाजी है किम ग्राथ की और वो बेहतर रहती है। तो सोफी डंकली, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी और क्रिम ग्राथ को आप टीम में रख लीजिएगा। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए, अगर एक और गेंदबाज आपको ऐड करना है तो यहाँ पर आप सोफी डी या शाशा मोलिनी को वैसे किसी को रख लीजिएगा, या आप रेस मकीने के साथ आप जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलराउंडर के लिए आपके पास तीन ऑलराउंडर रहेंगे, एनाबेल सदरलैंड, एलेक्स कैप्सी, किम ग्राथ। एक और अगर गेंदबाज ऐड करना है तो राइस मकीना को आप यहां पर टीम में रख सकते हैं, गेंदबाजी जो है वो अच्छी करेंगे यहां पर। तो ये हो गए मेलबर्न स्टार की तरफ से खिलाड़ी है। और अगर चलते हैं जरा होबार्ट की तरफ से, तो होबार्ट की तरफ से सबसे पहला नाम आता है लिजली का, लिजली को टीम में रख लीजिएगा, विकेटकीपर बल्लेबाज है तो लिजली को यहां पर रख लीजिएगा। साथ में एलिस विलानी, कप्तान होबार्ट हरिकेन्स की, लिजली और एलिस विलानी दोनों ओपन करते हैं तो दोनों को रख लीजिएगा, लिजली और एलिस विलानी। चलिए मुकाबला जो है वो शुरू हो रहा है, प्लेयर जो है वो ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ से हो रहा है मुकाबला शुरू। जी हाँ 20वां मुकाबला वुमेन बिग बैश लीग का, होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न स्टार का। और गेंदबाजी, जी हाँ गेंदबाजी कर रही है होबार्ट हरिकेन्स की ये टीम। अब देखते हैं किस प्रकार से ये मुकाबला चलते जाता है, किस प्रकार से ये खेल जो है वो आगे बढ़ता है। प्लेयर तो आ चुके हैं, गेंदबाजी टीम भी गेंदबाजी के लिए तैयार है। यहाँ पर बस अंपायर का इशारा बाकी है, जहाँ पर अंपायर कहेंगे लेट्स प्ले तो गेम जो है वो शुरू हो जाएगा यहाँ पर। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। इस बीच स्पिनर गेंदबाज से शुरुआत करिए यहाँ पर, जो है यहाँ पर पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पे गेंद थी, कलायु के सहारे खेला,
कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद है। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है मेलबर्न स्टार की। यहाँ पर मेलबर्न स्टार की टीम चाहेगी एक मजबूत शुरुआत करनी चाहिए, यहाँ पर टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर तो चलिए सोफी रीड, जी हाँ सोफी रीड को आज ओपन कराया गया है, साथ में सोफी रीड को भेजा गया है एक बार फिर से लेग स्टंप पे। ये गेंद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो आज सोफी डंकली नहीं, सोफी रीड जो है वो ओपन करने के लिए आई हैं। यहाँ पर तो सोफी रीड कर रही हैं ओपन मैगलैनिंग के साथ। मॉली स्टैनो जो है वो गेंदबाजी कर रही हैं एक बार फिर से। ओवर की तीसरी गेंद मॉली स्टैनो की स्ट्राइक पे है बाहर के बल्लेबाज सोफी रीड। सोफी रीड को इस बार तीसरी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था बड़ा शॉट लगाने के लिए। इनसाइड एज लगा, गेंद फाइन लेग की दिशा में गई, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तीन गेंदें हो गई हैं इस ओवर के, अभी तक खाता नहीं खुला है मेलबर्न स्टार का। तो आज ओपनिंग जोड़ी जो है वो चेंज की गई है, हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार ही रहेगी। उम्मीद करेंगे मेलबर्न स्टार की टीम जो है वो इस मुकाबले को जीते यहाँ पर। तो एक बार फिर से अगली गेंद मॉली स्टैनो की इस ओवर की, सामने सोफी रीड कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। और लीजिए पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर मेलबर्न स्टार को सोफी रीड के साथ। आज एक एक्सपेरिमेंट किया था मेलबर्न स्टार ने, ओपन उतारा गया था बायां हाथ की बल्लेबाज थी। और चौथी गेंद पर, जी हाँ चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए, सीधे बल्ले से खेला था शॉट को मगर सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में ये गेंद गई और पहला विकेट, जी हाँ पहला विकेट मेलबर्न स्टार का गिरता हुआ यहाँ पर। उम्मीदें यही है यहाँ पर कि थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल होता, मगर आज सोफी रीड जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई यहाँ पर और अपना विकेट जो है वो गंवाती हुई। जी हाँ सोफी रीड जो है अपना विकेट गंवाती हुई यहाँ पर और पहला झटका लगता हो मेलबर्न स्टार की टीम को। रन है शून्य, विकेट गिरा है एक, गेंदे हो गई हैं चार। तो अब फिर से अपनी प्रॉपर जोड़ी के साथ उतरना होगा क्या नंबर तीन पे, अब सोफी डंकली को उतारा जाएगा क्योंकि सोफी डंकली का भी बल्ला बोला नहीं है अभी तक। और उम्मीदें यही है कि एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो करके दिखाएं आज, एक बड़ी पारी जो है वो खेले, मगर यहाँ पर सोफी रीड जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। चार गेंदें हो गई हैं मॉली स्टैनो की इस ओवर की और शून्य के स्कोर पे सोफी रीड आउट हुई हैं नंबर तीन पे बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ नंबर तीन पे बल्लेबाजी करने के लिए एलेक्स कैप्सी, जी हाँ एलेक्स कैप्सी को भेजा गया है नंबर तीन पे बल्लेबाजी करने के लिए, आई हैं एलेक्स कैप्सी। अब देखते हैं एलेक्स कैप्सी जो है वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करती हैं। एक बार फिर से ऑफ-स्पिनर गेंदबाज मॉली स्टैनो गेंदबाजी लेकर जाएंगी, एक बार गेंदबाजी लेकर चल रही हैं यहाँ पर। ओवर की पांचवी गेंद होगी मॉली स्टैनो की स्ट्राइक पे एलेक्स कैप्सी की, एलेक्स कैप्सी होंगे स्ट्राइक पर। एक बार फिर से ऑस्टम पे ये गेंद स्लोअर डिलीवरी खेला पॉइंट की दिशा में, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। जी हाँ कोई भी रन जो है वो नहीं मिलेगा। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर, इस डॉट गेंद के साथ स्कोर अभी भी शून्य, विकेट गिरा है एक यहाँ पर। तो एलेक्स कैप्सी एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलती हुई, एलेक्स कैप्सी को अगली गेंद लेकर चलती हुई मॉली स्टैनो, मॉली स्टैनो के ओवर की आखिरी गेंद एलेक्स कैप्सी को फुलन की गेंद, इस बार ड्राइव किया मगर कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है, विकेट मेडन ओवर है। जी हाँ पहला ओवर मेडन ओवर है और एक विकेट इस ओवर में गया, रन कोई बना नहीं। अब स्ट्राइक पर होंगी मैगलैनिंग, अब मैगलैनिंग लेंगी स्ट्राइक यहाँ पर, मगर ये ओवर बहुत अच्छा दिया। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया आज मेलबर्न स्टार ने, सोफी रीड को बोला कि आज ओपन करिए, ओपन करने आई, चार गेंदें ही खेली थी, चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गई और सीधा अपना विकेट जो है वो गंवाया है। शायद आज प्रॉपर वही सोफी डंकली अगर और मैगलैनिंग ही ओपन आती तो शायद सूरत हाल को छोड़ो तक सोफी डंकली को एक्सपीरियंस है ओपन करने का, और बल्लेबाजी जो है सोफी डंकली काफ़ी अच्छी करती हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं अब क्या होता है, अब किस प्रकार से गेंदबाजी होती है, कौन जो है दूसरा ओवर लेकर आता है। आप सब लोग जो है वो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। तेज़ गेंदबाज, जी हाँ तेज़ गेंदबाज यहाँ पर शबनम इस्माइल के हाथ में गेंद है। शबनम इस्माइल जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आई हैं इस मुकाबले के अंदर, इस दूसरे ओवर डालने आई हैं यहाँ पर शबनम इस्माइल। दायां हाथ की तेज़ गेंदबाज हैं। होबार्ट हरिकेन्स की अगर बात की जाए, पिछले चार मैचों में शुरुआती दो मुकाबले हारे थे, पिछले दो मुकाबले से जीत रही है और आज इनके बिलीवरी ओवल में होबार्ट के अंदर ही खेला जा रहा है ये मुकाबला। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद शबनम इस्माइल की, ओवर की पहली गेंद, इस बार मैगलैनिंग को ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट किया गेंद को थर्डमैन की दिशा में, एक रन जो है वो मिलता हुआ इस गेंद पर और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे एलेक्स कैप्सी जो है वो आती हुई। एंट्री काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई एंट्री, देखिए हमारी टीम मेलबर्न स्टार है तो हाफ लिमिट को यूज़ करके मेलबर्न स्टार को अभी विन कर दीजिएगा और उसके बाद जो है वेट करिएगा। तो हाफ लिमिट यूज़ करिएगा और
अभी मेलबर्न स्टार को विन कर दीजिएगा। एलेक्स कैप्सी जी हाँ बल्लेबाजी करने के लिए आई, एक स्लिप रखी हुई है। शबनम इस्माइल ने खाता खुल चुका है मेलबर्न स्टार का और मैग लैनिंग का भी। एक रन एक विकेट नुकसान पर 1.1 गेंद हो चुकी है, सब एक एक ही चल रहा है यहाँ पर। अगली गेंद लेकर चलते हुए जी हाँ अगली गेंद लेकर चलती हुई शबनम इस्माइल, इस बार फुल की गेंद, ड्राइव किया गेंद को एलेक्स कैप्सी ने, गैप में ये गेंद है, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है मगर फील्डर भी काफ़ी तेज़, यहाँ पर बाउंड्री बचाई अपनी टीम के लिए। दो रन तो मिल जाएंगे, क्या तीसरा भी लेना चाहेंगे यहाँ पर? जी हाँ यहाँ पर तीसरा रन भी पूरा करती हुई एलेक्स कैप्सी। इन 3 रनों के साथ खाता खुलता हुआ एलेक्स कैप्सी का और मेलबर्न स्टार का स्कोर पहुँचता हुआ 4 रन। जी हाँ 4 रन और 1 विकेट नुकसान पर 1.2 गेंद हो चुकी है। मैग्लैनिक और एलेक्स कैप्सी को एक बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पर करनी होगी क्योंकि कम से कम 10 या 11 ओवर तक आपको बल्लेबाजी जो है वो करनी होगी क्योंकि शुरुआती विकेट आपने पहले ओवर में ही खो दी है। शबनम इस्माइल ओवर की 3री गेंद लेकर चलती हुई मैग्लैनिक के लिए, एक बार फिर से अंदर आती हुई गेंद, सीधे बल्ले से डिफेंस किया इस गेंद को, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। 3 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, 4 रन 1 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मेलबर्न स्टार का। बाकी आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, साथ साथ में आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा। सेटबेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से शबनम इस्माइल गेंद लेकर चलती हुई स्ट्राइक पर, मैग्लैनिक ऑस्टन के बाहर, स्लो डिलीवरी, कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से गेम चलते नजर आता है। बाकी हमारी टीम भी आज मेलबर्न स्टार है, मेलबर्न स्टार जो है वो पहले बल्लेबाजी करिए, एक एंट्री हम दे चुके हैं कि यहाँ से हाफर लिमिट यूज़ करिएगा और मेलबर्न स्टार को विन करिएगा। बाकी अभी तो 4 गेंदें इस ओवर की भी हो चुकी है, 4 रन 1 विकेट नुकसान पर शुरुआत अच्छी करनी होगी, पार्टनरशिप बनानी होगी यहाँ पर। चलिए अगली गेंद मैग्लैनिक को पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी पुश किया गेंद को पॉइंट की दिशा में, तेजी से 1 रन मैग्लैनिक और एलेक्स कैप्सी ने यहाँ पर पूरा कर लिया है और अगर देखा जाए तो 1 रन क्या यहाँ पर मिलता हुआ। MLS जीत गया तो तू क्या करेगा भाई, क्या करना है MLS जीत गया तो? प्रिंस अंशु भाई MLS जीत गया तो लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। और पवित्र भाई कौन जीतेगा भाई, बता दिया है मेलबर्न स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मेलबर्न स्टार जो है इस मुकाबले को जीतेगी। स्कोर अभी भी 5 रन 1 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मेलबर्न स्टार का। एलेक्स कैप्सी आखिरी गेंद खेलेंगे इस ओवर की और यहाँ से अगर देखा जाए तो शुरुआती ओवर्स जो हैं वो काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही है मगर दोनों बल्लेबाज सक्षम हैं बड़े शॉट लगाने के लिए, मगर अभी संयम से बल्लेबाजी जो है वो करने होगी। शबनम इस्माइल की अगली गेंद पटकी हुई गेंद, थर्ड मैन की दिशा में खेला इस शॉट को और सीधा गेंद गई थर्ड मैन के फील्डर के हाथ में, निकोला कैरी थी यहाँ पर फील्डर ऑस्टन की तरफ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद शबनम इस्माइल की, कट करने की कोशिश और सीधा थर्ड मैन के हाथ में ये गेंद, दूसरा झटका लगता हुआ मेलबर्न स्टार की टीम को और मेलबर्न स्टार यहां पर मुश्किलों में। जी हां 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर एलेक्स कैप्सी जो है पवेलियन जाती हुई यहां पर और आज भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। यहां पर अगर देखा जाए तो गेंद काफ़ी अच्छी थी यहां पर मगर जो शॉट खेला वो सीधा फील्डर के हाथ में खेला, अगर दाएँ या बाएँ खेला होता तो गेंद बाउंड्री के बाहर होती मगर एलेक्स कैप्सी जी हाँ इस सीज़न के अंदर WBBL के अंदर उतना बेहतर प्रदर्शन जो है वो करके दिखा नहीं रही है और अगर देखा जाए तो विकेट जो है वो आता हुआ। जी हाँ स्कोर अभी भी 5 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं मगर मैग्लैनिक कप्तान क्रीज पे मौजूद है। अब किसको बुलाया जाएगा, कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, क्या सोफी डंकली को भेजा जाएगा या फिर माया बाउचर या एनाबेल सदरलैंड? ये 4 बल्लेबाज काफ़ी ज़बरदस्त हैं यहाँ पर साथ में बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ साथ में बल्लेबाजी करने के लिए एनाबेल सदरलैंड को बुलाया है यहाँ पर मगर अब सिचुएशन ये है कि मेलबर्न स्टार को पहले 10 ओवर, जी हाँ पहले 10 ओवर जो हैं यहाँ पर बल्लेबाजी जो है वो अच्छी करनी होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुरुआती जो 10 ओवर है अभी 2 ओवर हो चुके हैं, 10 ओवर संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि शुरुआत उस प्रकार से मिला नहीं है और फील्डिंग जो है काफ़ी हद तक जो है बेहतर यहाँ पर रखी है, लॉन्ग ऑन रखा है, लॉन्ग ऑफ रखा है। एक बार फिर से मॉली स्टैनो के हाथ में गेंद दी गई है और स्ट्राइक पर मैग्लैनिक है जो कि 2 रन बनाकर खेल रही है, 4 गेंदों का सामना किया। एक बार फिर से मॉली स्टैनो ओवर की अगली गेंद लेकर चलती हुई 3री गेंद, इस बार स्पिन हुई थोड़ी सी, एक गेंद बाहर की तरफ निकली, पॉइंट की दिशा में खेला इस गेंद को और यहाँ पर कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो 2.1 गेंद हो चुकी है, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर
और अगर देखा जाए तो मैग लैनिंग, जी हाँ मैग लैनिंग क्रीज पे मौजूद है अगली गेंद। इस बार मैग लैनिंग को मॉली स्टैनो की, जी हाँ मॉली स्टैनो की अगली गेंद, दूसरी गेंद इस ओवर की। मैग लैनिंग है स्ट्राइक पर, एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को पंच किया कवर की दिशा में। थोड़ी सी धीमी गति की गेंदबाजी जो है वो कर रही है मॉली स्टैनो, और यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी जी है मैग लैनिंग की। दो लगातार डॉट गेंद इस ओवर में हो चुकी है। मैग लैनिंग भी यहाँ पर सोच रही है कि बड़े शॉट वो खेल नहीं सकती। सोफी रीड और एलेक्स कैप्सी जैसे बल्लेबाज जो है पवेलियन जा चुके हैं। एक बार फिर से मैग लैनिंग तैयार हैं तीसरी गेंद खेलने के लिए मॉली स्टैनो की इस ओवर की। मॉली स्टैनो की गेंद एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर, कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। एक और डॉट गेंद आती हुई, स्कोर अभी भी 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। 2.3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं और मॉली स्टैनो बढ़िया गेंदबाजी करें, पिछला ओवर मेंटेन किया था, उसके बाद इस ओवर में भी लगातार 3 डॉट गेंदें जो है करवा चुकी है मैग लैनिंग से। एक बार फिर से अगली गेंद मॉली स्टैनो की इस ओवर की, स्ट्राइक पे है यहाँ पर मैग लैनिंग। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल किया गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग दिशा में, एक बार फिर से गेंद को पकड़ लिया फील्डर ने, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो एक और डॉट गेंद, 4 गेंदें डॉट हो चुकी है यहाँ पर जी, यहाँ 4 गेंदें जो हैं वो डॉट हो चुकी हैं। स्कोर अभी भी 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैग लैनिंग जो है थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, 7 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रही है, मगर ये पिच भी ऐसी नहीं है कि आप आते ही बड़े शॉट यहाँ पर खेल पाए, क्योंकि गेंद जो है थोड़ा सा टर्न कर रहा है यहाँ पर, और 140 से 150 रन एक अच्छा स्कोर रह सकता है इस पिच के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी मेलबर्न स्टार की टीम को। चलिए एक बार फिर से गेंद लेकर चलती हुई मॉली स्टैनो के ओवर की अगली गेंद। मैग लैनिंग है स्ट्राइक पर, यहाँ पर एक बार फिर से 5वीं गेंद, स्लोअर डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, फिर से सीधे बल्ले से खेला मैग लैनिंग ने, मगर गेंद जो है फील्डर के हाथ में सीधा, कोई भी रन नहीं मिलेगा। तो एक और डॉट गेंद, 5 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, स्कोर हो चुका है जी। मकुरी एक बार सिंगल ले लिया है इस गेंद पर, तो सिंगल के साथ स्ट्राइक पेनेबल सदरलैंड आ गई है, 6 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद, आखिरी गेंद इस ओवर की एनेबल सदरलैंड को, ऑस्टम पे अगेन सीधे बल्ले से खेला मिड ऑन की दिशा में, मिसफील्ड हुई फील्डर से, और 1 रन जो है यहाँ से कहीं ना कहीं सिंगल मिलता हुआ। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस ओवर की समाप्ति होती हुई, इस ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 7 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मेलबर्न स्टार का। और मेलबर्न स्टार को अगर यहाँ से कुछ करना है तो एनेबल सदरलैंड और यहाँ पर मैग लैनिंग दोनों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और दोनों को बेहतर प्रदर्शन जो है वो करना पड़ेगा। आप देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी चलती है, शुरुआत उस प्रकार से हुई नहीं है दोनों बल्लेबाजों की, उम्मीदें थोड़ी बनी हुई हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा रन्स जो है वो बनाएं, स्टार्ट जो है वो अच्छा मिले, देखते हैं किस प्रकार से स्टार्ट मिलता है यहाँ पर। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और इन्जॉय करिए इस मुकाबले को। बाकी आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ते रहिएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 500 रुपये का, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपये की, पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है, तो जाकर ज्वाइन करिए सेटबेट को। सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले ले सकते हैं। यहाँ पर शबनम इस्माइल जी, यहाँ शबनम इस्माइल आती हुई गेंदबाजी करने के लिए 4th ओवर लाई है पावर प्ले का, यह आखिरी ओवर होगा और 7 रन जी हाँ अमूमन देखते नहीं है, 7 रन पर 2 आउट हो। स्ट्राइक पे एनेबल सदरलैंड जो कि 2 गेंदें खेली हैं, मात्र 1 रन बनाया है, तो एनेबल सदरलैंड की कोशिश यही रहेगी कि एक पार्टनरशिप बिल्ड की जाए यहाँ पर जो है मैग लैनिंग के साथ। एक बार फिर से शबनम इस्माइल की, ऑस्टन के बाहर ये गेंद, कट किया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, फील्डर दौड़ कर गेंद को पकड़ा है, 1 रन तो मिल जाएगा, क्या दूसरा रन भी पूरा होते हुए नजर आएगा? जी हाँ, दूसरा रन भी यहाँ पर पूरा कर लिया यहाँ पर एनेबल सदरलैंड ने। अगर देखा जाए ये पिच थोड़ी सी जो है उस प्रकार की नहीं है कि आप आते ही बड़े शॉट यहाँ पर खेल पाएँ, थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है, थोड़ा स्लो पिच है, होबार्ट की ये पिच है, और इस पिच के ऊपर अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर यही रहेगा कि आप सिंगल डबल रोटेट करें, जब बाउंड्री लगाने का समय आएगा तो बाउंड्रीज मिलेगी, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी हार्ड है यहाँ पर। एक बार फिर से फुलन की गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया गेंद को मिड ऑफ की दिशा में, ये गेंद गई है, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद आती हुई, 9 रन हो चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर है, और एनेबल सदरलैंड 4 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रही हैं। स्कोर की बात की जाए, टॉस की बात की जाए, तो आज मेलबर्न स्टार ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जो है वो लिया था। एक बार फिर से चलते हैं ज़रा मैच की तरफ और घुबराते हैं यहाँ पर शबनम इस्माइल की तरफ। शबनम इस्माइल एक बार फिर से ओवर की 3री गेंद लेकर चलती हुई एनेबल सदरलैंड के लिए, यहाँ पर पटकी हुई गेंद, इस बार डक कर दिया, बिल्कुल झुक गई यहाँ पर और जेन को जाने दिया विकेट कीपर के पास, कोई भी रन जो है नहीं मिलेगा यहाँ पर।
यहाँ से कोई भी रन नहीं मिलेगा। अब देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये खेल। 9 रन बन चुके हैं, अभी तक गेंदे हो चुकी हैं इस ओवर की 4। यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी शबनम इस्माइल किस प्रकार से गेंदबाजी करती। शबनम इस्माइल का ये दूसरा ओवर रहेगा, और अगर देखा जाए तो आज सोफी डंकली के साथ ओपन नहीं किया, मगर हालत जो है मेलबर्न स्टार की उसी प्रकार की नज़र आ रही है। चलिए अगली गेंद शबनम इस्माइल की, ऑस्टन के बाहर कट किया गेंद को, पॉइंट फील्डर के हाथ से गेंद लगी, मिसफील्डिंग जरूर हुई वहाँ पर, एक रन जरूर मिलेगा इस गेंद पर एनएबल सदरलैंड को। स्ट्राइक पे मैगलैनिंग आ जाएंगे, 4 गेंदे इस ओवर की भी हो चुकी हैं, मात्र 3 रन आए हैं, 10 रन 2 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर है। 3.4 गेंदे हो चुकी हैं, हमारी टीम बता ही दी आपको मेलबर्न स्टार रहेगी, और एंट्री भी दे दी है, एंट्री लेना है तो ले सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये पिच जो है मेलबर्न स्टार जो है बल्लेबाजों से नहीं आज गेंदबाजों से जीतेगी यहाँ पर, क्योंकि बल्लेबाजी आज उतनी खास रहेगी नहीं कि गेंदबाजी जो है मेलबर्न स्टार की ठीक ठाक है, तो मेलबर्न स्टार आज गेंदबाजी जो है कमाल करेगी इस पिच पे। अगली गेंद लेकर चलते हुए शबनम इस्माइल की पटकी हुई गेंद, पुल किया, टॉप एज लगा है, गेंद हवा में है, फाइन लेग की दिशा में ये गेंद गई है, और यहाँ पर चौका मिलता हुआ मैगलैनिंग को, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ढकेला फाइन लेग की दिशा में, और 4 रन मिलते हुए पहला चौका आता हुआ यहाँ पर इस पारी का, और 14 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 3.5 गेंदें हो चुकी हैं, और देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त। जी हाँ, चौका मिलता हुआ इस गेंद पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ मेलबर्न स्टार का। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, क्या एक और बाउंड्री आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी हमें यहाँ पर देखने मिला है, बाउंसी विकेट है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करें तो आसान नहीं है बल्लेबाज के लिए पुल लगाना, मगर इस बार कंट्रोल्ड शॉट था मैगलैनिंग का, और गेंद जो है गैप में गई और 4 रन मिल गए इस गेंद पर। आखिरी गेंद शबनम इस्माइल थोड़ा फील्ड में बदलाव किया है, स्क्वायर लेग का फील्डर जो फाइन लेग की तरफ ढकेला है, जिससे शॉर्ट पिच गेंदबाजी एक बार फिर से वो करके दिखा सकें यहाँ पर, मगर यहाँ पर मैगलैनिंग जो है वो तैयार है इस बार के लिए। चले अगली गेंद शबनम इस्माइल की, ऑस्टम पे गेंद इस बार इनसाइड एज लगा, गेंद फाइन लेग की दिशा में गई, 1 रन तो मिल जाएगा, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर, और 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। मैगलैनिंग होगी स्ट्राइक पर, 10 गेंदों में 8 रन बनाए, एक चौका लगाया है, वहीं सैनब सदरलैंड भी 6 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रही हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो शुरुआत उस प्रकार से नहीं है, मगर आप 100 के मुकाबले भी याद करें, 25 गेंदों में टीम 15 रन बनाती थी, मगर उसके बाद 45 के स्कोर पहुंचती थी, तो यहां से एक पार्टनरशिप अगर बनेगी तो काफ़ी मज़ा आएगा इस खेल के अंदर। तो रुके रहिएगा, सबल रहिएगा, मुझे लगता है कि यहां से रन बनते हुए नजर आएंगे, बस दोनों बल्लेबाजों को ठीक रहना है, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप जो है वो करके दिखानी है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। अब चलते हैं ज़रा अगले ओवर की तरफ, पावर प्ले खत्म हो चुका है 2 ओवर का, पावर सर्च जो है वो बचा हुआ, जो कि 10 ओवर के बाद बैटिंग टीम लेना पसंद करती है, अब देखते हैं कब वो यूज़ किया जाएगा। और अब चलते हैं ज़रा गेंदबाजी की तरफ। जी हाँ, निकोला कैरी जो है वो आ चुकी हैं यहाँ पर, और निकोला कैरी जो हैं यहाँ से अब देखने की बात है कि निकोला कैरी जो है वो किस प्रकार से गेंदबाजी करती हैं। पहले इंजर्ड थी, शुरुआती मुकाबले खेली नहीं थी, मगर अब टीम के अंदर है निकोला कैरी, और अब गेंदबाजी देखने की बात है किस प्रकार से करती हैं। एक बार फिर से निकोला कैरी की पहली गेंद ऑस्टम की तरफ, कट करने की कोशिश, गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास, 1 रन जो है वो दौड़ लिया मैगलैनिंग ने यहाँ पर। और जिन भाइयों को मैं समझा दूँ, भाई अपना नंबर एक्सचेंज करेंगे तो तुरंत टाइम आउट, पहली बार टाइम आउट दूंगा, दूसरी बार ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ पर नंबर शेयरिंग मत कर लीजिएगा, और ना नंबर करिए ना लिंक डालिए किसी चीज़ का, तो मुझे मजबूरन फिर ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। खासकर अमित रॉय भाई, आप एक बार टाइम आउट दे दिया है मैंने आपको, दोबारा से अगर आप नंबर डालते हैं तो ब्लॉक करने की नौबत आ जाएगी आपकी। शांति से बैठिए, चैट पे बताइए जो बताना हो, नंबर मत एक्सचेंज करिए यहाँ पर, और इतना चलाक मत बनिए क्योंकि हम भी यहाँ पर चलाक बैठे हुए हैं। स्कोर की बात की जाए तो दूसरी गेंद भी यहाँ पर डॉट गेंद है, स्कोर हो चुका है अभी भी 16 रन 2 विकेट नुकसान पर, 4.2 गेंदें हो चुकी हैं। मेलबर्न स्टार की टीम को कोशिश यहां पर ये करनी है कि संभल कर बल्लेबाजी करें, रन रेट को अगर 60 गेंदों में अगर 50-55 रन भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। मगर निकोला कैरी जी हाँ, मीडियम फास्ट गेंदबाज है, उंगलियों को अच्छा फेरती हैं यहाँ पर गेंद के ऊपर, और विकेट टू विकेट गेंदबाजी जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो करते नजर आती हैं। चलिए अगली गेंद निकोला कैरी की, ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर एनएबेल सदरलैंड ने, एक और डॉट गेंद, 2 यहाँ पर डॉट गेंदें आ चुकी हैं इस ओवर की, स्कोर अभी भी 16 रन 2 विकेट नुकसान पर, 4.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, और यहाँ से संभल कर बल्लेबाजी जो है यहाँ पर करनी होगी, और किस प्रकार से, जी हाँ किस प्रकार से ये खेल चलेगा ये देखना होगा। चलिए एक बार फिर से गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर निकोला कैरी, ओवर की 4th गेंद, स्ट्राइक पेनेबल सदरलैंड, स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया कवर की दिशा में, मिसफील्ड हुई फील्डर से, 1 रन जो है
यहाँ पर मिलता हुआ, जी हाँ एक रन यहाँ पर मिलता हुआ स्ट्राइक पे। मैगलैनिंग जो है वो आती हुई इस ओवर में अभी तक 2 रन आ चुके हैं, और अगर देखा जाए माफ करिए यहाँ पर चौथी गेंद पर भी रन नहीं लिया है, शायद चौथी गेंद पर भी यहाँ पर रन नहीं लिया है। तो एनएबल सदरलैंड अभी भी इस क्रीज पे मौजूद हैं यहाँ पर, और स्ट्राइक जो है वो रोटेट करते नजर आएंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। एक बार फिर से एनएबल सदरलैंड तैयार है गेंद आप खेलने के लिए, अभी तक 3 लगातार डॉट गेंदे कर चुके हैं यहाँ पर। अगली गेंद लेकर चलती हुई निकोला कैरी के लिए, इस बार मिडल स्टंप पे गेंद स्कूप शॉट खेला फाइन लेग की दिशा में, फील्डर वहाँ पे मौजूद नहीं है, बाउंड्री तक गेंद जाएगी क्या, जी नहीं नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी हार्ड है और गेंद बाउंड्री तक पहुँच नहीं रही है। मगर यहाँ पर रन्स जो हैं वो ले लिए हैं, जी हाँ 3 रन यहाँ पर दौड़ लिए हैं एनएबल सदरलैंड और मैगलैनिंग ने, तो 4.5 गेंदें हो चुकी हैं, 19 रन बन चुके हैं यहाँ पर, 2 विकेट नुकसान पर 4.5 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर। हमारी टीम बताई दिया भाई, जो पूछ रहे हैं कौन जीतेगा, हमारी टीम यहाँ पर मेलबर्न स्टार है, मेलबर्न स्टार पे आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर। निकोला कैरी की आखिरी गेंद है, मैगलैनिंग है स्ट्राइक पर, 19 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर है यहाँ पर मेलबर्न स्टार का। एक बार से स्लो डिलीवरी ऑस्टम की तरफ कट किया गेंद को, पॉइंट फील्डर ने गेंद को पकड़ा है, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 19 रन यहाँ बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, करंट रन रेट अभी भी काफ़ी धीमी 3.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। एक बड़ा ओवर चाहिए होगा यहाँ पर मेलबर्न स्टार को इस रन रेट को कवर करने के लिए, कम से कम आप चाहेंगे कि 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी यहाँ से रन बने और टीम का स्कोर जो है वो आगे जाए। यहाँ चलते हैं ज़रा अब यहाँ पर गेंदबाजी की तरफ, टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर 5 ओवर हो चुके हैं, अब देखते हैं किस स्पिनर गेंदबाज को लाया जाएगा या फिर तेज गेंदबाज को लाया जाएगा। दोनों बल्लेबाज जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट है बड़े स्कोर करने के लिए, एनएबल सदरलैंड हो चाहे मैगलैनिंग हो, और स्ट्राइक पे एनएबल सदरलैंड है। एनएबल सदरलैंड से ही उम्मीद रहेगी कि कादा बड़ा ओवर जो है वो निकाले, मगर एनएबल सदरलैंड अगर टिक गए तो एक बड़ी पारी खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन के अंदर भी इनके बल्ले से काफ़ी अच्छे रन्स जो हैं वो बनते हुए नजर आए थे, काफ़ी अच्छे और रन्स इन्होंने बनाए थे मुकाबलों के अंदर, तो मुझे लगता है कि आज भी अच्छे खासे रन्स जो है बनाते नजर आएंगे। चलिए एक बार फिर से शबनम इस्माइल जी अपने स्पेल का 3rd ओवर लेकर आ रही हैं यहाँ पर, 6th ओवर करेंगी पारी का। शबनम इस्माइल गेंद लेकर चल रही हैं, एक बार फिर से एनएबल सदरलैंड के लिए ओवर की पहली गेंद, फुलन की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड ऑफ की फील्डर की तरफ, 1 रन जो है वो तेजी से ले लिया यहाँ पर स्ट्राइक पे। मैगलैनिंग आती हुई, स्कोर अभी भी 20 रन 2 विकेट नुकसान पर, 5.1 गेंद हो चुकी है। बल्लेबाजी यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत उस प्रकार से हुई नहीं, आज ओपनिंग जो जोड़ी थी वो कुछ खास कर नहीं पाई। आने वाले बल्लेबाजी की बात की जाए तो सोफी डे यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में सोफी डंकली भी टीम के अंदर हैं, और यहाँ पर सोचना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। एक बार फिर से दूसरी गेंद शबनम इस्माइल को मैगलैनिंग के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद, थाई पैड पे टकराई गेंद और 1 रन जो है वो दौड़ लिया यहाँ पर। लेग बाई का सिंगल देना चाहिए अंपायर को, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे एनएबल सदरलैंड आती हुई, 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 5.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। पार्टनरशिप बनप तो रही है, मगर बड़ी पार्टनरशिप चाहिए जहां पर आप डॉट गेंदे जो हैं वो ना खेलें, स्कोर को आगे लेकर जाएं यहां पर। इस्माइल ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, 3rd ओवर कर रही है स्पेल का अपना, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3री गेंद इस ओवर की सामने एनएबल सदरलैंड, इस बार लेग स्टंप पे ये गेंद रूम बनाया था मगर गेंदबाज ने फॉलो किया और इनसाइड एज लगा, गेंद पैड पे लगी, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ से। आज मेलबर्न स्टार की जो शुरुआत हुई है तो डॉट गेंदें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिल रही हैं, 21 रन 2 विकेट नुकसान पर, 5.3 गेंदें हो चुकी हैं, 6ठा ओवर चल रहा है और दबाव पूरी तरीके से बना हुआ है मेलबर्न स्टार के ऊपर। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी जो है लेकर चल रही हैं शबनम इस्माइल ओवर की, यहाँ पर ये अगली गेंद होगी, जी हाँ 4थी गेंद होगी एनएबल सदरलैंड के लिए। पटकी हुई गेंद, पुल किया इस बार बल्ले के निचले हिस्से पे, गेंद लगी मिड विकेट दिशा में, गेंद गई, फील्डर मौजूद है, कोई भी रन जो है वो नहीं ले लेगा। भाई ये विजय गंगावर भाई ये T20 है, अभी स्लो शुरुआत है, पिच उस प्रकार से नहीं है कि आकर आप बड़े शॉट खेल सकें, तो थोड़ा बहुत ये और फ्रेश पिच है, पहला मुकाबला वुमेन बिग बैश लीग 2023 का इस पिच पे खेला जा रहा है, इसलिए बल्लेबाज जो है थोड़ा धीमा भी यहाँ पर खेल रहे हैं। 21 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 5.4 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद लेकर चलती हुई, जी हाँ अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलती हुई, यहाँ पर शबनम इस्माइल स्ट्राइक पे मौजूद,
एनाबेल सदरलैंड फटकी हुई गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को शबनम इस्माइल की तरफ ही, आउटफील्ड थोड़ी हार्ड है मगर इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। यहाँ से चौका मिलता हुआ एनाबेल सदरलैंड को, एनाबेल सदरलैंड के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 5.5 गेंदों का खेल जो है वो हो चुका है इस मुकाबले के अंदर। और बाउंड्री जो है वो आती हुई काफ़ी देर के बाद यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड के बल्ले से, 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर। एक बार फिर से यहाँ पर अगली गेंद शबनम इस्माइल के, एनाबेल सदरलैंड को पटकी हुई गेंद, पुल किया है हवा में, एक गेंद है फील्डर नीचे आती हुई, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी इस बार। यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक बाउंड्री जो है बटोरने की कोशिश थी, रूम बनाया था बड़ा शॉट खेलने के लिए और यहाँ पर सीधा गेंद गई फील्डर के हाथ में, मिड विकेट फील्डर ने पकड़ा है कैच और एनाबेल सदरलैंड 15 गेंदों 12 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 25 रन 3 विकेट नुकसान पर। 6 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं मगर आज बल्लेबाजी मेलबर्न की फिर से कोलैप्स करते नजर आई। आज टॉस जीता मेलबर्न स्टार ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और इस शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पहले चौका लगाया, उसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद गई सीधा मिड विकेट फील्डर के हाथ में, एक और विकेट यहां पर आता हुआ, एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, चलिए झटका लगता हुआ यहां पर एक और, यहां पर मेलबर्न स्टार को 25 रन 3 विकेट नुकसान पर। 6 ओवर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं मगर यहां पर टिकना होगा किसी को, जी हां टिकना होगा। अब क्या बाउचर को भेजा जाएगा या फिर सोफी डंकली, आज सोलरा के सोफी डंकली आकर नहीं मानेंगे, माया बाउचर आई हैं, बाउचर आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखते हैं बाउचर किस प्रकार से बल्लेबाजी यहाँ पर करती हैं क्योंकि आज टॉप ऑर्डर जो है वो बिखर सा गया है मेलबर्न स्टार का। मैग्लेनिंग एक छोर से खड़ी ज़रूर है मगर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है मेलबर्न की, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो आने वाली हैं। जी हाँ मुश्किलें जो हैं वो आने वाली हैं मेलबर्न स्टार के लिए जिस प्रकार की बल्लेबाजी चल रही है। एक बार फिर से निकोला कैरी को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, 7वें ओवर की पहली गेंद, डॉट गेंद है और पिच उस प्रकार से नहीं है, मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट पिच है और मुझे लग रहा है कि कहाँ पर 130-135 रन या 120 रन भी एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर गेंदबाजी आप अच्छी करेंगे तो। अब मैग्लेनिंग एक बार फिर से गेंदबाजी जो है झेल यहाँ पर खेलती हुई निकोला कैरी की, निकोला कैरी एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद डालती हुई दूसरी गेंद, मैग्लेनिंग को फुलंद की गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन जो है वो मिलता हुआ, इस एक रन के साथ बाउचर जो है वो आ गई है स्ट्राइक पर, स्कोर होता हुआ 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान, मतलब 3 विकेट नुकसान पर और स्ट्राइक पे मौजूद बाउचर यहां पर। जी हां 26 रन 3 विकेट नुकसान पर, 6.2 गेंदें हो चुकी हैं और निकोला कैरी लगातार बेहतर गेंदबाजी जो है वो कर रही हैं। एक बार फिर से निकोला कैरी, जी हां ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलती हुई बाउचर के लिए, यहां पर विकेट टू विकेट गेंद करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं बाउचर को अगली गेंद फुलंद की गेंद, ड्राइव किया गेंद को मगर कोई भी रन जो है वो नहीं मिला है। तो आज थोड़ा सा मेलबर्न स्टार की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई, जी हाँ मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई और दबाव जो है वो बनता हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं किस प्रकार से ये खेल जो है वो आगे बढ़ता है, निकोला कैरी के सामने किस प्रकार से इस गेम को खेलते हैं। चलिए अगली गेंद इस बार फिर से बाउचर को, ओवर की चौथी गेंद निकोला कैरी की, इस बार स्लोअर डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला निकोला कैरी ने और मिड ऑफ पे फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर, स्कोर अभी भी 26 रन 3 विकेट नुकसान पर, 6.4 गेंदें हो चुकी हैं, 4 रन प्रति ओवर बनाने बन भी नहीं रहे यहाँ पर, 3.90 रन प्रति ओवर के हिसाब से बन रहे हैं। किसी एक बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी करनी है मगर सिचुएशन ये है कि बल्लेबाजी उस प्रकार से हो रही है, पिच उस प्रकार से नहीं है कि आप आते ही बड़े शॉट इस पिच पर खेल पाएं। अगली गेंद एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ, ये गेंद थी इनसाइड एज, लगा गेंद पैड से टकराई और पॉइंट की तरफ गई है गेंद, एक और डॉट गेंद। तो यहाँ से मेलबर्न स्टार पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फंसी हुई है, बल रन जो है बन नहीं रहे हैं, गेंदें जो है बल्ले पे ढंग से आ नहीं रही हैं। तो ये क्या मैग्लेनिंग कोशिश करेंगी या मैग्लेनिंग चाहेंगे कि 20 ओवर में जितने रन बन जाए उतना ही बेहतर रहेगा इस पिच के लिए। चलिए अगली गेंद लेकर चलती हुई निकोला कैरी बाउचर के लिए, एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, ड्राइव करते ही एक रन की मांग कर ली, मिड ऑफ पे एक रन जो है वो दौड़ लिया इस एक रन के साथ। जी हाँ ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 7 ओवर 27 रन 3 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगी बाउचर जो कि 4 गेंदों में 1 रन बना खेल रही हैं, वहीं 7 देने आई हैं मेलबर्न, यहाँ पर मेलबर्न स्टार की कप्तान मैग्लेनिंग का 15 गेंदों में सिर्फ 10 रन। जी हाँ 15 गेंदों में
10 रन बनाए हैं यहाँ पर, और संभल कर, बिल्कुल अब संभल कर ही खेलना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर विकेटें जो हैं वो काफ़ी खो दी हैं, 3 विकेट खो दिए हैं। अगले 18 गेंदों में क्या 20 रन जोड़ सकती हैं क्या दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जितनी ज़्यादा डॉट गेंदे खेलेंगे उतना प्रेशर जो है मेलबर्न स्टार की तरफ आएगा। तो यहाँ पर सिंगल डबल और रोटेट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ सिंगल डबल अगर रोटेट करेंगे काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। और अब गेंदबाजी के लिए मैसी गिब्सन को बुलाया गया है, लेग स्पिनर गेंदबाज मैसी गिब्सन जो है वो आ चुकी हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब देखते हैं मैसी गिब्सन जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी करती हैं, अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी रही है औरों गेंदबाजों की। जब मैसी गिब्सन जो है वो लेग स्पिनर गेंदबाज है, सामने उनके बाउचर होंगी। मैसी गिब्सन के ओवर की पहली गेंद इस बार स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज बाउचर, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद गई सीधा पॉइंट फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। स्लो पिच है, काफ़ी स्लो पिच है, 120-121 रन का आंकड़ा जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहेगा और काफ़ी ज़बरदस्त ये मुकाबला जो है वो रहने की उम्मीद है। एक बार फिर से अगली गेंद मैसी गिब्सन की पटकी हुई गेंद, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे आ चुकी है मैगलैनिंग, स्कोर हो चुका है 28 रन 3 विकेट नुकसान पर 7.2 गेंदों के बाद। एंट्री ले लो भाई, भाई ले लीजिए एंट्री, बैटिंग पड़ी है अभी मेलबर्न के पास बैटिंग है, मेलबर्न की बैटिंग जो है वो लंबी है थोड़ी सी। यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से मैसी गिब्सन के ऊपर, तीसरी गेंद मैगलैनिंग को, इस बार बैकफुट से गेंद को हल्का सा पुश किया पॉइंट की दिशा में और एक रन जो है वो दौड़ लिया है। और यहाँ पर मैगलैनिंग समझ चुकी है कि स्पिनर गेंदबाज और तेज गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए पिच काफ़ी अनुकूल है, तो यहाँ पर 120-130 रन का आंकड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर रह सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी जो है वो करते नजर आ रही है। मैसी गिब्सन के ओवर की अगली गेंद, इस बार चौथी गेंद लेग स्टंप पर, यह गेंद माया बाउचर के लिए मगर वाइड करार दिया अंपायर ने, इस गेंद को एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ और खाते में 30 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 7.3 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद इस बार फिर से मैसी गिब्सन के ओवर की अगली गेंद, इस बार चौथी गेंद माया बाउचर के लिए, ऑस्टम की तरफ ये गेंद, ड्राइव किया गेंद को कवर की दिशा में, एक बार फिर से कवर फील्डर ने पकड़ा है गेंद को, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर मैगलैनिंग आ जाएंगे, 31 रन 3 विकेट नुकसान पर 7.4 गेंदें हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चल रही है ये बल्लेबाजी। और सिंगल डबल रोटेट करने के बाद डॉट गेंद अगर कम से कम खेलने बेटर रहेगा। अगली गेंद मैसी गिब्सन के इस ओवर की मैगलैनिंग को, ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट किया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, फील्डर दौड़ कर गेंद को पकड़ा है, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे, जी हाँ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज यहाँ पर बाउचर अब किस प्रकार से खेलेंगी ज़रा इसको समझना होगा। चलिए अगली गेंद लेकर चलती हुई, जी हाँ अगली गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद स्वीप कर दिया, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, बाउचर के बल्ले से आया है यहाँ पर चौका और चौके के साथ स्कोर होता हुआ 36 रन 3 विकेट नुकसान पर 8 ओवर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। और मैगलैनिंग जो है वो 17 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रही हैं, एक चौका जो है वो लगा चुके हैं, मगर पिछली गेंद पर माया बाउचर ने चौका बटोरा, 9 रन आए इस ओवर से, 8 ओवर 36 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है मेलबर्न स्टार का। अब देखते हैं मेलबर्न स्टार जो है किस प्रकार से बल्लेबाजी जो है वो करती है, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, जी हाँ जुड़ते रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, मगर अभी सिचुएशन ये है कि मेलबर्न स्टार चाहेगा कि यहाँ से रन बनाया जाए। निकोला कैरी को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, निकोला कैरी के ओवर की पहली गेंद मैगलैनिंग को, इस बार सीधे बल्ले से खेला, मिड विकेट दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया, कोई भी रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद, 4.41 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा चलेगा, संभल कर चलेगा ये मुकाबला। आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं मेलबर्न स्टार की, मुझे लगता है कि मेलबर्न स्टार यहाँ से कमबैक करते हुए नजर आएगी। अगली गेंद लेकर चलते हैं, अगली गेंद लेकर चल रही है निकोला कैरी, दूसरी गेंद है इस ओवर की, स्ट्राइक पर मौजूद मैगलैनिंग, अंदर आती हुई गेंद थी सीधे बल्ले से खेला, कवर की दिशा में, एक रन जो है यहाँ से मिलता हुआ स्ट्राइक पे आती हुई बाउचर, 37 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 8.2 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ से दोनों बल्लेबाज चाहेंगे 120-130 रन का आंकड़ा क्रॉस करना, क्योंकि पिच उस प्रकार की नहीं है कि आप आकर बड़े शॉट खेल सकें, आपको सिंगल डबल पे ही निर्भर रहना होगा। यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, जी हाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिली है, आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें तो अनइवन बाउंस भी देखने को मिला है थोड़ा सा।
अगली गेंद निकोला कैरी की, इस ओवर की स्ट्राइक पे आउट चार, एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से खेला गेंद को, कवर फील्डर ने पकड़ा है गेंद को, कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। स्कोर अभी भी 37 रन 3 विकेट नुकसान पर। आज डॉट गेंदें काफ़ी ज़्यादा खेली हैं, अभी तक 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। निकोला कैरी की मात्र 1 रन आया है, कोई भी बल्लेबाज रिस्क जो है वो ले नहीं रहा है, क्योंकि एक बल्लेबाज को यहाँ पर रिस्क लेना होगा, रन रेट को मेंटेन करके चलना होगा। चलिए एक बार फिर से निकोला कैरी गेंद लेकर चलते हुए बाय बाउचर के लिए, कदमों का इस्तेमाल किया, कलाइयों के सारे खेल दिया मिड विकेट दिशा में, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ फिर से मैग्लैनिंग आ जाएंगे स्ट्राइक पर। निकोला कैरी का ये 3रा ओवर है, मात्र 8 रन दिए हैं अभी तक, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है बल्लेबाजी करना, क्योंकि मैग्लैनिंग को अगर आप देखेंगे तो स्लो नहीं खेलती मैग्लैनिंग, कहीं ना कहीं रने बॉल चलती है। आज मैग्लैनिंग भी थोड़ा सा परेशान नजर आई है, क्योंकि गेंद बल्ले पे उतने अच्छे तरीके से आ नहीं रहा है इस पिच पर, क्योंकि फ्रेश पिच है ये और पहला ही मुकाबला खेला जा रहा है वन बिग बैश लीग का इस सीजन का। एक बार फिर से ऑस्टम के बाहर ये गेंद कट कर दिया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, चौका चौका मिलता हुआ इस गेंद पर। जी हाँ, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेट नुकसान पर। 8.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, और अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी एक बार फिर से आखिरी गेंद इस ओवर की। अब मैग्लैनिंग ने यहां पर खेलकर 1 रन जो है बटोरा है पॉइंट दिशा में, 1 रन जो है वो बटोरा है यहां से, और इस 1 रन यहां पर जो है 1 रन जो है मिलता हुआ इस 1 रन के साथ मुकाबले में थोड़ा सा लगा कि हाँ रन बनाते हुए नजर आएंगे। चलिए 2 ओवर 43 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, रन रेट जो है वो 4.78 की चल रही है, और कोशिश यही है दोनों बल्लेबाजों की कि यहाँ से रन्स जो है वो बनाए जाएँ। 7 रन इस ओवर में आए, पिछले उससे पहले 9 रन आए थे, 2 ओवर में 16 रन आ चुके हैं, चाहेंगे इस ओवर में 10 रन कम से कम यहाँ पर बटोरें और रन्स जो है वो बनाएं। जी हाँ, रन्स जो है वो बनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा स्कोर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक अच्छा स्कोर रहेगा, 140 से 140 रन का स्कोर एक अच्छा स्कोर रह सकता है इस पिच के लिए। अब मैसी गिब्सन आई है गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पे, मैग्लैनिंग है, मैसी गिब्सन के ओवर की पहली गेंद, इस बार बैकफुट से गेंद को कलाइयों के सारे शॉर्ट स्क्वायर लेग दिशा में खेला मैग्लैनिंग ने, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। क्योंकि पिच पे अगर आप देखेंगे तो आप जज नहीं कर पा रहे हैं बाउंस, क्योंकि बाउंस जज नहीं कर पा रहे हैं, कोई गेंद नीचे रह रही है, थोड़ा सा उठ रही है, ज़्यादातर उछाल ज़्यादा ले रही है गेंद इस पिच के ऊपर, इसलिए बल्लेबाज जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं शॉट खेलने के लिए, इसलिए सिंगल डबल रोटेट कर रहे हैं। मैसी गिब्सन के ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप पे स्वीप शॉट खेला स्क्वायर लेग की दिशा में एक बार फिर से, मगर आउटफील्ड थोड़ी सी हार्ड है, फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद तक और 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेट नुकसान पर। 9.2 गेंदें हो चुकी हैं, माय बाउचर 11 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही है। मैसी गिब्सन जो है इस ओवर में 3 रन दे चुके हैं, अभी भी 4 गेंदें बची हैं, तो 50 रन का आंकड़ा ज़रूर पूरा करना चाहिए यहां पर इस ओवर के अंदर। चलिए अगली गेंद, एक बार फिर से स्वीप करने की कोशिश, गेंद खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, और लीजिए एक और विकेट जी हां आता हुआ यहां पर, एक और झटका यहां पर लगता हुआ और विकेट जो है वो जाता हुआ, माफ करिए यहां पर, जी हां विकेट जो है वो जाता हुआ और बाउचर भी पवेलियन जा रही हैं। जी हाँ, चौथा झटका लग गया यहाँ पर मेलबर्न स्टार की टीम को, एक अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पे, ये गेंद थी स्वीप करने गई और स्क्वायर लेग की दिशा में सीधा फील्डर के हाथ मार बैठी बाउचर। 9.3 गेंदें हो चुकी हैं, 46 रन 4 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार वुमेन्स का स्कोर है। बाउचर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर एक चौका लगाकर पवेलियन जाती हुई यहाँ पर, और मेलबर्न स्टार के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि इस पिच के ऊपर कोई भी बल्लेबाज मेलबर्न का जो है वो सेटल नज़र नहीं आया, हर बल्लेबाज जो है परेशान नज़र आया है, तो यहाँ से ड्रिंक्स ब्रेक जो है वो लिया जाएगा। अब शायद हो सकता है सोफी डंकली जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आए 10वें ओवर के बाद, अभी भी देखा जाए तो सिर्फ 63 गेंदें बची हुई हैं इस पारी की, बाकी आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार, सेटबेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सेटबेट को, खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ यहाँ पर,
और सेटबेट पे टोटली एक्सचेंज है, लॉस्कर बुक्सर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, डिपॉजिट आप गूगल पे फोन पे पेटीएम से कर सकते हैं और सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, आप सारे मुकाबले सेटबेट के ऊपर लाइव दे सकते हैं। जाकर ज्वाइन करते रहिए सेटबेट को, खेलिएगा और जीतिएगा। यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने की उम्मीद है और चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार का ये खेल चल रहा है, यहाँ पर मेलबर्न स्टार की टीम यहाँ से एक पार्टनरशिप जो है बिल्ड करे। तो अब यहाँ पर सोफ़ी डंकली ही आएंगी बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी जो है गिब्सन को दिया गया है, तो ये आखिरी जोड़ी होगी बल्लेबाजों की। कोशिश यही कि अगले 5-6 ओवर जो है वो संभल कर बल्लेबाजी की जाए। एक बार फिर से सोफ़ी डंकली आ चुकी है मैसी गिब्सन के ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, गेंद टर्न हुई और पैड पर लगी, कोई रन नहीं मिलेगा। चौथी गेंद जो है वो डॉट गेंद, 46 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर। किसी एक बल्लेबाज को खुलकर बल्लेबाजी जो है वो करनी होगी यहाँ पर। अब देखते हैं किस प्रकार से गेम चलता है। अगली गेंद मैसी गिब्सन के इस ओवर की, सोफ़ी डंकली को लेग स्टंप पे ये गेंद, डिफेंस कर दिया इस गेंद को, कोई भी रन जो है वो नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 9.5 गेंदें माफ करिए हो चुकी हैं। लगातार 2 डॉट गेंदें जो हैं वो आ चुकी हैं अभी तक सोफ़ी डंकली से। आखिरी गेंद है इस ओवर की, जी हाँ आखिरी गेंद है इस ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद यहाँ पर सोफ़ी डंकली। तो क्या सोफ़ी डंकली जो हैं एक बड़ा शॉट यहाँ पर खड़े करते नजर आएंगे। चलिए अगली गेंद मैसी गिब्सन की, ऑस्टम पे ये गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा विकेट कीपर की तरफ से, गेंद निकल गई यहाँ पर फाइन लेग की तरफ, मगर गेंद आउटफील्ड काफ़ी हार्ड है और यहाँ पर गेंद बाउंड्री तक जाएगी नहीं और 2 रन मिले इस गेंद पर। 10 ओवर, 48 रन, 4 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर है। अब 60 गेंदें बची हैं इस पारी की और 2 ओवर का पावर सर्च भी बचा हुआ है। अब देखते हैं बल्लेबाज कब वो पावर सर्च लेना चाहेंगे, कब वो और कैसे वो बल्लेबाजी जो है वो करना चाहेंगे इस पारी के अंदर। तो जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर मुकाबला। आप देखते हैं आगे किस प्रकार से ये गेम जो है वो आगे चलता है। 48 रन बन चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पर, 10 ओवर जो हैं वो हो चुके हैं यहाँ पर। और अब थोड़ा बहुत सोफ़ी डंकली और मैग लैनिंग को कोशिश करनी होगी कि अगले 5 ओवर में 30 गेंदों में 35 से 40 रन जोड़ा जाए और स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा अब रनिंग बिटवीन जो है वो काफ़ी अच्छी है। बताओ सर आप किस हिसाब से, भाई बता तो दिया कमल सोनी भाई मेलबर्न स्टार के साथ ही हैं, पिच थोड़ी सही नहीं है आज, पिच उतना बेहतर नहीं है बल्लेबाजी के लिए, इसीलिए बल्लेबाज तो यहाँ पर मैं तो खाकर बैठा हूँ। बिल्कुल भाई खाकर सही बैठा है, मैंने भी एंट्री ले ली कमल सोनी भाई। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद है। लो स्कोरिंग मैच होने की संभावना रहेगी क्योंकि काफ़ी हाई स्कोरिंग मुकाबले हो चुके हैं, एक लो स्कोरिंग मैच की भी उम्मीद मुझे रहेगी आज के इस मुकाबले में। अगली गेंद लेकर चलते हुए मैगलैनिंग के लिए एक बार फिर से लेग स्टंप की तरफ ये गेंद, क्या हो रहा है आज, जी हाँ यहाँ पर ब्राउनी स्मिथ को गेंद दी गई है। लगातार 2 डॉट गेंदें हैं क्योंकि मैगलैनिंग अगर इस पिच पे फंस रही है बल्लेबाजी करने के लिए तो समझ सकते हैं मुश्किल है। दूसरी गेंद जो है वाइड गेंद है, स्कोर अभी भी 49 रन, 4 विकेट नुकसान पर, 10.1 गेंद हो चुकी है और मैगलैनिंग जो है वो कोशिश कर रही है कि रनों की गति जो है वो बढ़ाई जाए। यहाँ पर अगली गेंद मैगलैनिंग को, और मैगलैनिंग को ये गेंद, इस बार चौका लगा है इस गेंद पर, जी हाँ चौका बटोरा है यहाँ पर जो है एमी स्मिथ की गेंद पर। ऑस्टन के बाहर ये गेंद डी पॉइंट दिशा में खेला, चौका बटोरा मैगलैनिंग ने, चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मेलबर्न स्टार का 53 रन, 4 विकेट नुकसान पर, 10.2 गेंदों का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है। और अगर देखा जाए थोड़ा सा अब मैगलैनिंग को ही यहाँ से बड़ी पारी जो है वो खेलनी पड़ेगी, टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलती हुई जी हाँ यहाँ पर एमी स्मिथ, यहाँ पर अगली गेंद लेकर चलती हुई ओवर की तीसरी गेंद, स्ट्राइक पे लाए मैगलैनिंग, इस बार बैकफुट से गेंद को सीधे बल्ले से खेला है, जी हाँ उछाल, जो उछाल की बात कर रहा हूँ, जो स्पिनर गेंदबाजों को और तेज़ गेंदबाजों को मिल रहा है, इसलिए बल्लेबाज थोड़ा सा परेशान नजर आए हैं अपने शॉट को लगाते हुए, क्योंकि गेंद जब आ रही है, पिचिंग हो रही है, टपक आ रही है, तो गेंद उछल रही है, इसलिए बल्ले के बीचों बीच गेंद लग नहीं रही है यहाँ पर। तो लगातार देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी एमी स्मिथ की। एमी स्मिथ एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलती हुई मैगलैनिंग को, इस बार ड्राइव किया गेंद को कवर की दिशा में, 1 रन तो ले लिया है और 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा यहाँ पर।
10.4 गेंदे जी हाँ हो चुकी हैं यहाँ पर और 54 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। थोड़ा सा यहाँ पर एक बड़ा ओवर चाहिए रन रेट को 6 के लिए, 15 ओवर में 90 भी क्रॉस करते हैं, 90 तक ही पहुँचते हैं तो आखिरी 5 ओवर में टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अच्छा टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पर 115 रन भी डिफेंड हुए हुए हैं, 54 रन 4 विकेट नुकसान पर। एक बार फिर से एम ए स्मिथ ओवर की 5वीं गेंद लेकर चलते हुए स्ट्राइक पे हैं सोफी डंकली को। अगली गेंद एम ए स्मिथ की, इस बार बैकफुट से गेंद को सीधे बल्ले से खेला, एम ए स्मिथ ने गेंद को फील्ड कर लिया, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो 5वीं गेंद डॉट गेंद रही यहाँ पर और 4 विकेट, जी हाँ 4 विकेट खोए हैं सोफी डंकली। वैसे ओपनिंग करती है मगर आज उनको नीचे की तरफ बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। शायद आज मेरे हिसाब से तो सोफी डंकली के ओपन करने आते तो ये पिच उनके लिए काफ़ी मददगार होती। यहाँ पर एक बार फिर से सोफी डंकली को गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद जो है वो निकल गई फाइन लेग की दिशा में और अच्छी गेंद यहाँ पर एम स्मिथ की। पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करें। यहाँ पर आखिरी गेंद पर 2 रन आए यहाँ पर स्कोर होता हुआ 56 रन 4 विकेट नुकसान पर। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, रन रेट किसी तरीके से जहाँ 4 से नीचे की थी वो 5 तक पहुँच चुकी है, 5.09 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। स्ट्राइक पे होंगे मैगलैनिंग जो कि 26 गेंद में 24 रन बनाकर खेल रही हैं, 3 चौके लगा चुकी हैं। सोफी डंकली उनका साथ दे रही हैं, 5 गेंदों में 4 रन बनाकर 11 ओवर 56 रन 4 विकेट नुकसान पर। अगली 24 गेंदों में अगर 30 रन भी जोड़े तो एक अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोनों बल्लेबाजों की कोशिश है कि सिंगल डबल यहाँ पर रोटेट किया जाए और स्कोर को आगे बढ़ाया जाए। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ते रहिए। हमारी टीम मेलबर्न स्टार है, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है वो एंट्री ले लीजिएगा, मुकाबले में रोमांच रहेगा आज। अगली गेंद इस बार यहाँ पर मैसी गिब्सन की लेग स्टंप पे ये गेंद स्वीप किया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन जो है वो मिलेगा इस गेंद पर, 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर, माफी चाहेंगे 2 रन दौड़ लिए मैगलैनिंग और सोफी डंकली ने। स्कोर होता हुआ 58 रन 4 विकेट नुकसान पर। 140 रन बन सकता है क्या भाई? 140 वाली ये पिच ही नहीं है, 145 का एज अ सेफ स्कोर। भाई मेरे हिसाब से सेफ स्कोर तो 160-150 से ऊपर का होता है, मगर फाइटिंग टोटल कह सकते हैं 130-135 रन फाइटिंग टोटल रहेगा, क्योंकि होबार्ट हरिकेन्स के अगर देखा जाए 1-2 विकेट छटकाने हैं। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला, इस बार गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए। अब थोड़ा सा मैगलैनिंग ने गियर को बदला है और बड़ा शॉट खेला इस बार इस गेंद पर, मैसी गिब्सन की इस गेंद पर, और चौका बटोरा है। स्कोर पहुंचता हुआ 62 रन 4 विकेट नुकसान पर। 11.2 गेंदें हो चुकी हैं, 12वां ओवर चल रहा है और जड़ दिया है, जी हाँ जड़ दिया है चौका यहाँ पर दूसरी गेंद पर। तो अगली गेंद पर फिर से मैसी गिब्सन के ओवर की 3री गेंद स्ट्राइक पर, मैगलैनिंग 30 रन बनाकर खेल रही है। इनका लंबा खेलना बहुत ज़रूरी है और फील्ड तो खुली हुई है यहाँ पर। चलिए अगली गेंद मैसी गिब्सन के इस ओवर की, मैगलैनिंग है स्ट्राइक पर, ओवर की 3री गेंद ऑस्टम की तरफ कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर, इस डॉट गेंद के साथ 3री गेंद जो है वो डॉट गेंद है। तो इस ओवर में अगर देखा जाए 6 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर, एक आधा बाउंड्री ढूंढने की कोशिश जरूर रहेगी यहाँ पर मैगलैनिंग की। अगली 3 गेंदों के अंदर 3 रन भी जोड़े तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक मैसी गिब्सन के ओवर की अगली गेंद मैगलैनिंग को पढ़कर गेंद नीचे रही और पैड पे लग गई। देखिए यही मैं कह रहा था कि कुछ गेंदें ऊपर रह रही हैं, कुछ गेंदें नीचे की तरफ झुक रही हैं, तो थोड़ा बहुत उतना परफेक्ट बाउंस नहीं है इस पिच के ऊपर कि आप यहां पर शॉट लगा सके। तो आपको गेंद की पिच तक पहुंचना होगा कि शॉट लगाने के लिए। इस बीच 4थी गेंद भी डॉट गेंद है। अगली गेंद 5वीं गेंद मैसी गिब्सन की, मैगलैनिंग को इस बार ऑस्टम की तरफ बैकफुट से गेंद को कट कर दिया, गेंद को डीप पॉइंट दिशा में 4 रन के लिए। एक और चौका आ रहा है यहाँ पर, एक और चौका हम मिलता हुआ इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 160, स्कोर हो चुका है 66 रन लॉस ऑफ 4 विकेट, 11.5 गेंदें हो चुकी हैं, रन रेट हो चुकी है 5.58 की, 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से, अभी भी आखिरी गेंद बची है। 155 होगा क्या? 155 होने के लिए भाई दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलना होगा। 155 आप कह रहे हैं मतलब कि 90 रन कह रहे हैं यहाँ से 8 ओवर में, नहीं होगा भाई। अगली गेंद एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ, फिर से कट किया गेंद को, एक बार फिर से डीप पॉइंट में ये गेंद, एक और चौका आता हुआ इस गेंद पर। लगातार 3 चौके इस ओवर में जड़ दिए मैगलैनिंग ने यहाँ पर, लगातार बैक टू बैक 2 चौके, 14 रन आए इस ओवर से मेलबर्न स्टार के लिए, बड़ा अच्छा ओवर। यहाँ पर 12 ओवर में 70 रन बन चुके हैं मेलबर्न स्टार के 4 विकेट नुकसान पर। स्ट्राइक पर होंगी सोफी डंकली और मेलबर्न स्टार ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया। शुरुआत उस प्रकार से नहीं हुई थी मगर अब 48 गेंदें बची हैं। एंट्री में दे चुका हूँ आपको, हमारी टीम मेलबर्न स्टार ही रहेगी आज। 48 गेंदें बची हैं, 48 गेंदों में अगर 60 रन भी जोड़ें 140 तक पहुँच सकते हैं, मगर यहाँ पर सोफी डंकली को भी संभल कर बल्लेबाजी जो है वो करनी होगी। चलिए
देखते हैं क्या होता है। अब सोफी डंकली अभी तक तो इस पिच के ऊपर उतने बेहतर नहीं दिखी हैं, उतना जो अप्रोच नज़र आया है सोफी डंकली का उतना बेहतर नज़र नहीं आया है यहाँ पर। 12 ओवर जो हैं हो चुके हैं, 48 गेंदें बची हैं, शुरुआत में ही काफ़ी प्लेयरों के ओवर्स निकाल दिए गए हैं यहाँ पर। चलिए अब हैदरग्राम, जी हाँ, हैदरग्राम को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अब देखते हैं हैदरग्राम जो है वो किस प्रकार से गेंदबाजी करती हैं। एक बार फिर से 13वां ओवर लेकर चल रही हैं हैदरग्राम। 13वें ओवर की पहली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज सोफी डंकली, तो क्या सोफी डंकली भी बाजुए खोलेंगे। एक बार फिर से मिड लेग स्टंप पे गेंद कलायो के सारे, मिड विकेट दिशा में ढकेला है गेंद को, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे मैकलेनिंग आती हुई, 71 रन 4 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है। मैकलेनिंग को यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अगर रन बनाने हैं यहाँ पर मेलबर्न स्टार को तो मैकलेनिंग को आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। अगले गेंद मैकलेनिंग को ड्राइव किया गेंद को, थोड़ा हवा में थी गेंद मगर गेंद गई कवर की दिशा में। एक ही रन मिलना चाहिए और एक ही रन संतुष्ट, जी हाँ एक नहीं माफ करिए दो ले लिए हैं दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन काफ़ी तेज दौड़ रही हैं, जानती हैं कि एक एक रन जो है वो यहाँ पर कीमती है और एक एक रन जो है वो ज़रूरी है यहाँ पर। और पहुँचा दिया है, जी हाँ पहुँचा दिया है यहाँ पर स्कोर को। यहाँ पर मैकलेनिंग ने 73 रन 4 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद हैदरग्राम के, इस बार लेग स्टंप पे ये गेंद कलाइयो के सहारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर डाइव लगाई गेंद को रोका मगर इस बार एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 74 रन 4 विकेट नुकसान पर। 12.3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों के अंदर 4 रन आ चुके हैं, तो कैलकुलेटिव रिस्क जो है लिया जा रहा है। अगर 90 गेंदों में 90 तक भी पहुंचते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। सेकंड बैटिंग पावर प्ले लिया है कि नहीं भाई, अभी बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया है और इंतजार ही कर रहे हैं। चलिए अगली गेंद, एक बार फिर से सोफी डंकली को अंदर आती हुई गेंद, इनसाइड एज लगा और गेंद निकल गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। लगता है सोफी डंकली आज बल्लेबाजी करना भूल गई है, क्योंकि ये इस पिच के ऊपर थोड़ा पेस भी है, बाउंस भी है। बस MLS 50 पैसे आ जाए भाई, आ जाएगी 90 भी मिल जाएगी, 90 पे लॉस कट, क्योंकि छोटी एंट्री है 30 पैसे में, 90 पे लॉस कट और 50 पैसे में बुक सेट कर लेना। अगली गेंद एक बार फिर से हैदरग्राम के इस ओवर की, सामने मौजूद मैकलेनिंग एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी लेग स्टंप की तरफ, कलायो के सारे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। और इस एक रन के साथ इस ओवर में 5 गेंदों के अंदर 6 रन आ चुके हैं, 12.5 गेंदें हो चुकी हैं, 76 रन 4 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर है। करंट रन रेट 6 के करीब पहुंचता हुआ 5.92 का हो चुका है। क्या सोफी डंकली एक आधा बाउंड्री जड़ सकती हैं इस ओवर की आखिरी गेंद पर, बड़ा शॉट लगा सकती हैं क्या, देखना होगा। चलिए एक बार फिर से हैदरग्राम गेंद लेकर चल रही है, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज सोफी डंकली, पटकी हुई गेंद एक बार फिर से कलायो के सहारे मिड विकेट दिशा में, डीप मिड विकेट दिशा में खेला है, एक रन तो मिल जाएगा और एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर आखिरी गेंद पर सिंगल आया है और 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 77 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर। 12.5 गेंदों का खेल जो है वो हो चुका है, जी हाँ खेल जो है समाप्त हो चुका है। और अब देखते हैं किस प्रकार से होती है ये बल्लेबाजी, क्योंकि अब 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं 77 रन 4 विकेट नुकसान पर। यहाँ से 42 गेंदें बची हैं, 42 गेंदों में कम से कम 60 रन जोड़ने की कोशिश रहेगी। यहाँ से अब कौन सी बता दिया अर्चना भाई कि यहाँ से हम मेलबर्न स्टार को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मेलबर्न स्टार जो है इस मुकाबले से, मेलबर्न स्टार बैक ऑन ट्रैक आती हुई। इसलिए कहता हूँ क्रिकेट है जल्दबाजी में हार मत माना करिए, वेट करिया करिए, बल्लेबाज हैं इनके पास रन बनाने वाले, नीचे बल्लेबाजी अच्छी है। चलिए देखते हैं अभी क्या होता है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए मॉली स्टेनो को बुलाया गया है, पहली गेंद इस बार स्कूप शॉट खेला फाइन लेग की दिशा में सोफी डंकली ने, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है मगर फील्डर पहुंच जाएंगे क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी हार्ड है। और यहां पर 2 रन मिलते हुए, जी हां पहली गेंद पर ही 2 रन मिलते हुए, इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 79 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट और लीजिए 6 की रन रेट जो है वो पूरी होती हुई। यहाँ से अब इस रन रेट को मेंटेन करना है, इस रन रेट को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलेंगे मॉली स्टेनो, जी हाँ मॉली स्टेनो को, मॉली स्टेनो की दूसरी गेंद सोफी डंकली को, अब देखते हैं सोफी डंकली किस प्रकार से खेलती है। दूसरी गेंद मॉली स्टेनो की, फुलन की गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव किया कवर की दिशा में, गैप में ये गेंद है, डाइव लगाई फील्डर ने, हाथ से रोक लिया और 2 रन और जोड़ लीजिएगा, 2 रन और जोड़ लीजिएगा मेलबर्न स्टार के खाते में। स्कोर होता हुआ 81 रन 4 विकेट नुकसान पर। 13.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। अच्छी बल्लेबाजी, जी हाँ अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है और ऐसी ही
बल्लेबाजी की उम्मीद भी है कि इसी प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। मेरा सर 75% में खाली थी, स्कोर सेट क्या करो भाई जी, स्कोर सेट है भैया। चलिए अगली गेंद देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। दो गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं और रन बन चुके हैं यहाँ पर जो है 82 रन, 4 विकेट नुकसान पर। सिंगल लिया है तीसरी गेंद पर मॉली स्टैनो, ओवर की चौथी गेंद लेकर चलते हुए। जी हाँ, चौथी गेंद मॉली स्टैनो की इस ओवर की। सामने मौजूद बल्लेबाज मैग्लैनिंग, मैग्लैनिंग शायद वो कोशिश करेंगे 15 ओवर के बाद ही बाजुए खोलें, अभी ग्राउंडेड शॉट भी लगाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए अगली गेंद मॉली स्टैनो के इस ओवर की चौथी गेंद, स्ट्राइक पे मैग्लैनिंग, एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद सीधे बल्ले से खेल कर एक रन जो है वो दर्ज कर लिया है, दौड़ लिया है एक रन। चौथी गेंद पर भी सिंगल आता हुआ और इस ओवर की बात की तो 6 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर के अंदर, 83 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर, 13.4 गेंदें हो चुके हैं। क्या एक आधा बाउंड्री आ सकती है क्या इस ओवर में, ये देखना होगा। दो गेंदें बची हैं इस ओवर की मॉली स्टैनो के ओवर की। अब पांचवी गेंद, जी हाँ पांचवी गेंद इस ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज सोफी डंकली हैं और सोफी डंकली भी नॉर्म बनाकर खेल रही हैं। अगली गेंद सोफी डंकली को मॉली स्टैनो की, इस बार मिडल स्टंप पे गेंद हल्का सा पुश किया मिड विकेट दिशा में, एक रन जो है वो ले लिया। यहाँ पर सोफी डंकली भी समझ गई हैं कि बड़े शॉट नहीं ले सकते इस पिच के ऊपर, तो आपको ग्राउंडेड शॉट लगाकर एक दो रन जो है दौड़ने पड़ेंगे और वही काम करती हुई 84 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की और यहाँ पर, जी हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। चलिए अगली गेंद मॉली स्टैनो की इस ओवर की, फुल की गेंद, इस बार ड्राइव करने की कोशिश, इनसाइड एज लगा और यहाँ पर एक रन जो है मिलता हुआ इस गेंद पर। आखिरी गेंद पर सिंगल आया है और 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 85 रन, जी हाँ 14 ओवर 85 रन बन चुके हैं यहाँ पर मेलबर्न स्टार का स्कोर। मैग्लैनिंग होंगी स्ट्राइक पर और अब देखते हैं यहाँ से 15वां ओवर लेकर कौन आता है। 36 गेंदें बची हैं इस पारी की, अगर यहाँ पर 50 रन भी जोड़ लें तो 39 तक पहुँच सकते हैं, एक अच्छा स्कोर रह सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार ढंग से, जी हाँ एक दो बड़े ओवर ढंग से बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो संभल कर बल्लेबाजी जो है वो करनी होगी। बल्लेबाजी संभल कर ली है मगर अब 6 ओवर बचे हैं, इनमें आप किस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखाएंगे, ज़रा इस पर भी निगाहें हमें बना के रखनी होगी। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइए, अगर आप खेलते हैं तो सेटबेट के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। सेटबेट के ऊपर जो मिनिमम डिपॉजिट है सिर्फ 500 रुपये का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पर सेटबेट के ऊपर 100% का बोनस मिल रहा है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे, 500 का एक्स्ट्रा बोनस 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, सेटबेट के ऊपर खेलिएगा और जीतिएगा। अच्छी बात यह है कि सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइव देख सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले आप लाइव देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब हैदराबाद की ओर की पहली गेंद थी और मैग्लैनिंग ने आते ही स्वागत किया चौके के साथ, मैं यहाँ पर हैदराबाद को और लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका बटोर लिया, स्कोर होता हुआ 89 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 14.1 गेंद का खेल हो चुका है समाप्त। यहाँ से 35 गेंदें बची हैं, बड़े बड़े शॉटों की है दरकार, क्या लगता है आपको अगली गेंद दूसरी गेंद किस प्रकार से खेलेंगे। यहाँ पर दूसरी गेंद थी, बड़ा शॉट, एक और चौका, लगातार बैक टू बैक 2 चौके इस ओवर में चढ़ दिए यहाँ पर मैग्लैनिंग ने, और मैग्लैनिंग ने बता दिया कि अब वो बड़े शॉट खेलना पसंद करेंगे इस 2 चौकों के साथ। 50 रन पूरे होते हुए मैग्लैनिंग के 52 रन बनाकर खेल रही हैं, 39 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके यहाँ पर लगाए हैं, 93 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर, 14.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। जी हाँ एक अच्छा ओवर जाएगा अगर बड़ा ओवर करती हैं इसको तो, और रन रेट को भी नज़र रखिएगा आप सब लोग, 6.49 का हो जाएगा यहाँ, हो चुका है यहाँ पर, कहाँ 4.5 से भी नीचे का रन रेट था उसको लेकर आए 6.5 के करीब। चलिए अगली गेंद हैदराबाद के ओवर की तीसरी गेंद, मैग्लैनिंग को लेग स्टंप पे गेंद थी, खेल दिया फाइनल की दिशा में, एक और चौका, लगातार बैक टू बैक 2 नहीं 3 चौके जड़ दिए इस ओवर में मैग्लैनिंग ने। तो 12 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर, मेलबर्न स्टार का स्कोर होता हुआ 97 रन, 4 विकेट नुकसान पर, 14.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। और मैंने कहा तक रन बनेंगे भैया, रन बनेंगे, मैग्लैनिंग जब तक खड़े रहेंगे रन बनेंगे, और रन्स जो है वो आ रहे हैं, अब ऐसे ही रन्स जो है बनाने पड़ेंगे। हैदराबाद का ये ओवर महंगा जाता हुआ। अगली गेंद चौथी गेंद, एक बार फिर से रूम बनाया, ऑस्टम की तरफ कट किया गेंद को पॉइंट की दिशा में,
फील्डर से जस्ट आगे गेंद गिरी, कोशिश थी कैच पकड़ने की मगर पकड़ नहीं पाई यहाँ पर, और डॉट गेंद आती हुई, स्कोर अभी भी 97 रन 4 विकेट नुकसान पर। मैगलैनी ने तो मन बना लिया है कि वो बड़े शॉट खेलकर टीम का स्कोर जो है वो आगे लेकर जाएंगी यहाँ पर, देखते हैं कितना आगे लेकर जाती हैं टीम का स्कोर। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, 5वीं गेंद हैदर ग्राम के इस ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद मेलबर्न स्टार की कप्तान मैगलैनिंग जो है स्ट्राइक पे हैं। 4थी गेंद एक बार फिर से लो फुल टॉस, कलाइयों के सहारे खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, शबनम इस्माइल ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर, इस 2 रन के साथ स्कोर हो जाएगा मेलबर्न स्टार का 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14.5 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, मैगलैनिंग 58 रन की पारी खेल चुकी हैं, 9 चौके लगा चुकी हैं और अभी भी इस ओवर को देखा जाए तो 14 रन आ चुके हैं, आखिरी गेंद बची है और रन रेट जो है वो 6.67 की हो चुकी है। आखिरी गेंद हैदर ग्राम की इस ओवर की, सामने मैगलैनिंग को फुल टॉस, गेंद कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए, बड़ा ओवर यहां पर आता हुआ और छक्का बटोरती हुई आखिरी गेंद पर मैगलैनिंग, 20 रन आए इस ओवर से, 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 105 रन 4 विकेट नुकसान पर मेलबर्न स्टार का स्कोर। और मैगलैनिंग ने क्या बल्लेबाजी करके दिखाई है, 43 गेंदों में 64 रन की पारी खेली है, कहां शुरुआत धीमी थी उसके बाद जब एक्सीलेट किया है टीम का स्कोर आगे लेकर जाती हुई, 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, अगले 5 ओवर में 50 रन जोड़े तब 155 तक पहुंच सकती है मेलबर्न स्टार की टीम। तो लगातार बड़े शॉट अब आते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले के अंदर, अब देखते हैं किस प्रकार से गेम चलता है। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। बहर बड़ा ओवर हैदर ग्राम का यहाँ पर, 20 रन आए इस ओवर से और अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। और रन्स जो है वो बन गए हैं, जी हाँ रन्स जो हैं वो बन चुके हैं यहाँ पर। अगली गेंद अब लेकर चलती हुई यहाँ पर, अब शबनम इस्माइल को बना चुका है, भाई पावर प्ले है भाई, हाँ भाई पावर प्ले ही ले रखा है, तभी तो रन मार रही है, आगे बढ़ बढ़ के शॉट खेल रहे हैं तभी तो भाई पावर प्ले ले लिया है। अगली गेंद है, चलिए आखिरी यहाँ पावर सच है ना भाई, बिल्कुल भाई पावर सच, तब तो 20 रन ठोक दिए इस ओवर में। अगले यहाँ पर शबनम इस्माइल अब गेंदबाजी करने के लिए आई हैं, शबनम इस्माइल अब देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करती हैं, आज उनका स्पेल जो है वह काफ़ी अच्छा रहा है। शबनम इस्माइल तैयार, स्ट्राइक पे हैं सोफी डंकली और सोफी डंकली के पास भी मौका है बाजुए खोलने का और बड़े शॉट लगाने का। चलिए एक बार फिर से शबनम इस्माइल की ओर के पहली गेंद सोफी डंकली को, फुल रन की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन के लिए, एक और चौका मगर इस बार बल्लेबाज सोफी डंकली, सोफी डंकली के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, मेलबर्न स्टार का स्कोर पहुंचता हुआ 109 रन 4 विकेट नुकसान पर। 15.1 गेंद हो चुकी है और जिन भाइयों को डर लग रहा था तो भैया लॉस कट कर सकते हैं क्योंकि फेवरेट आ चुकी है मेलबर्न स्टार यहां पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलती हुई, जी हाँ अगली गेंद लेकर चलती हुई शबनम इस्माइल, पावर सर्च का ये आखिरी ओवर होगा, दूसरा ओवर होगा। शबनम इस्माइल बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई थी शुरुआत में, बराबर रन बन रहे हैं। चलिए अगली गेंद सोफी डंकली को, दूसरी गेंद इस ओवर की, डंकली है स्ट्राइक पर, रूम बनाया, स्लोअर डिलीवरी ऑस्टन की तरफ, कलाइयों के सारे खेला, थर्ड मैन की दिशा में गैप में ये गेंद है, 2 रन मिलने चाहिए इस गेंद के ऊपर और निश्चित तौर पे 2 रन मिलेंगे मगर यहाँ पर 1 रन से ही संतुष्ट किया मैगलैनिंग ने, स्कोर होता हुआ 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15.2 गेंदें हो चुकी हैं और अभी भी अगर देखा जाए तो 28 गेंदें बची हैं इस पारी की और 28 गेंदों में कितना स्कोर और बनेगा, जी हाँ कितना स्कोर और बनेगा यार ये देखना होगा। अब देखते हैं क्या होगा, शबनम इस्माइल 2 गेंदों में 5 रन जो है वो दे चुकी हैं, मैगलैनिंग कप्तान मेलबर्न स्टार के तैयार हैं इस ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए, तीसरी गेंद खेलने के लिए, क्या बड़ा शॉट आएगा देखना होगा। वहाँ पर शबनम इस्माइल गया फुल टॉस, गेंद कलाइयों के सहारे खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, एक और छक्का आता हुआ मैगलैनिंग के बल्ले से, ये दूसरा छक्का है मैगलैनिंग का और 11 रन आ चुके हैं 3 गेंदों के अंदर, 116 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 15.3 गेंदें हो चुकी हैं, फुल टॉस गेंद को और सीधा मिड विकेट दिशा में ढकेल दिया, छक्का जड़ दिया यहां पर और अब 116 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर। देखते हैं क्या होगा, अभी भी 27 गेंदें बची हैं, करंट रन रेट जहाँ 4 से नीचे थी अब 7.48 की हो चुकी है और जो लोग टेंशन ले रहे थे मेलबर्न कैसे करेगी, देख लीजिए भाई ऐसे करेगी मेलबर्न स्टार की टीम। चलिए अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद कलाइयों के सारे खेल दिया, फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर ने कोशिश की गेंद को रोकने की, ब्राउनी स्मिथ थी
वहां पर गेंद को रोका, दो रन मिलेंगे निश्चित तौर पर। बाउंड्री भी चेक करना चाहेंगे अंपायर, क्योंकि दो रन तो ले लिए हैं निश्चित तौर पर, मगर एफर्ट के पूरे नंबर, फील्डर ने दो रन बचाए हैं शायद मेरे हिसाब से तो। बाकी आप सब लोग जो है वो जुड़ते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और सेटबेट के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलेगा और जीतिएगा। चलिए एक बार फिर से चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। शबनम इस्माइल ओवर की अगली गेंद लेकर चलती हैं, सोफी डंकली है स्ट्राइक पर, ऑस्टम की तरफ ये गेंद थी, कट कर दिया, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाती है स्क्वायर लेग की दिशा में। पिछली गेंद पर दो नहीं तीन रन लिए थे और इस गेंद पर जो है वो दो रन ले लिए हैं, तो 16 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं, पांच गेंदें हो चुकी हैं, 121 रन चार विकेट नुकसान पर, 15.5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद बची है शबनम इस्माइल के इस ओवर की, और उनको तो कोशिश कर रही हूँ कि विकेट निकालें, विकेट निकालें यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद एक बार फिर से, अगली गेंद यहाँ पर लेकर चल रही है शबनम इस्माइल ओवर की, आखिरी गेंद यहाँ पर क्या चौका लगाएंगी छक्का लगाएंगी, देखना होगा। अगली गेंद शबनम इस्माइल की, इस बार स्लोअर डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से खेला मगर सीधा गेंद गई मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में, और सोफी डंकली का सफर खत्म होता हुआ इस मुकाबले में। 16 गेंदों में 17 रन की पारी खेली, एक चौका लगाया, मगर अच्छी बात यह कि एक अच्छी पार्टनरशिप जो है मैगलैनिंग के साथ की, मैगलैनिंग को स्ट्राइक पर रखा और रन जो है बनवाए यहाँ पर। 16 ओवर हो चुके, 121 रन बन चुके हैं पांच विकेट नुकसान पर, अभी भी 24 गेंदें बची हैं, अगर 24 गेंद में 30 रन भी जोड़ते हैं तब भी 150 का आंकड़ा बनते हुए नजर आता है, तो अच्छी बल्लेबाजी जो है वो करके दिखा रही हैं दोनों बल्लेबाज। मगर देखिए अगर यहाँ से एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना है या आगे बढ़ना है इस स्कोर के अंदर, तो कोशिश यही करना है कि यहाँ से एक मैगलैनिंग जो है वो लंबी पारी खेलें और बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करते हुए नजर आए। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। वुमेन बिग बैश लीग का ये 20वां मुकाबला है, अब क्या होगा इस मैच का सूरत हाल ये देखना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन बल्लेबाजी, बल्लेबाज जो है बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आएगा। 24 गेंदें बची हैं इस पारी की, शबनम इस्माइल का स्पेल खत्म हो चुका है, 34 रन देकर 3 विकेट चटकाए आज शबनम इस्माइल ने। शुरुआत अच्छी थी मगर अंत भला तो सब भला, आप देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी आगे बढ़ती है। मात्र 24 गेंदें बची हैं, 24 गेंदों के अंदर कितना स्कोर और बनेगा, 121 रन बन चुका है पांच विकेट नुकसान पर। चलिए मैगलैनिंग होगी स्ट्राइक पर गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ पर लेग स्पिनर गेंदबाज आई है ऑस्टम पे, ये गेंद ड्राइव किया गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर स्मिथ को बुलाया गया है, जी हाँ एमी स्मिथ को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। एमी स्मिथ की पहली गेंद डॉट गेंद है, दूसरी गेंद लेकर चलती हुई एमी स्मिथ स्ट्राइक पर, मैगलैनिंग ऑस्टम की तरफ ये गेंद कट किया, पॉइंट की दिशा में गई गेंद मगर यहाँ पर रन नहीं मिलेगा स्ट्राइक पर। अब नॉन स्ट्राइक एंड पे किम ग्राथ आई है, किम ग्राथ भी बल्लेबाजी अच्छी कर लेती हैं, किम ग्राथ भी आती हुई बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से दो लगातार अच्छी गेंदें, दो डॉट गेंदें, एक बार फिर से यहाँ पर एक बार गुगली गेंद, इस बार ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को, कवर दिशा में गई, एक रन मिलेगा इस गेंद पर, इस एक रन के साथ किम ग्राथ, जी हाँ किम ग्राथ आ जाएंगी स्ट्राइक पर, स्कोर हो जाएगा 122 रन पाँच विकेट के नुकसान पर, 16.3 गेंदें हो चुकी हैं। किम ग्राथ को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक जो है अपने कप्तान को देना है मैगलैनिंग को, और बची हुई गेंदें जितनी ज़्यादा वो खेलेंगी उतना बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगली गेंद एमी स्मिथ की, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को कवर की दिशा में, एक रन जो है वो मिल जाएगा, तो चार गेंदों में अभी तक दो रन आए हैं, जी हाँ चार गेंदों में अभी तक दो रन आए हैं, यहाँ पर स्कोर हो चुका है 123 रन पाँच विकेट नुकसान पर, 16.4 गेंदें हो चुकी हैं आखिरी, जी हाँ आखिरी दो गेंदें बची हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे। अगली गेंद एमी स्मिथ की, फुलन की गेंद, कलाइयों के सारे स्वीप करने की कोशिश, गेंद गई डीप मिड विकेट दिशा में, शबनम इस्माइल मौजूद, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे किम ग्राथ आ जाएंगे, स्कोर हो चुका है 124, जी हाँ 124 रन बन चुके हैं पांच विकेट नुकसान पर, 16.5 गेंदों के बाद आखिरी गेंद, किम ग्राथ है स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से खेला था, अब मिड ऑफ की दिशा में एक रन लेने की कोशिश थी और ले लिया यहाँ पर मैगलैनिंग ने एक रन, और इस एक रन के साथ ओवर की होती हुई समाप्ति। 17 ओवर हो चुके हैं, 125 रन बन चुके हैं पांच विकेट के नुकसान पर, और एंट्री हमारी आपको पता ही है कि मेलबर्न स्टार के ऊपर थी जब चार विकेटें जो है खोई थी, और उसके बाद अभी कहा था कि एंट्री ले लीजिएगा रन बनेंगे, और रन बने भी, अच्छे रन बने हैं इस पिच पे,
एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। बस आखिरी की 18 गेंद है, जी हाँ 18 गेंदों में अगर 30 रन जोड़ते हैं तो 150 का स्कोर एक अच्छा स्कोर रह सकता है फाइट करने के लिए उस मुकाबले के अंदर, क्योंकि पिच उस प्रकार से नहीं है जो आपको पिछले कुछ मुकाबलों में पिच दिखी है और वैसे रन बने हैं, मगर ये पिच जो है कुछ अलग है। जी हाँ ये पिच जो है थोड़ी सी अलग है बिकॉज ये फ्रेश पिच है, पहला मुकाबला WBBL का यहाँ पर खेला जा रहा है इस सीज़न का। अब गेंदबाजी करने के लिए मॉली स्टेनो को बुलाया गया है, मॉली स्टेनो जो है वो गेंदबाजी करने आई हैं, स्ट्राइक पे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज किम ग्राथ। जी हाँ किम ग्राथ है यहाँ पर आई हैं स्ट्राइक पर और 2 रन बनाकर खेल रही हैं 2 गेंदों में, 18 गेंदें बची हैं इस पारी की। अगली गेंद मॉली स्टेनो की ओर की पहली गेंद, इस बार किम ग्राथ को ऑस्टम पे गेंद स्वीप किया स्क्वायर लेग से, फील्डर के जस्ट आगे ये गेंद गिरी, 1 रन यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ 1 रन यहाँ पर मिलेगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे किम ग्राथ नहीं माफ करिए मैकग्लेनिंग आ जाएंगे, 126 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर 17.1 गेंद। जी हाँ 17 गेंदें बची हैं, कोशिश करना है मैकग्लेनिंग को कि 10 या 12 गेंदें वो खुद खेलें यहाँ पर। अगली गेंद मॉली स्टेनो के ओवर की दूसरी गेंद, मैकग्लेनिंग को स्लो डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से उठाया है गेंद को और लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद गई शॉर्ट थर्नमन के हाथ में, एलिस विल्लानी ने पकड़ा है कैच और मैकग्लेनिंग का विकेट जो है वो गिरता हुआ यहाँ पर और मैकग्लेनिंग जो है वो आउट होती हुई यहाँ पर और एक और झटका लगता हुआ मेलबर्न स्टार की टीम को 126 रन 6 विकेट के नुकसान पर, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। अब गेंदें बची हैं यहाँ पर 16, अगर 16 गेंदों में 16 रन बनाए तो 142 तक पहुँच सकते हो और 142 की जो रन है उस पर फाइट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये पिच जो है उतना बेहतर नहीं है बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाउंस जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, गेंद थोड़ा बहुत टर्न भी कर रही है और तेज़ गेंदबाजों के लिए भी यहाँ पर मदद है। तो थोड़ा सा जितने रन बने हैं वो एक अच्छा स्कोर है, ऐसा लग भी नहीं आता 125 रन भी सोच रहे थे कि 125 बन जाए 120 गेंदों में वो भी अच्छा है, मगर अभी भी 16 गेंदें बची हैं, रनों की गति थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि मैकग्लेनिंग आउट हो गई, मगर किम ग्राथ भी बल्लेबाजी कर लेती हैं। अब देखते हैं नई बल्लेबाज कौन आई है बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी 126 रन 6 विकेट नुकसान पर, लंबी बल्लेबाजी जरूर है मेलबर्न स्टार के पास, मगर अगली 16 गेंदों में कम से कम 16 या 20 रन बनाने की कोशिश आएगी। अब मकीना भेजी गई है कि बल्लेबाजी करने के लिए, मकीना को ये गेंद और रेस मकीना आई है, 1 रन लिया इस गेंद पर स्ट्राइक पर किम ग्राथ आ चुकी हैं, 3 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। स्कोर की बात की जाए तो अभी भी 127 रन 6 विकेट नुकसान पर, 15 गेंदें बची हैं इस पारी की। मॉली स्टेनो के ओवर स्पेल का ये आखिरी ओवर है, ना शबनम इस्माइल की गेंदबाजी बचेगी ना मॉली स्टेनो की। यहाँ पर 4th गेंद किम ग्राथ को, इस बार ऑस्टम पे ये गेंद स्वीप करने की कोशिश, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंदबाज की दिशा में ही गेंद चली गई और डिफेंस, जी हाँ यहाँ पर 2 गेंदें बची हैं, 4th गेंद डॉट गेंद हो जाएगी। अगली गेंद मॉली स्टेनो की इस ओवर की, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है किम ग्राथ को, 5वीं गेंद कदमों का इस्तेमाल किया किम ग्राथ ने और 1 रन के लिए यहाँ पर दौड़ लिया मगर हो गई मिसफील्ड, मगर फील्डर फिर से कवर अप करते हुए यहाँ पर एक सिंगल और आता हुआ, 128 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, 17.5 गेंदें हो चुकी हैं। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की, रेस मैकीना है स्ट्राइक पर, मैकीना बल्लेबाजी थोड़ा बहुत कर लेती हैं यहाँ पर, रेस मैकीना को अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे कलाइयों के सारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है और यहाँ से ओवर की समाप्ति होती हुई 18 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है मेलबर्न स्टार का और सिर्फ बची हैं 12 गेंदें। जी हाँ 12 गेंदें बची हैं, इन 12 गेंदों में अगर मान लीजिए 20 रन भी जोड़ दें तो 149 रन तक पहुंच सकते हैं, मगर किम ग्राथ को जिम्मेदारी लेनी होगी बड़े शॉट खेलने के लिए, बड़े शॉट लगाने के लिए किम ग्राथ को कोशिश करनी होगी यहाँ पर। अब देखते हैं किम ग्राथ किस प्रकार से बल्लेबाजी जो है वो करती हैं यहाँ पर अपनी टीम के लिए, क्योंकि गेंदबाजी भी उनको करनी है और नई गेंद के साथ किम ग्राथ मुझे तो शुरुआत में विकेट चटकाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर एमी स्मिथ को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए, एमी स्मिथ के ओवर की पहली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे गेंद स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टंप के ये बाहर गेंद थी, वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को, एक एक्स्ट्रा रन जोड़ दीजिएगा मेलबर्न के खाते में, 130 रन बन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर, 12 गेंदें अभी बची हुई हैं। चलिए अगली गेंद यहाँ पर रेस मकीना मकड़ी स्ट्राइक पर मौजूद, ऑस्टम पे गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, इनसाइड एज लगा, फाइनल लेग की दिशा में गेंद गई और 1 रन पूरा कर लिया मकीना ने स्ट्राइक पे आते हुए, किम ग्राथ स्कोर होता हुआ 131 रन 6 विकेट नुकसान पर। बाकी आप सब लोग जो है यार सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है,
लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा सटबेट के साथ। मिनिमम डिपॉजिट जो है यहाँ पर जो है 500 रुपये का, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सटबेट की तरफ से मिलेगा। डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं। विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाता है, तो जाकर ज्वाइन करिएगा सटबेट को। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। अच्छी बात यह सटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाए दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले लाए दे सकते हैं। ट्राई एंड टच ट्रस्ट वेबसाइट है, क्रिकेट लाइव हिंदी, काफ़ी व्यूअर खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आप भी खेलिए और जीतिए सटबेट के साथ। चलिए अगर बात करते हैं इस ओवर की, रैस मकीना है स्ट्राइक पर, एक बार फिर से गुगली गेंद थी, बोल्ड कर दिया वहाँ पर, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश रैस मकीना की और यहाँ पर अपना विकेट जो है वो गंवाती हुई। चौथी गेंद थी इस ओवर की, स्कोर अभी भी 132 रन, 7 विकेट नुकसान पर, रैस मकीना जो है पवेलियन जाती हुई। और अगर देखा जाए तो यहाँ से 8 गेंदें बची हैं, शायद 8 गेंदों में 8 रन बनाकर 140 के आंकड़े को छूना चाहेगी यहाँ पर मेलबर्न स्टार की ये टीम। लगा था जब मैकग्लेनिंग खड़ी थी कि 8 रन बन जाएंगे, मगर 150 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे, मगर अब जितने भी बन जाए उतना ही बेहतर रहेगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर हॉबार्ट मेलबर्न स्टार के लिए। हॉबार्ट चाहेगा कि यहाँ से रन ना बने, विकेट ऑल आउट कर दिया जाए, मगर अभी भी 3 विकेट बची हुई हैं, 132 रन बन चुके हैं, 7 विकेट नुकसान पर, 18.4 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी की जो है 8 गेंदें बची हैं। देखते हैं इन 8 गेंदों के अंदर कितना स्कोर जो है वो बेहतर रहेगा। जी हाँ, कितना स्कोर जो है यहाँ पर अच्छा रहेगा। वैसे पिच अच्छी लगी है, पिच अच्छी लगी है बल्लेबाजी के लिए, पिच अच्छी लगी है यहाँ पर मुकाबले के लिए, और मज़ा आएगा। जी हाँ, मज़ा आएगा इस खेल के अंदर। मेरे हिसाब से तो एक ज़बरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। चलिए अब यहाँ पर गेंदबाजी नहीं हो, निकोला फॉल्टॉम, जी हाँ निकोला फॉल्टॉम आई है बल्लेबाजी करने के लिए। निकोला फॉल्टॉम जो है पिछले सीजन में भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई थी। निकोला फॉल्टॉम का ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन खेले। निकोला फॉल्टॉम को रखा कहाँ था अभी तक, और चौका मिल गया है इस गेंद पर। चौके के साथ स्कोर अभी भी यहां पहुंच चुका है 136 रन, 7 विकेट नुकसान पर, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। क्या एक आधा चौका जो है वो और लग सकता है, क्या एक आधा बाउंड्री जो है वो और हो सकती है क्या यहां पर, देखने की बात रहेगी। यहां पर निकोला फॉल्टॉन को अगली गेंद, इस बार एम ए स्मिथ के लेग स्टंप पे ये गेंद, कलायू के सारे खेलने की कोशिश, मिड विकेट दिशा में कोई रन नहीं मिलेगा, और ओवर समाप्त होता हुआ 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं 136 रन, 7 विकेट नुकसान पर। जो भाई एंट्री पूछ रहे हैं, मैं एंट्री शुरू में ही दे चुका हूं, लॉस कट भी बता चुका हूं, जब मेलबर्न फेवरेट थी मैं लॉस कट भी करवा चुका हूं, और जिनको अब एंट्री लेनी है अपने रिस्क पे लीजिए। भाई मेरा काम हो चुका है यहां पर, मैंने लॉस कट करवा दिया है, बस हमें उम्मीद यही है कि मेलबर्न स्टार जो है इस मुकाबले को जीते। यहां पर एंट्री मैंने 8वें ओवर में ही दे दी थी, मैंने कहा ले लो मेलबर्न स्टार पे। चलिए देखते हैं अब यहां से किस प्रकार से गेम चलता है। केम ग्राथ होंगे स्ट्राइक पर, आखिरी 6 गेंदे हैं, अगर 14 रन जड़ दिए तो 150 का आंकड़े तक पहुंच सकते हैं, मगर निकोला फॉल्टॉम को एज अ बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में खेलते हैं, पिछले सीजन में कप्तानी भी की थी मेलबर्न स्टार की, और अब देखते हैं क्या करेंगे यहां पर। अब गिब्सन, मैसी गिब्सन आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। मैसी गिब्सन की पहली गेंद, केम ग्राथ को कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन जो है वो मिल जाएगा, स्ट्राइक पे आ जाएंगे निकोला फॉल्टॉम, और फॉल्टॉम आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5 गेंदें बची हैं इस पारी की, यहाँ से देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी जो है वो चलती है। एक बार फिर से मैसी गिब्सन के ओवर की अगली गेंद, फॉल्टॉम है स्ट्राइक पर, मैसी गिब्सन के ओवर की दूसरी गेंद, इस बार सीधे बल्ले से खेला गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर से जस्ट आगे ये गेंद गिरी है, एक सिंगल और आता हुआ, 2 रन आ चुके हैं 2 गेंदों के अंदर, 138 रन, 7 विकेट नुकसान पर, 19.2 गेंदें हो चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो निकोला फॉल्टॉम यहां पर नॉन स्ट्राइक रन पर आ चुके, किम ग्राथ होंगे स्ट्राइक पर, मैसी गिब्सन की गेंद ऑस्टन के बाहर, कवर के ऊपर से खेला इस शॉट को, मगर फील्डर मौजूद, फील्डर वहां पर बिल्कुल रखा हुआ था, कवर्स के ऊपर से खेलते ही किम ग्राथ को, और हवाई फायर किया, मगर सीधा यहां पर जो है गेंद को पकड़ लिया और कैच आउट हो गई किम ग्राथ। एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, जी हाँ एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, और विकेट की बात की जाए तो बड़ा ही ज़बरदस्त फील्ड प्लेसमेंट था इस बार, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ के फील्डर को बिल्कुल वाइड रखा था कवर की दिशा में,
और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई, ना ज़्यादा दूर जाना पड़ा ना हिलना पड़ा और सीधा गेंद हाथ मार बैठी किम ग्रा। तीन गेंदें हो चुकी हैं, 138 रन बन चुके हैं, 8 विकेट नुकसान पर। यहां से कोशिश यही कि तीन गेंदों के अंदर जितने भी रन मिल जाए 140 से 142 रन का आंकड़े तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 140 से 142 रन पे इस पिच के ऊपर फाइट हो सकती है, क्योंकि यहां पर स्पिनर गेंदबाजों को आज गेंदें जो हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं, प्लस तेज गेंदबाजों को भी बाउंस अच्छा मिला है। और मेरे हिसाब से मेलबर्न स्टार के पास भी अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं, अच्छी तेज़ गेंदबाज यूनिट है और मज़ा आएगा इस खेल में। दो गेंदें बची हैं, शाशा मोलानी जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं। अब गेंदों की बात की जाए, चलिए अगली गेंद लेकर चलते हैं। मैसी गिब्सन ऑस्टम की तरफ, यहाँ पर स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद आती हुई। यहाँ पर फॉल्टम को बोलना चाहिए कि आप सिंगल लेकर स्ट्राइक उन्हें दें। और स्कोर की बात की जाए, जी हाँ, यहाँ से स्कोर की बात की जाए, 138 रन 8 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को ढकेला है यहाँ पर शाशा मोलानी ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक रन ले लिया है, दूसरा भी पूरा करेंगे। यहाँ पर स्कोर पहुंचता हुआ 140 रन 8 विकेट नुकसान पर। 19.5 गेंदें जो हैं वो हो चुकी हैं, आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। इस आखिरी गेंद पर क्या बाउंड्री जो है वो लगा सकते हैं? जी हाँ, यहां से बाउंड्री जो है वो लगा सकते हैं। एवरेज स्कोर इस पिच का 131 है, मगर 40 बन चुके हैं। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सहारे खेला मिड विकेट दिशा में, एक रन तो ले लिया है, क्या दूसरा रन लेने की कोशिश? पहुंच जाएंगे यहाँ पर, दो रन और जोड़ लीजिएगा खाते में। स्कोर होता हुआ 142 रन 8 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के समाप्ति के बाद। लास्ट गेंद थी, दो रन लिया है, एक बार अंपायर चेक करना चाहेंगे। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पिच अच्छी लगी है, मगर अगर आप मेलबर्न स्टार के स्कोर को देखें, जी हाँ, मेलबर्न स्टार के अगर आप स्कोर को देखें तो बेहतर स्कोर मानूंगा यहाँ से, जब शुरुआत हुई थी, जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी उससे बेहतर स्कोर जो है नज़र आया है यहाँ पर, जिस तरीके से मजबूती दी थी। चलिए, यहाँ से इनिंग ब्रेक हो चुका है, अब टारगेट जो मिल गया है इस मुकाबले के अंदर, बता दें मैच का सूरत हाल क्या था। 20वां मुकाबला है वुमेन बिग बैश लीग का, बिलेवरी ओवल होबार्ट में खेला जा रहा है ये मुकाबला। होबार्ट का ये होम ग्राउंड है। टॉस जीता था यहाँ पर मेलबर्न स्टार ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर बनाए 142 रन 8 विकेट नुकसान पर। अब टारगेट मिल चुका है होबार्ट हरिकेन्स को, होबार्ट हरिकेन्स को इस मैच को जीतना है। 143 रन बनाने हैं 120 गेंदों के अंदर, मगर आसान नहीं होगा, क्योंकि पिच ने परेशान किया था मेलबर्न स्टार के बल्लेबाजों को। और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पर मेलबर्न स्टार के गेंदबाज भी परेशान करते नजर आएंगे होबार्ट हरिकेन्स के बल्लेबाजों को। चलिए, यहाँ से अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, इनिंग ब्रेक के बाद जुड़ते हैं लाइव एक्शन में, तो कहीं मत जाइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यहाँ पर।
तो चलिए इनिंग ब्रेक जो है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर टारगेट जो है 143 का है हॉबार्ट के लिए, 120 गेंद बनाना है। पहला ओवर निकल चुका है, 3 रन आए पहले ओवर के अंदर। लेजिली 4 गेंद में 2 रन बनाकर खेल रही है। एलिस विलानी जो है वो 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रही है। हॉबार्ट का स्कोर एक ओवर समाप्ति के बाद 3 रन बिना किसी नुकसान के 114 गेंदों में 140 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 7.37 का है। तो यहाँ से अगर बल्लेबाजी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी यहाँ पर हॉबार्ट की टीम को। मगर अगर बात की जाए मेलबर्न की, तो मेलबर्न को ये जोड़ी तोड़नी होगी। जी हाँ, ये जोड़ी जो है वो तोड़नी होगी यहाँ पर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद लेजिली को, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को। जी हाँ, 6 रन के लिए। ये खराब गेंद थी और इस खराब गेंद का पूरा भरपूर फायदा उठाया लेजिली ने। लेफ्ट आर्म और थोड़ा स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करने आई और फुल टॉस गेंद पर पहली गेंद पर छक्का चढ़ दिया यहाँ पर लेजिली ने। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 1.1 गेंद के बाद। थोड़ा कंट्रोल्ड जो है वो छूट गया गेंद के ऊपर गेंदबाज का और 6 रन मिलते हुए। जी हाँ, 6 रन मिलते हुए इस गेंद पर 6 रन के साथ स्कोर जो है वो आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार की अगर गेंदबाजी करेंगे तो आसान हो जाएगा हॉबार्ट हरिकेन्स के लिए मुकाबला। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। एक बार फिर से अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप पे ये गेंद थी, कलाइयों के सहारे खेल दिया 1 रन के लिए। सोफी डे गेंदबाजी करने के लिए आई है। सोफी डे यहाँ पर गेंदबाजी जो है करते हुए नजर आएंगी। अब देखते हैं किस प्रकार से ये खेल जो है आगे बढ़ता है। और अगर देखा जाए तो पहली गेंद जो है खराब गेंद थी, 7 रन आ चुके हैं 2 गेंदों के अंदर। सोफी डे कर रही है गेंदबाजी। स्ट्राइक पैलेस विलानी, इस विकेट को तोड़, इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। अब देखते हैं इस पार्टनरशिप को किस प्रकार से तोड़ते हुए नजर आती है यहाँ पर ये दोनों गेंदबाज जो नजर आते हैं। एक बार फिर से सोफी डे के ओवर के अगली गेंद, एलिस विलानी को स्लोअर डिलीवरी थी, स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। इस डॉट गेंद के साथ तीसरी गेंद जो है वो खत्म होती हुई यहाँ पर। तो 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 1.3 गेंदें हो चुकी है। अगर आपको बल्लेबाज को फंसाना है तो आपको गेंद को पिच करना होगा, गेंद को टप्पे पे डालना पड़ेगा यहाँ पर। अगली गेंद सोफी डे की, एलिस विलानी को ऑस्टम पे गेंद, स्लोअर डिलीवरी, कवर की दिशा में खेलकर 1 रन बटोरने की कोशिश, मगर वहां पर रन मिला नहीं। डॉट गेंद आती हुई, एक और डॉट गेंद, 4 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, 7 रन आए हैं। सोफी डे की कोशिश यही है कि लगातार बेहतर गेंदबाजी की जाए। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर से सोफी डे की गेंद, अगली गेंद, इस बार पटकी भी गेंद, पुल करने की कोशिश, पैड पे लगी है गेंद और गेंद गई फाइनल की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ। गेंद ने उछाल नहीं लिया इस बार, अगर ये गेंद विकेट पे होती तो शायद निश्चित तौर पे आउट होना पड़ता है एलिस विलानी को, मगर यहाँ पर गेंद नीची रही और रन जो है वो 1 रन जो है वो मिल गया है यहाँ पर। स्कोर की बात की जाए 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 1.5 गेंदें हो चुकी हैं। आसान नहीं होगा बल्लेबाजी करना इस पिच के ऊपर, क्योंकि मेलबर्न स्टार की टीम भी परेशान रही थी स्पिनर गेंदबाजों के सामने, शॉट लगाना आसान नजर नहीं आया था। अगली गेंद लेजिली को यहाँ पर, सोफी डे के ओवर की आखिरी गेंद लेजिली को, एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद को खेल दिया फाइनल की दिशा में, गेंद जाती रिस्क यहाँ पर फाइनल की तरफ, 1 रन मिल गया है। क्या दूसरा लेंगे? जी नहीं, 1 रन से संतुष्ट करना होगा। 2 ओवर जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं 12 रन बिना किसी नुकसान के। हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगे लेजिली जो कि 7 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही है। अभी भी 108 गेंदों में 131 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 7.28 का। यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड गेंदबाजी जो है वो करनी पड़ेगी मेलबर्न स्टार की टीम को। जिस तरीके से शुरुआत की थी हॉबार्ट हरिकेन ने, उसी प्रकार की शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छा रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्कोर है नहीं, आप खराब गेंदे जो है वो यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। 12 रन बन चुके हैं, पावर प्ले का ये तीसरा ओवर है, 4 ओवर का ये पावर प्ले है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो फिर से किम ग्राथ गेंदबाजी लेकर चलती हुई, किम ग्राथ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। अब देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी दूसरे अपने स्पेल के दूसरे ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी करती हैं। किम ग्राथ एक बार फिर से ओवर द विकेट, पहली गेंद लेजिली को ऑस्टन के बाहर, ये गेंद ड्राइव करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं यहाँ पर, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। स्कोर की बात की जाए तो 12 रन बिना किसी नुकसान के। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी है शुरुआत में, एलिस विलानी और लेजिली को अगर आउट करेंगी तभी मेलबर्न स्टार जो है प्रेशर बनाने में कामयाब रहेगा। अगर प्रेशर बनाना है और विकेट निकालना है तो लेजिली और एलिस विलानी दोनों का यहाँ पर विकेट जो है वो निकालना पड़ेगा। एक बार फिर से किम ग्राथ ओवर द विकेट, दूसरी गेंद लेकर चलती हुई लेजिली के लिए, एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया था गेंद को, मगर कवर फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया और 1 रन जो है वो मिलता हुआ लेजिली को। यहाँ पर आप लगातार बड़े शॉट नहीं खेल सकते, आपको सिंगल डबल भी रोटेट करने पड़ेंगे। और इस बार सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर, स्ट्राइक पे एलिस विलानी आती हुई,
हॉबार्ट का स्कोर अभी भी 13 रन बिना किसी नुकसान के 2.2 गेंदों के बाद किम ग्राथ बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। इस बार ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलती हैं। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज एलेक्स विलानी, मिडिल स्टंप पे ये गेंद इस बार इनसाइड एज लगा मगर गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन जो है मिल जाएगा इस गेंद पर एलेक्स विलानी को स्ट्राइक पे लेजिली आती हुई। तो जैसे बताया था आपको कि अनइवन बाउंस जो है वो इस पिच के ऊपर है थोड़ा बहुत। अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा कभी गेंद उछल रही है कभी नीचे रह रही है तो बल्ले पे गेंद ढंग से आ नहीं रही है और वही फेस जो है मेलबर्न स्टार ने फेस किया था वही फेस जो है वो भलबॉट हरिकेन भी फेस कर रही है। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, किम ग्राथ की वाइड करार देना चाहिए अंपायर को। क्या पैड लगा था यहाँ पर? जी नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, वाइड गेंद है ये। 1 रन और जोड़ लीजिएगा खाते में। हॉबार्ट के 15 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 2.3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। 105 गेंदों में 128 रन चाहिए जीतने के लिए और यहाँ से शुरुआती झटका, जी हाँ शुरुआती विकेट्स जो हैं झटकाने पड़ेंगे। एक बार फिर से अगली गेंद किम ग्राथ के ओवर की, मैं यहाँ पर लेजिली को पटकी हुई गेंद थी, इस बार पॉइंट की दिशा में खेला है। इस गेंद को रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद आती हुई इस ओवर के अंदर, 4 गेंदें हुई हैं अभी तक, 3 रन आए हैं इस ओवर से। 104 गेंदों में 128 रन चाहिए, इस रिक्वायर रन रेट को बढ़ाना होगा तभी बल्लेबाज जो है वो गलती करते नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपको अगर देखेंगे तो बड़े शॉट लगाने में सिर्फ मैग्लेनिंग का ही बल्ला बोला क्योंकि मैग्लेनिंग एक लंबी पारी जो है वो खेल रही थी और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्लेनिंग ने ही बड़े बड़े शॉट जो है वो निकाले हैं। और अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हैं। किम गार्थ जो है वो अब गेंदबाजी कर रही है। एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद किम गार्थ की लेजली है स्ट्राइक पर। इस बार पढ़कर गेंद अंदर की तरफ आई है और पूरी तरीके से मिस करते हुए इस गेंद को। चलिए बढ़िया गेंदबाजी जो है वो यहाँ पर होती हुई किम ग्राथ की और मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शुरुआत में परेशान किया था मेलबर्न स्टार को हॉबार्ट हरिकेन से गेंदबाजों ने, वही काम किम ग्राथ करते हैं। और किम ग्राथ का लंबा स्पेल होना चाहिए, शायद वो 3 ओवर या 4 ओवर पूरे कर सकती हैं और लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। स्कोर हो चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। 2.5 गेंदें हो चुकी हैं। एक बार फिर से यहाँ पर जो है अगली गेंद डालती हुई किम ग्राथ ओवर की आखिरी गेंद। इस बार पटकी हुई गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा, गेंद पैड पर जाके टकराई है, कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति होती हुई और 3 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं 15 रन बिना किसी नुकसान के। हॉबार्ट हरिकेन्स के स्कोर है और एलेक्स विलानी होंगी स्ट्राइक पर। 6 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रही हैं एलेक्स विलानी। 102 गेंदों में 128 रन चाहिए जीतने के लिए। बाकी आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। सेटबेट की तरफ से जाकर ज्वाइन करिएगा, सेटबेट को खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ। यहाँ पर डिपॉजिट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, बैंक ट्रांसफ़र से डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर सारे मुकाबले, जी हाँ सेटबेट के ऊपर आप सारे मुकाबले लाइव देख सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबले लाइव देख सकते हैं। चलिए एक और तेज़ गेंदबाज को बुलाया गया है, एक और तेज़ गेंदबाज के साथ गेंदबाजी करवाई जा रही है। यहाँ पर पहली गेंद इस ओवर की सामने मौजूद एलेक्स विलानी, लेग स्टंप पे ये गेंद फाइनल की दिशा में खेला इस शॉट को मगर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद आती हुई यहाँ से और लग रहा है कि एनएबल सदरलैंड जो है वो गेंदबाजी करने के लिए आ चुकी हैं। स्कोर हो चुका है 15 रन बिना किसी नुकसान के। 3.1 गेंद हो चुकी है और यहाँ से आप प्रेशर जो है बनाइए, प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा तभी दबाव बनेगा। यहाँ पर एनएबल सदरलैंड के हाथ में गेंद है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर चलती हुई एनएबल सदरलैंड ओवर की दूसरी गेंद। इस बार रूम बनाया एलेक्स विलानी ने, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को। और यहाँ से इस 1 रन के साथ हॉबार्ट का स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान के। 3.1 गेंद हो चुकी है। 101 गेंदों में 127 रन चाहिए जीतने के लिए मगर आप वाइड गेंदें करेंगे तो प्रेशर जो है वो गेंदबाज के ऊपर होगा ना कि बल्लेबाज के ऊपर। तो थोड़ा सा लाइन और लेंथ सही रखनी पड़ेगी एनएबल सदरलैंड को। एनएबल सदरलैंड एक बार फिर से अगली गेंद डालते हुए, इस बार ऑस्टम पे अगेन स्कूप शॉट खेला, फाइन लेग के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। चौका मिलता हुआ इस गेंद पर एलेक्स विलानी को और इस चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ हॉबार्ट हरिकेन्स का 20 रन बिना किसी नुकसान के।
3.2 गेंदें हो चुकी हैं। अगर एलिस विलानी ज़्यादातर फाइनल की दिशा में शॉट खेलना पसंद करती हैं, स्कूप शॉट खेलती हैं, बाउंड्रीज बटोरती हैं, तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर उसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 गेंदें हैं और 23 रन चाहिए। रिक्वायर रन रेट ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, 7.38 का रिक्वायर रन रेट जो है वो चल रहा है। एनाबेल सदरलैंड की 2 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की, 5 रन दे चुकी हैं अभी तक। और एनाबेल सदरलैंड की अच्छी बात है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी बहुत अच्छी करती है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी अच्छी करती है, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी के ऊपर शबनम इस्माइल को भी शुरुआती में विकेट मिला, तो एक आधा बाउंसर जो है वो चेक कर सकती हैं यहाँ पर एलिस विलानी के लिए, क्योंकि एलिस विलानी ज़्यादातर यहाँ पर स्कूप शॉट खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से एलिस विलानी को, इस बार फिर से फुल उनकी गेंद डिफेंस किया इस गेंद को, एक डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर, और इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन आए अभी तक, शुरुआत काफ़ी अच्छी, विकेट नहीं खोया है बाट हरिकेन्स ने, और चाहेंगे भी नहीं कि विकेट खोए यहाँ पर, क्योंकि अगर विकेट खोया तो शायद मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा परेशान करता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ब्राउनी स्मिथ है और हैदर ग्राम है, निकोला कैरी है, यहाँ पर स्टेलबर्ग है, रुथ जॉनस्टन है, बल्लेबाजी लंबी है मगर जो कारगर बल्लेबाजी है वो टॉप ऑर्डर ही है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो एक और बार सिंगल लिया इस गेंद पर एलिस विलानी ने, कवर दिशा में खेल कर यहाँ पर मिसफील्ड हुई, फील्डर से 2 रन मिल जाएंगे, ये खराब फील्डिंग, कवर फील्डर के हाथ में गेंद थी मगर छूट गई और 2 रन मिल गए इस गेंद पर, 7 रन आ चुके हैं, 22 रन बिना किसी नुकसान के, 3.4 गेंदें हो चुकी हैं। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, अब देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी जो है वो होती है। एक बार फिर से एनाबेल सदरलैंड गेंद लेकर चल रही है, विकेट की तलाश में है। अब एनाबेल सदरलैंड 4 गेंदें कर चुके हैं, 5वीं गेंद इस ओवर की, स्ट्राइक पे मौजूद एलिस विलानी, कप्तान हॉबार्ट हरिकेन्स की एक बार फिर से स्लो डिलीवरी ऑस्टन की तरफ ड्राइव करने की कोशिश, इस बार कवर फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, गेंद को पकड़ा और कोई भी रन जो है वो नहीं मिला इस गेंद पर एलिस विलानी को। और एलिस विलानी की कोशिश यही है कि यहाँ पर बाउंड्रीज जो है बटोरी जाए, प्रेशर जो है बनाया जाए यहाँ पर गेंदबाजी यूनिट के ऊपर। 22 रन बन चुके हैं 3.5 गेंदों के अंदर, इस बार आखिरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर एनएमएस सदरलैंड की अगली गेंद अंदर आती हुई, गेंद मिड ऑन की दिशा में खेला इस शॉट को, 1 ही रन मिला इस गेंद पर। एनएमएस सदरलैंड का ओवर जो है ख़त्म होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो मुकाबला काफ़ी ठीक ठाक ही चल रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो। यहाँ से मुकाबले की अगर बात की जाए तो 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 23 रन बिना किसी नुकसान के हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है, 96 गेंदों में 120 रन चाहिए, रिक्वायर रन रेट अभी भी 7.50 का, और दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी भी टिके हुए हैं, 11 रन बनाकर खेल रही हैं, लीजिली 12 गेंदों का सामना किया है। एलिस विलानी ने भी 12 गेंदें खेली हैं और सिर्फ 9 रन बनाए हैं, यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगे एलिस विलानी, मगर अब फील्ड जो है वो खुल जाएगी, जी हाँ फील्ड जो है वो खुल जाएगी, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। मगर आप सब लोग सेटबेट साथ जुड़ते रहिएगा, सेटबेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके यहाँ पर खेल जो है यहाँ पर आप जो है लाइव मुकाबला दे सकते हैं, वन बिग बैश लीग का या फिर कोई भी मुकाबला हो आप लाइव दे सकते हैं। चलिए एक और बार यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए किम ग्राथ आ चुके हैं, किम ग्राथ के ओवर की पहली गेंद एलिस विलानी को, इस बार लेग स्टंप पे गेंद, कलाइयो के सहारे खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे लेजीली आ जाएंगे। थोड़ा सा आज दिशाहीन गेंदबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको ऑस्टम की लाइन पे गेंदबाजी करनी है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा गेंदबाज जो है वो आगे रखने चक्कर में गेंद को लेग स्टंप के बाहर कर रहे हैं और आसानी से सिंगल जो है वो मिल रहा है, लेजीली है स्ट्राइक पर, जी हाँ लेजीली है स्ट्राइक पर, ये विकेट बहुत बड़ा हो सकता है अगर लेजीली यहाँ पर आउट होती है तो दबाव काफ़ी हद तक हॉबार्ट के बन सकता है। लेजीली और एलिस विलानी अगर दोनों को आउट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मेलबर्न जो है वो दबाव बना सकती है हॉबार्ट हरिकेन्स के ऊपर। चलिए एक बार फिर से किम ग्राथ 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलती हुई, स्ट्राइक पर मौजूद लेजीली, एक शॉर्ट थर्डमैन रखा हुआ है, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा हुआ है लेजीली के लिए, लेजीली को भी स्कूप शॉट खेलना काफ़ी पसंद है। शायद यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड बदलाव किया, किम ग्राथ ने लॉन्ग ऑन के फील्डर को मिड ऑन बुला लिया गया है और मिड विकेट के फील्डर को बाहर कर दिया गया, तो शायद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करने की कोशिश रहेगी यहाँ पर किम ग्राथ की, या फिर आगे रखेंगे गेंद को ये देखना होगा। चलिए एक बार फिर से किम ग्राथ की गेंद, स्लोअर डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑन के फील्डर ने पकड़ा है गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद आती हुई, स्कोर अभी भी 24 रन बिना किसी नुकसान के, 4.2 गेंदें हो चुकी हैं, 94 गेंदों में 119 रन चाहिए जीतने के लिए, मगर सिचुएशन ये है
कि यहाँ पर आप रन रोक के मैच नहीं जीतेंगे, आप विकेट निकाल कर प्रेशर बनाएंगे बल्लेबाजों के ऊपर, तभी खेल आगे बढ़ेगा। चलिए एक बार फिर से किम ग्राथ ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलती हैं लेजली के लिए। लेग स्टंप पे गेंद, एक बार फिर से कलाइयों के सारे खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। एलिस विल्लानी जो है वो आ जाएंगे स्ट्राइक पर। और इस ओवर की बात की, तीन गेंदों के अंदर दो रन आ चुके हैं, पिछले ओवर में आठ रन आए थे और कुल मिला के नौ गेंदों के अंदर दस रन आ चुके हैं पिछले। तो थोड़ा सा किम ग्राथ को अपनी लाइन को बदलना होगा। ऑफ स्टंप पे हिट द डेक गेंदबाजी अगर करेंगे तो शायद अनइवन बाउंस मिलने के चांसेस यहां पर रहेंगे। जी हां, अनइवन बाउंस जो है वो मिलने के चांसेस यहां पर रहेंगे। और अगर देखा जाए तो किम ग्राथ अच्छी गेंदबाजी कर रही है। एक बार फिर से एलिस विल्लानी के लिए अगली गेंद लेकर चलती हुई किम ग्राथ की, फुलम की गेंद, ड्राइव किया गेंद को मगर मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया और एक और डॉट गेंद और यहां पर आती हुई। तो चार गेंदें इस ओवर के हो चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अभी भी 92 गेंदों में 118 रन चाहिए जीतने के लिए, मगर दोनों बल्लेबाज सक्षम हैं बड़े शॉट खेलने के लिए और अच्छे रन, अच्छे तेज गति से रन बनाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। एक बार फिर से गेंद लेकर चल रही है किम ग्राथ, ओवर की ये पाँचवीं गेंद होगी, 25 रन बन चुके हैं होबार्ट हरिकेन्स के। ओवर की ये पाँचवीं गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद एलिस विल्लानी, ऑफ स्टंप पे गेंद, कट किया गेंद को, पॉइंट फील्डर ने पकड़ा है गेंद को, कोई भी रन नहीं, एक और डॉट गेंद आती हुई। जी हाँ, प्रेशर बना के रखा है मगर होबार्ट हरिकेन्स भी थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रही है, वो जानती है इस पिच पर अगर समय बिताया जाए तो रन बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डॉट गेंदें जो हैं वो भी ज़्यादा खेल रहे हैं। 15 गेंदें खेल चुके हैं एलिस विल्लानी, 10 रन बनाकर खेल रही हैं, दो रन आए अभी तक इस ओवर में। आखिरी गेंद लेकर चलती हुई इस ओवर की किम ग्राथ, जी हाँ आखिरी गेंद लेकर चल रही हैं किम ग्राथ इस ओवर की। सामने मौजूद एलिस विल्लानी, एक बार फिर से फुल रन की गेंद, ड्राइव किया गेंद को, मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को पकड़ा है और कोई भी रन जो है वो यहाँ पर नहीं मिला है। डॉट गेंद आती हुई यहाँ से और इस डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। अच्छा ओवर मेलबर्न स्टार के लिए, सिर्फ दो ही रन आए इस ओवर से, पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं, 25 रन बिना किसी नुकसान के होबार्ट हरिकेन्स वुमेन्स का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे लेजिली, 14 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रही है, एक छक्का जरूर लगाया है। और यहाँ पर अगर बात की जाए 90 गेंदों में 118 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर रन रेट 7.87 का यहाँ पर चल रहा है। जी 7.87 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर रन बना रहे हैं। यहाँ से अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से स्पिनर गेंदबाज की तरफ रुख किया है मैग्लैनिंग ने। और क्या स्लिप रख सकती हैं लेजली के लिए, क्या स्लिप रख सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो जो है बैठ कर स्वीप लगाने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत आउटसाइड लगने के चांसेस रहते हैं। क्या स्लिप रख सकती हैं या फिर एक फील्डर जो है फाइन लेग की दिशा में रख सकती हैं, ये देखना होगा। एक बार फिर से चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। एक बार फिर से ऑफ़स्पिनर गेंदबाजी करने आई, पहली गेंद लो फुल टॉस, सीधे बल्ले से खेल दिया उस गेंद को, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन मिलता हुआ। तो शायद बल्लेबाज भी समझ गए हैं कि यहाँ पर शॉट नहीं, आपको सिंगल डबल और रोटेट करना पड़ेगा और रोटेशन करनी पड़ेगी स्ट्राइक की, तभी स्कोर को आगे लेकर जाएंगे यहाँ पर। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे साथ। 26 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। शाशा मौलानी जो है वो गेंदबाजी करने आएंगी और करने आई हैं यहाँ पर। पहली गेंद तो सिंगल आया, दूसरी गेंद करेंगी यहाँ पर एलिस विल्लानी की, एलिस विल्लानी को यहाँ पर दूसरी गेंद करेंगी शाशा मौलानी। शाशा मौलानी है तैयार, ऑफ़स्पिनर गेंदबाज, ओवर द विकेट शाशा मौलानी की है। एलिस विल्लानी को ऑफ स्टंप पे गेंद, ड्राइव किया कवर दिशा में, गेंद गई फील्डर से, छटक गई थोड़ी सी हाथ से, गेंद मैग्लैनिंग थी फील्डर वहाँ पर। और दूसरी गेंद भी डॉट गेंद, जी हाँ डॉट गेंद आई है ये। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाने का समय आ चुका है, आप चाहेंगे कि जल्दी जल्दी दो तीन ओवर निकल जाए जहाँ पर रन ना आए, बाउंड्रीज ना आए, तो बल्लेबाज गलती करते नजर आएगा, प्रेशर बनता नजर आएगा बल्लेबाजों के ऊपर। अगली गेंद एक बार फिर से फुलन की गेंद, सीधे बल्ले से खेला मगर शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर जो है बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, दो लगातार डॉट गेंदे आ चुके हैं। और स्कोर की बात की जाए 26 रन बने हुए हैं अभी बिना किसी नुकसान के, छठा ओवर चल रहा है, विकेट की तलाश में हो रही है गेंदबाजी। शशा मौलानी की एक बार फिर से अगली गेंद, पटकी हुई गेंद एलिस विल्लानी को, पुल किया गेंद को मगर मिड विकेट का फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे लेजली आती हुई 27 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 5.4 गेंदों के बाद। चलिए पांचवी गेंद शशा मौलानी की, लेजली की कोशिश रहेगी बड़ा शॉट लगाने की, यही मौका है विकेट निकालने के लिए। एक बार फिर से एलिस विल्लानी को, लेजली की ये गेंद, ऑस्टन के बाहर कट कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, चार रन के लिए। प्रेशर सारा रिलीज कर दिया यहाँ पर शशा मौलानी ने, गेंद जो है ज़्यादा ही ऑस्टन के बाहर कर दी और कलाइयों के सहारे थर्ड मैन की दिशा में खेला लेजली ने और चौका बटोरा इस गेंद पर। 31 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 5.5 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में, 6 रन आ चुके हैं, अभी भी आखिरी गेंद बची हुई है। अब देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या करती हैं शशा मौलानी।
यहां से देखते हैं अगली गेंद, एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद, स्वीप शॉट खेला, फील्डर मौजूद, लीजिए विकेट मिल गया जिस विकेट की तलाश थी यहां पर, और छटका दिया उस विकेट को शाशा मॉलनी ने। थोड़ा सा फुलन की गेंद लेग स्टंप की तरफ स्वीप करने गई वहां पर लिजली, और स्क्वायर लेग के फील्डर ने कोई गलती नहीं करी, वहां पर पकड़ा कैच, और लिजली जो है वो 17 गेंदों में 17 रन बनाकर एक चौका एक छक्का लगाकर पवेलियन जाते हुए 31 रन एक विकेट नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 84 गेंदों में 112 रन चाहिए जीतने के लिए, और रिक्वायर रन रेट 8 का हो चुका है। और यही मैं कह रहा था कि जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक विकेट जो है निकलेगा नहीं, और विकेट निकालने के लिए आपको गेंदबाजी जो है सटीक करनी होगी और लाइन और लेंथ बिल्कुल सही रखनी होगी। यहाँ पर लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और विकेट जो है वो मिलता हुआ और पहला झटका लगता हुआ अब बल्लेबाजी करने के लिए, अब ब्राउनी स्मिथ जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी। क्या लगता है वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं अभी भी, मगर अभी भी अगर मैच को जीतना है मेलबर्न स्टार को तो एलिस विलानी को आउट करना होगा, ब्राउनी स्मिथ को आउट करना होगा, और साथ में हैदर ग्राम है, निकोला कैरी है, तो बल्लेबाजी है यहाँ पर। अगर आपको प्रेशर बनाना है तो रिक्वायर रेट को बढ़ाना होगा जिससे बल्लेबाज जो है वो गलती करता नजर आए। यहाँ पर सोफी डे, जी हाँ, फिर से सोफी डे को बुला लिया गया है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं सोफी डे, गेंदबाजी करने के लिए आई हैं यहाँ पर। एक बार देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। अगर बात की जाए ओवर्स की तो ये 7वां ओवर होगा इस पारी का, और सोफी डे करेंगे गेंदबाजी। सोफी डे की ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से खिंची हुई लाइन ऑफ स्टंप की तरफ ड्राइव किया गेंद को, कवर दिशा में गेंद गई है 1 रन के लिए यहाँ पर, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे आती हुई बल्लेबाज यहाँ पर जो है ब्राउनी स्मिथ। तो ब्राउनी स्मिथ आ चुकी हैं, विलानी ने सिंगल लिया पहली गेंद पर और स्ट्राइक पर ब्राउनी स्मिथ आ चुकी हैं। अब सोफी डे का पहला ओवर थोड़ी सी खराब गेंदबाजी थी, चाहेंगे कि इस ओवर में कवर अप करें, लाइन और लेंथ अच्छी रहे रखें दाएं हाथ के बल्लेबाज ब्राउनी स्मिथ हैं। स्ट्राइक पर अगली गेंद ऑफ स्टंप की तरफ पुश किया गेंद को कवर की दिशा में, 1 रन और मिलता हुआ, 2 सिंगल इस ओवर में आ चुके हैं। आपको चाहिए कि कम से कम 4-5 रन ही दें और दबाव बना के रखें। एलएस विलानी 20 गेंदें खेल चुके हैं, 12 रन बनाए हैं, रिक्वायर रन रेट 8.05 का हो चुका है, 82 गेंदों में 110 रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद सोफी डे के ओवर की अगली गेंद, एलिस विलानी को कदमों का इस्तेमाल किया, धीमी गति की एक गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ 33 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर, 6.2 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद तीसरी गेंद ब्राउनी स्मिथ को, जी हाँ ब्राउनी स्मिथ खेलेंगे तीसरी गेंद इस ओवर की, सोफी डे की ड्राइव करने की कोशिश, गेंद गई कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक डॉट गेंद आती हुई, 33 रन बन चुके हैं, जी हाँ 33 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 6.3 गेंदें हो चुकी हैं। ब्राउनी स्मिथ हैं स्ट्राइक पर, अगली गेंद इस बार ब्राउनी स्मिथ को अंदर आती हुई गेंद, अपील की है जोरदार अपील, एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, मेलबर्न स्टार को एक और सफलता मिलती हुई, ब्राउनी स्मिथ होती हुई LBW आउट, और विकेट जो है वो गिर गया है, जी हाँ विकेट जो है वो गिर गया है ब्राउनी स्मिथ का, और ब्राउनी स्मिथ जो है वो LBW आउट होती हुई, और हॉबार्ट को लगता हुआ दूसरा झटका, जी हाँ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर, 5 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की और विकेट गया ब्राउनी स्मिथ का। ब्राउनी स्मिथ यहाँ पर पवेलियन जाते हुए एक और झटका लग चुका है, 34 रन 2 विकेट नुकसान पर, 6.5 गेंदें हो चुकी हैं, और बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर सोफी डे की, इस बार गेंद को अंदर की तरफ लाई और जाकर टकराई पैड पे, और अंपायर ने कोई गलती नहीं करी और बिल्कुल उंगली उठाई और आउट दे दिया ब्राउनी स्मिथ को। 2 विकेट जा चुके हैं बैक टू बैक 2 ओवर्स के अंदर, दबाव होबार्ट हरिकेन्स के ऊपर होगा, आप किसे भेजा जाएगा, नॉमी स्टेलबर्ग आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, हैदर ग्राम को भेजा जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि यहां से आपको एक पार्टनरशिप निकालनी होगी तभी आप गेम में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, मगर क्या लाजवाब कोच यहाँ पर, क्या लाजवाब गेंदबाजी। चलिए नई बल्लेबाज हैदर ग्राम को भेजा गया है नंबर 4 पर, हैदर ग्राम बल्लेबाजी करने आई है। सोफी डे के ओवर की आखिरी गेंद बची है यहाँ से, भाई एंट्री ले लूँ क्या, शिवम सिंह भाई एंट्री में बहुत पहले दे चुका हूँ, जब मेलबर्न स्टार के 4 आउट हो चुके थे तभी मैंने एंट्री दे दी थी, और यहाँ तो अब लॉस कट बुक सेट हो रहा है हमारा। कुणाल भाई से पूछो, एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने इस गेंद को, और 1 रन जो है वो जुड़ता हुआ यहाँ पर, शायद बल्ले से गेंद लगी थी क्या, देखना होगा यहाँ पर, जी हाँ ऐसा लग तो रहा है कि शायद वाइड दिया है अंपायर ने, क्योंकि सोफी डे गेंदबाजी कर रही है, वाइड प्लस 1 रन जोड़ लीजिए, 2 रन जोड़ लीजिएगा, यहाँ से स्कोर होता हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6.5 गेंदें हो चुकी हैं, अभी भी आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। अब
किस प्रकार से ये खेल होता है। अगले ओवर में भी विकेट लो, बिल्कुल भाई लेंगे। कुणाल सुनील भाई सुबह से शुरू से लगे हुए आप हमारे साथ, आपके आज की बुक सेट करा के रहेंगे 10 पैसे की सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइक पे मौजूद बल्लेबाज अब एलएस विलानी कप्तान, एक और विकेट चाहिए यहाँ एलएस विलानी का मेलबर्न स्टार को जीतना है। तो चलिए अगली गेंद, एलएस विलानी को कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए। इस बार थोड़ा धीमी गति की गेंद थी, ये चौका जड़ दिया इस गेंद पर, इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ, 7 ओवर 40 रन 2 विकेट नुकसान पर, 103 रन चाहिए जीतने के लिए अब 78 गेंदों के अंदर। अब देखते हैं किस प्रकार से ये खेल जो है वो आगे बढ़ता है। बाकी अभी तक तो लगा देखा जाए तो फाइटिंग जो है वो देखने को मिली है इस मुकाबले के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए अब शाशा मौलानी फिर से आ चुकी हैं, ऑफस्पिनर गेंदबाज हैं, स्ट्राइक पे हैं हैदर ग्राम होंगी स्ट्राइक पर। अगली गेंद शाशा मौलानी के ओवर की पहली गेंद, हैदर ग्राम को इस बार सीधे बल्ले से खेला, शाशा मौलानी ने गेंद को फील्ड कर लिया, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। इस डॉट गेंद के साथ 7.1 गेंद हो चुकी है, 40 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है हॉबार्ट हरिकेन्स का। एक बार फिर से शाशा मौलानी ओवर की दूसरी गेंद, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ। थोड़ा सा प्रेशर जो है बनाने का समय आ चुका है यहाँ पर हैदर ग्राम और विलानी के ऊपर, क्योंकि अगर बड़े शॉट आते रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो विकेट आया 6 रन आए उस ओवर में, विकेट आया 9 रन आए उस ओवर से। अभी भी देखेंगे तो 2 गेंदें इस ओवर की भी हो चुकी हैं और एक सिंगल आ चुका है, 41 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 7.2 गेंदें हो चुकी हैं। अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर शाशा मौलानी के ओवर की तीसरी गेंद, एलएस विलानी को फटकी हुई गेंद, इस बार पुल किया एलएस विलानी ने, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। या थोड़ी सी खराब कप्तानी, क्योंकि यहाँ खराब गेंदबाजी माफी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप कंट्रोल्ड में हैं तो शॉर्ट ऑफ लेंथ अगर गेंदबाजी करेंगे तो आसान होगा बल्लेबाजी के लिए। और एलएस विलानी के बल्ले से एक और चौका आता हुआ यहाँ पर, तीसरा चौका उनकी इस पारी का, स्कोर हो चुका है 45 रन 2 विकेट नुकसान पर, 7.3 गेंदें हो चुकी हैं, 75 गेंदों में 98 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या एलएस विलानी इस टोटल को आगे लेकर जाएंगे, क्या इस टोटल को ले पाएंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, पोल किया इस बार मिड विकेट के फील्डर ने, डाई लगाकर गेंद को फील्ड किया और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आएंगी हैदर ग्राम, जी हाँ हैदर ग्राम स्ट्राइक पे आ जाएंगी। स्कोर की बात की जाए 46 रन बन चुके हैं, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से। शायद स्पिनर गेंदबाज उस तरीके की गेंदबाजी जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको गेंद को आगे रखना होगा, क्योंकि आपने लॉन्ग ऑन जो है वो पीछे रखा हुआ है, आपको फ्लाइट देनी पड़ेगी, बल्लेबाज को ललचाना पड़ेगा बड़े शॉट खेलने के लिए। मगर यहाँ पर थोड़ा खिंची हुई गेंदबाजी चल रही है। एक बार फिर से अगली गेंद फुलन की गेंद थी, ड्राइव करने की कोशिश, डिफेंस कर दिया इस गेंद को हैदराबाद ने, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई, स्कोर अभी भी 46 रन 2 विकेट नुकसान पर। आखिरी गेंद है, जी हाँ आखिरी गेंद है इस ओवर की ब्राउनी स्मिथ की, यहाँ पर शाशा मौलानी की, और इस आखिरी गेंद के ऊपर देखते हैं क्या करती हैं। चलिए अगली गेंद शाशा मौलानी के ओवर की अगली गेंद, हैदर ग्राम है स्ट्राइक पर, ऑफ स्टंप पे गेंद, सीधे बल्ले से खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए। और इसी प्रकार की गेंदबाजी का जो 2 गेंद लास्ट करी है वो काफ़ी अच्छी थी। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 47 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे होंगी हैदर ग्राम और 72 गेंदों में 96 रन चाहिए। अगले 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेलबर्न स्टार के लिए। अगर 1-2 विकेट और चटका दे तो प्रेशर जो है फिर हॉबार्ट हरिकेन्स के ऊपर होगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत गेंदबाजी में और कंट्रोल चाहिए होगा। क्या सोफी डे फिर से गेंदबाजी करना आएंगे, क्योंकि 2 ओवर 17 रन दे चुकी हैं सोफी डे। यहाँ पर कुछ और सोचना होगा, राइस मकीना को लाना पड़ेगा, यानेबल सदरलैंड को आपको लाना होगा गेंदबाजी के लिए, क्योंकि यहाँ से सोफी डे उतना बड़ा इंपैक्ट डाल नहीं पा रही है। विकेट ज़रूर मिला है मगर यहाँ पर सोफी डे कुछ ख़राब गेंदबाजी जो करते नजर आई है। एनाबेल सदरलैंड को बुलाया गया है, दाएं हाथ की तेज गेंदबाज, पहले ओवर के अंदर 8 रन दिए थे, मगर अब प्लेटफॉर्म जो है वो सेट है, आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाज को फंसाना है। देखते हैं अब क्या करती हैं। अगली गेंद एनाबेल सदरलैंड की, इस ओवर की 9वां ओवर है पारी का। इस बार स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज हैदर ग्राम को अगली गेंद, फुलन की गेंद, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और लीजिए एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, ऑस्टम के बाहर पड़कर और बाहर की तरफ निकली, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और हैदर ग्राम पवेलियन जाते हुए यह तीसरा झटका लगता हुआ हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम को। 47 रन 3 विकेट नुकसान पर, 8.1 गेंद हो चुकी है। हैदर ग्राम 5 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए पकड़ा यहां पर विकेट कीपर फॉल्टन ने कैच और गेंदबाजी की एनाबेल सदरलैंड ने। अभी भी 71 गेंदों में 96 रन चाहिए मगर इसी प्रकार की गेंदबाजी जो है करनी पड़ेगी। और हैदर ग्राम यहाँ से पवेलियन जाती हुई, अब नई बल्लेबाज कौन आएंगे, नॉमी स्टॉलबर को भेजा जाएगा या रुथ जॉनस्टन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। निकोला कैरी बाएं हाथ के बल्लेबाज, वो आते हुए
यहाँ पर दिखेंगी अब, मगर एलिस विलानी अभी भी एक छोर पर टिकी हुई है। जिस तरीके से मैग्लैनिंग ने बल्लेबाजी करी, क्या उस प्रकार की बल्लेबाजी जो है वो करके दिखा सकती हैं एलिस विलानी, ये देखना होगा। नई बल्लेबाज क्रीज की तरफ आती हुई, मगर आप सब लोग जो है वो सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार। सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिल रहा है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस। और सेटबेट के ऊपर अच्छी बात यह है कि सारे मुकाबले आप ला दे सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, सारे मुकाबला दे सकते हैं। तो निकोला कैरी आई है बायां के बल्लेबाज, शायद इनको एंगल के साथ गेंद को अंदर लाने की कोशिश रहेगी। निकोला कैरी को अगली गेंद ऑस्टम की तरफ, कट किया गेंद को डीप पॉइंट दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक रन मिलेगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे एलिस विलानी आती हुई, अगर एलिस विलानी का विकेट मिल गया तो मेलबर्न स्टार के वारे नारे हो जाएंगे। 48 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर, 8.2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, 70 गेंदों में 95 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर कप्तान होबार्ट हरिकेन्स की एलिस विलानी जो है वो क्रीज पे मौजूद हैं। 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, 1 रन आया है अभी भी, चाहेंगे अगली 10 गेंदें जो हैं बेहतर तरीके से यहाँ पर कराते हुए नजर आए। एनएबल सदरलैंड के ओवर की 3री गेंद, एलिस विलानी है स्ट्राइक पर, दाएं हाथ की बल्लेबाज, ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। ये था बड़ा शॉट एलिस विलानी के बल्ले से 6 रन के लिए। ये खराब गेंद थी यहाँ पर एनएबल सदरलैंड की, कदमों का इस्तेमाल किया था एलिस विलानी ने, मगर यहाँ पर पूरा साथ दिया एनएबल सदरलैंड ने, फुल टॉस गेंद की, कलाइयों के सहारे खेल दिया सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 3 विकेट नुकसान पर, 8.3 गेंदें हो चुकी हैं, और गेंदबाजी तो मेलबर्न स्टार की लग रहा है कि भगवान भरोसे चल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि प्रेशर जो है बनी नहीं रहा होबार्ट हरिकेन्स के ऊपर। एक बार फिर एनएबल सदरलैंड अगली गेंद करते हुए यहाँ पर एलिस विलानी को इस ओवर की, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट किया, थर्ड मैन की दिशा में ये गेंद जाती हुई, 1 रन, जी हाँ 1 रन जो है यहाँ पर मिल जाएगा एलिस विलानी को। स्ट्राइक पे आ जाएंगे निकोला कैरी, तो है ना यहाँ पर हैदर नाइट मैग्लैनिंग को सोचना होगा कि गेंदबाज विकेट तो ले रहे हैं मगर रनों की गति जो है वो कम नहीं हो रही है। अगर आप रन रेट को देखेंगे 6.35 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं, रिक्वायर रन रेट अभी भी 8 से नीचे का है यहाँ पर। एक बार फिर से निकोला कैरी को एनएबल सदरलैंड के इस ओवर की जो है गेंद, इस बार निकोला कैरी को ऑस्टन के बाहर ड्राइव किया डीप पॉइंट दिशा में, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, फील्डर ने कोशिश की गेंद रोकने की, आज मिस फील्डिंग की भी हाँ बेइंतहा हो चुकी है मेलबर्न स्टार की, क्योंकि इतनी मिस फील्डिंग आज करी है, क्योंकि 3-4 मिस फील्डिंग में 2 रन जो है देते हुए नजर आए हैं। इस बार भी 2 रन आते हुए, इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं, स्कोर अभी भी 57 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर, 8.5 गेंदें हो चुकी हैं। एलिस विलानी नहीं, निकोला कैरी जो है वो स्ट्राइक पे होंगी, आखिरी गेंद खेलेंगी इस ओवर की, और एनएबल सदरलैंड, जी एनएबल सदरलैंड गेंद लेकर चलते हुए निकोला कैरी के लिए। इस बार ऑस्टम पे ये गेंद पुश किया पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर अभी भी 57 रन, 3 विकेट नुकसान पर 9 ओवर के समाप्ति के बाद। 66 बॉल्स में 86 रन चाहिए जीतने के लिए, 7.82 का यहाँ पर रिक्वायर रन रेट है, मगर खतरे की जो घंटी बजा रही हैं वो बजा रही हैं एलिस विलानी। अगर एलिस विलानी आउट हो गई तो शायद थोड़ा सा मामला जो है वो शांत होता नजर आए। बल्लेबाजी अच्छी करी है एलिस विलानी ने आज, कप्तान जो है वो कप्तानी पारी जो है वो खेलते हुए नजर आई हैं। अब सिचुएशन तो यही है कि यहाँ से थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी जो है वो की जाए, अब देखते हैं क्या होता है। अगर लंबा खेलेंगे एलिस विलानी तभी होबार्ट हरिकेन्स जो है वो इस मुकाबले को जीतने नजर आएगी, अगर यहाँ पर विकेट मिलता है तो काम थोड़ा सा ख़राब होता है। मगर गेंदबाजी देखकर लग रही रहा कुछ हो पाएगा, क्योंकि शाशा मौलनी फिर से गेंदबाजी करने के लिए आई हैं 10वें ओवर के अंदर। शाशा मौलनी की कोशिश रहेगी कि विकेट टू विकेट गेंद रखा जाए, फ्लाइट दिया जाए, थोड़ा सा एलिस विलानी को फंसाया जाए बड़े शॉटों के अंदर। अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर शाशा मौलनी के ओवर की, और राउंड द स्टंप गई हैं, लेग स्टंप पे गेंद, कलाइयों के सारे खेल दिया, फाइनल स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। ये कुछ समझ में नहीं आया, जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज खुद जो है वो आए हैं मार खाने के लिए कि भैया हमें मार के सुझा दो, क्योंकि हमें रन तो रन देने आए हैं यहाँ पर। 65 गेंदों में 82 रन चाहिए जीतने के लिए। एलिस विलानी के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, 61 रन बन चुके हैं, 3 विकेट नुकसान पर, 9.1 गेंद हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि होबार्ट ने खुद ही जो है रन देना शुरू कर दिया है इस मुकाबले के अंदर। और यहाँ से एक बार फिर से राउंड द विकेट, यहाँ पर शाशा मौलनी मिडल स्टंप पे अगेन स्वीप शॉट खेला है,
गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में। वैसे मेरे हिसाब से शशा मालिनी को राउंड द स्टंप आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ओवर द विकेट वो अच्छी गेंदबाजी कर रही है माफ़ी एलेक्स कैप्सी गेंदबाजी कर रहे हैं, मालिनी नहीं, एलेक्स कैप्सी गेंदबाजी करने आई हैं और दो गेंदों में 5 रन दे चुकी हैं। एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए अब एलेक्स कैप्सी ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। निकोला कैरी हैं स्ट्राइक पर। देखते हैं निकोला कैरी जो है वो किस प्रकार से खेलती हैं। एक बार फिर से एलेक्स कैप्सी के ओवर की अगली गेंद इस बार एलेक्स कैप्सी के इस ओवर की तीसरी गेंद। निकोला कैरी को ऑफ स्टंप पे अगेन रिवर्स स्वीप किया, अपील कर रही है जोरदार अपील, मगर कोई फायदा नहीं क्योंकि गेंद निकल गई है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और लेग बाय का एक सिंगल मिलता हुआ स्ट्राइक पैलेस विलानी आती हुई और स्कोर हो चुका है यहाँ पर 63 रन 3 विकेट नुकसान पर। 63 गेंदों में 80 रन चाहिए, मगर सिचुएशन ये है कि आज मेलबर्न स्टार की गेंदबाजी में दम दिख नहीं रहा, क्योंकि पिच अच्छी है गेंदबाजों के लिए, मगर यहाँ पर फील्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फील्डिंग भी काफ़ी ख़राब चल रही है और गेंदबाजी तो हो ही रही है। अगर आपने विकेट लिया है मगर तब भी आप चौके और छक्के खा रहे हैं तो प्रेशर जो बना ही नहीं है हवा हरिकेन्स के ऊपर। तो बात करते हैं यहाँ पर एलेक्स कैप्सी से। कैप्सी अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाज है, मगर एलेक्स कैप्सी जो है वो रन रोकने के लिए ज़्यादातर गेंदबाजी करती हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी होगी अगली गेंद इस बार एलेक्स विलानी को एलेक्स कैप्सी के ओवर की चौथी गेंद एलेक्स विलानी को। एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद कलाइयों के सहारे खेल दिया सिंगल के लिए और ऐसे तो आसानी से मैच के करीब पहुंच जाएंगी यहां पर एलेक्स विलानी। 62 गेंदों में 79 रन चाहिए जीतने के लिए। निकोला कैरी है स्ट्राइक पर, 64 रन 3 विकेट नुकसान पर, 9.4 गेंदें हो चुकी हैं, दो गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की और विकेट्स लेने के बावजूद भी प्रेशर पूरी तरीके से मेलबर्न स्टार के ऊपर है। अगली गेंद निकोला कैरी को कदमों का इस्तेमाल करके कलाइयों के सहारे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 3 विकेट नुकसान पर, 9.5 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल्ड में है होबार्ट आराम से रन्स जो है वो निकाल रही है, मगर मेलबर्न के कप्तान मैगलैनिंग को सोचना होगा कि इन रनों को कैसे रोका जाए। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर एलेक्स कैप्सी के ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पैलेस विल्लानी लेग स्टंप पे गेंद, फिर से लेग स्टंप पे गेंद कलाइयों के सहारे खेल दिया 1 रन के लिए। और कोई जाकर इनको बताए कि यहाँ पर अगर आप लेग स्टंप पे गेंदबाजी करेंगे तो आपको विकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर LBW आउट करना है तो आपको ऑफ स्टंप की तरफ आना पड़ेगा। चलिए 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 66 रन लॉस ऑफ 3 विकेट होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है और यहाँ पर दबाव बना हुआ है क्योंकि आपको 76 रन चाहिए जीतने के लिए। जी हाँ, 77 रन चाहिए माफ करिए जीतने के लिए यहाँ पर, और गेंदें बची हैं 60, 2 पावर सर्व के ओवर बचे हुए हैं यहाँ पर। बाकी आप सब लोग जो है वो सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा यार, सेटबेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बैट जो है सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पे आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे, 500 का एक्स्ट्रा 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। डिपॉजिट आप गूगल पे फोन पे ATM से बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हैं, विड्रॉल आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है। तो जाकर ज्वाइन करिएगा सेटबेट को, खेलिएगा और जीतिएगा। और सेटबेट के ऊपर अच्छी बात यह है कि सारे मुकाबले आप लाइव देख सकते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, टेनिस का हो, कोई भी मुकाबला हो, आप सारे मुकाबले जो है वो लाइव देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर चलें मुकाबलों की तरफ तो मुकाबला अब थोड़ा सा मेलबर्न स्टार और होबार्ट हरिकेन्स, ये होबार्ट हरिकेन्स की तरफ थोड़ा झुक रहा है ये मुकाबला, क्योंकि यहाँ पर आपको विकेटें चाहिए, 2 या 3 विकेट आपको चाहिए होंगे अगले 5 ओवर के अंदर प्रेशर बनाने के लिए। अगर एलेक्स विलानी आखिर तक खेल गए तो शायद ये स्कोर को चेज करते नजर आएंगे, मगर अब गेंदबाजी में देखते हैं किसे लाया जाएगा, कौन करेगा 11वें ओवर की शुरुआत। तो जो भाई नए जुड़े हैं लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त ये खेल चल सकता है, काफ़ी खेल जो है ज़बरदस्त चल सकता है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है, मगर यहाँ पर अब गेंदबाजी जो है वो कौन कराया जाएगा, किस गेंदबाज को लाया जाएगा, क्योंकि एलेक्स कैप्सी बचने के लिए गेंदबाजी कर रही हैं, एनएबल सदरलैंड फुल टॉस कर रही हैं, सोफी डे की लाइन नहीं पहुंच पा रही है, और एक ही गेंदबाज से आप मुकाबला कैसे जीतेंगे, सभी गेंदबाजों को लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करनी होगी। चलिए शुरुआत करते हुए गेंदबाजी की, पहली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल किया
स्क्वायर लेग की दिशा में एक रन तो मिल गया है, क्या दूसरा भी लेंगी? जी नहीं, एक ही रन लेंगी। यहाँ पर एलिस विलानी स्ट्राइक पे आती हुई, बाएं हाथ के बल्लेबाज निकोला कैरी आ जाएंगी यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो स्कोर अभी भी 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। गेंदबाजी के लिए मैकीना को बुलाया गया है, रईस मैकीना जो है वो गेंदबाजी करना है। मैकीना की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाज है, उनको अब आखिरी के ओवर्स में गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है। दस ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए लाया जा रहा है। इसमें कहना कि ओवर की पहली गेंद ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, इस बार इन शॉर्ट ऑफ लेफ्ट, शॉर्ट लेंथ गेंद पुल किया था, मिड विकेट के फील्डर्स जस्ट आ गई, ये गेंद गिरी और गेंद को फील्ड कर लिया। कोई भी रन जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। डॉट गेंद आती हुई, दो गेंदें इस ओवर की हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, दो गेंदें हो गई है इस ओवर की। रईस मैकीना की कोशिश यही कि प्रेशर जो है बिल्ड किया जाए, रिक्वायरमेंट को बढ़ाया जाए या एक आधा विकेट यहां पर निकाली जाए। एक बार फिर से अगली गेंद रईस मैकीना की इस ओवर की। निकोला कैरी को स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टन के बाहर पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद आती हुई, एक और डॉट गेंद आती हुई यहां पर। स्कोर अभी भी 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 10.3 गेंदों का खेल जो है समाप्त हो चुका है यहां पर। होबार्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। कप्तान एलिस विलानी जो है क्रीज पर मौजूद हैं, खुद एक बड़ी बल्लेबाज हैं, अगर उनको आउट नहीं किया तो बहुत दूर निकल जाएगा मेलबर्न स्टार के लिए मुकाबला। चलिए एक बार फिर से अगली गेंद, निकोला कैरी को सीधे बल्ले से खेला कवर की दिशा में, एक बार फिर से गेंद को फील्ड कर लिया फील्डर ने। पहली गेंद में सिंगल आया था, पर उसके बाद लगातार तीन डॉट गेंदें इस ओवर में आ चुकी हैं। 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, स्कोर हो चुका है। जी हाँ, स्कोर हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ से मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज मुकाबला जो है काफ़ी अच्छा चला है, घुमा बहुत है। उम्मीदें यही है कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाए और स्कोर जो है लास्ट ओवर फिनिश जो है वो देखने को, आजकल वर्ल्ड बिग बैश में लास्ट ओवर फिनिश जो है वो देखने को मिल नहीं रहा। एक बार फिर से लेग स्टंप पे अगेन फाइनल की दिशा में खेला है इस शॉट को, एक रन जो है मिलेगा इस गेंद पर। इस एक रन के साथ पाँच गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, दो रन आए हैं इस ओवर के अंदर, 68 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, जी हाँ आखिरी गेंद लेकर चलेंगे रईस मैकीना और स्ट्राइक पे होंगे एलिस विलानी। अभी दो रन आए हैं, शायद मैकीना जो है वो कोशिश यही करेंगे कि आखिरी ओवर के अंदर, आखिरी गेंद के ऊपर माफ करिए, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की जाए। अगली गेंद एलिस विलानी को लेग स्टंप के बाहर, लीजिए एक और वाइड गेंद यहाँ पर देते हुए नजर आई है रईस मैकीना। और आज वाइड गेंदों का तो कहते हैं ना कि आज फील्डिंग मेलबर्न स्टार की बहुत ज़बरदस्त नहीं रही है, गेंदबाजी में वाइड देते रहे। अच्छा ओवर जा रहा है, वाइड दे दिया, उसके बाद ख़राब गेंदबाजी भी, फील्डिंग भी आज ख़राब रही। तो मेलबर्न स्टार अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं किस्मत के भरोसे ही जीतेगी, क्योंकि आज इतना बेहतर प्रदर्शन जो है ना फील्डिंग में दिखा है ना गेंदबाजी में। चलिए अगली गेंद रईस मैकीना की स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टन की तरफ पॉइंट की दिशा में खेला है फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति होते हुए 3 रन आए इस ओवर से, और 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। अभी भी जीतने के लिए कुल मिला के यहाँ पर जो है 74 रन, जी हाँ 74 रन चाहिए 54 गेंदों के अंदर। तो थोड़े से अब गेंदबाजी, जो गेंदबाज लगाए जाएं अगले 12 13 14 या 15 ओवर तक गेंदबाज लगाए जाएं, वो अच्छे गेंदबाज लगाए जाएं, तो शायद प्रेशर जो है बनता हुआ नज़र आएगा। शायद यहाँ पर क्या पावर सर्च लेना चाहेंगे यहाँ पर एलिस विलानी और निकोला कैरी। अब देखते हैं क्या सोच रहेगी। जी हाँ, पावर सर्च यहाँ पर ले लिया गया है। तो 12वां और 13वां ओवर पावर सर्च का रहेगा, शायद रिक्वायर रन रेट को कम करने की कोशिश रहेगी एलिस विलानी की, और पावर सर्च ले लिया गया है यहाँ पर। तो बता दें आपको 12वां और 13वां ओवर पावर सर्च का रहेगा। तो पहला पावर सर्च का ओवर डालती हुई एनाबेल सदरलैंड 12वां ओवर डालेंगे, एनाबेल सदरलैंड 13वां ओवर, देखते हैं कौन डालेगा। मगर अब 12 गेंदे पावर सर्च की रहेगी, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फेज है होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार के लिए। मेलबर्न स्टार चाहेगा यहाँ से रन ना आए, विकेट गिराएं, और यहाँ पर होबार्ट चाहेगा कि रन बनाएं और स्कोर को आगे लेकर जाएं। चलिए 69 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 11 ओवर हो चुके हैं। एनाबेल सदरलैंड पहली गेंद लेकर चलती है पहले ओवर के पावर सर्च की। जी हाँ, पहली गेंद सामने निकोला कैरी, लेग स्टंप पे गेंद, कलाइयों के सारे खेला फाइन लेग की दिशा में, और फील्डर ने गेंद को पकड़ा। कोई रन नहीं मिला। पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद है, अच्छी शुरुआत यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड की, मगर पैड से हटना होगा यहाँ पर। आज देखने को मिल रहा है मेलबर्न स्टार के जो गेंदबाज है वो सिर्फ पैरों पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बचने के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर मुकाबले बने रहना है तो आपको विकेट निकाल कर ही मैच जीत सकते हैं आप। चलिए अगली गेंद एनाबेल सदरलैंड की, इस बार फिर से स्लोअर डिलीवरी, कलाइयों के सारे खेला मिड विकेट दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंच चुकी है। एक रन तो ले लिया है, कि दूसरा रन लेने की कोशिश ही नहीं,
एलेक्स सिलारी की कोशिश यही है कि स्ट्राइक उनके पास रहे, वो बड़े शॉट खेलें। पावर सर्ज की दो गेंदें हो चुकी हैं, एक रन आया है, स्ट्राइक पे होंगे एलेक्स सिलारी। 70 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 73 रन चाहिए जीतने के लिए यहाँ पर 52 गेंदों के अंदर। जी हाँ, 52 गेंदों के अंदर 73 रन चाहिए, और मगर दिक्कत ये कि 10 गेंदें अभी भी पावर सर्ज की बची हुई है। पावर सर्ज की 10 गेंदें जो है बची हुई हैं यहाँ पर। अब देखते हैं पावर सर्ज के इन 10 गेंदों के अंदर किस प्रकार से गेंदबाजी जो है वो करते जाते हैं। चलिए अगली गेंद लेकर चलते हुए, जैसे यहाँ पर अगली गेंद पर फिर से स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को, कवर की दिशा के फील्डर ने बिल्कुल अपने शरीर को लगाया गेंद की तरफ, गेंद को किसी भी हाल में रोकने की कोशिश, और रोका भी यहाँ पर, रोक भी दिया यहाँ पर। कुणाल दुबे बॉन्ड भाई करे कॉमेंट्री ऐसे जैसे कर रहा, चार बोल रहा है, चार पढ़ रहे हो भाई, भाई चार नहीं पढ़ रहे, मैच इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग फेज़ है कुणाल दुबे भाई, या मैच के बारे में शायद पता नहीं होगा आपको कि इंटरेस्टिंग फेज़ कौन सा है और कौन सा, आप तो सिर्फ गेंद और बॉल देख रहे हैं, मगर इन्जॉय करेंगे मैच को तब सही लगेगा। फिर से ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट किया गेंद को, गेंद निकल गई थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। काफ़ी देर से कंट्रोल्ड गेंदबाजी थी, मगर इस बार गैप ढूंढ निकाला एलेक्स विल्लानी ने, और चौका बटोरा इस गेंद पर। 74 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर, 11.4 गेंदें हो चुकी हैं, 50 गेंदों में 69 रन चाहिए जीतने के लिए, और पावर सर्ज के ओवर की 4 गेंदें हो चुकी हैं, 5 रन आए, अभी भी 2 गेंदें बची हैं एलेक्स विल्लानी के लिए। जी हाँ, एलेक्स विल्लानी की अगर बात की जाए तो कोशिश यही है, कहता बाउंड्री ढूंढे, एक बार फिर से स्लोअर डिलीवरी, ऑस्टम की तरफ ड्राइव किया गेंद को, मगर कोई यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई भी रन नहीं मिला यहाँ पर, और इस डॉट गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी एनवल सदरलैंड की, गेंद के ऊपर जो है पेस को कम कर रही हैं, और लाइन जो है वो ऑस्टम के पास रखेंगे, अगर बल्लेबाज मिस करे तो वो बोल्ड और LBW का चांस जो है वो बना रहे यहाँ पर। एनवल सदरलैंड के ओवर की आखिरी गेंद, पहला ओवर जी हाँ, अगर देखा जाए पावर सर्ज का चल रहा है 12वां ओवर पारी का, स्लोअर डिलीवरी एक बार फिर से ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से खेला, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे आती है और एलेक्स विल्लानी आउट यहाँ पर। लीजिए, एक और जो विकेट की तलाश थी मेलबर्न स्टार को वो दिला दी है यहाँ पर एनेबल सदरलैंड ने। ऑस्टम की तरफ स्लोअर डिलीवरी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, टॉपेज लगा और गेंद गई सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में, और एलेक्स विल्लानी की ये पारी समाप्त होती हुई 36 गेंदों में 41 रन बनाकर, 5 चौके 1 छक्का लगाकर एलेक्स विल्लानी जो है पवेलियन जाते हुए 74 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर, 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, निकोला कैरी होंगे स्ट्राइक पर। अब देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आएंगी यहाँ पर, कौन आएंगी अब देखना होगा इस मुकाबले में। और 50 पैसे ले आओ भाई, 50 पैसे हाथ हो गई, कितना लाएं, 55-56 चली रहा है, फिर से मेलबर्न स्टार फेवरेट आ गई है, विकेट तो मिलेंगे भैया, पिच आसान नहीं है, इस पर शॉट लगाना उतना बेहतर नहीं है, तो ख़राब गेंदबाजी के चलते रन बन रहे हैं, क्योंकि ख़राब गेंदबाजी जो है वो करते जाइए। मगर ये पावर सर्ज का पहला ओवर काफ़ी अच्छा गया है, 5 रन और एक बड़ा विकेट कहीं ना कहीं एलेक्स विल्लानी का। मगर अब अगर देखा जाए तो नॉमी स्टेलबर्ग, जी हाँ नॉमी स्टेलबर्ग को भेजा गया, ये भी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी जो है वो कर लेती हैं, 48 गेंदों में 69 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर रन रेट 8.63 का हो चुका है। अनफल बाय बाय, और प्रतीक भाई लिख रहे हैं अनफल भाई बाय बाय, अनफल भाई क्या हो गया है आजकल, तो आप गुस्से में रहते हो। चलिए यहाँ पर पहली गेंद इस ओवर की, और लीजिए बाउंड्री बटोरती हुई निकोला कैरी, मिड ऑन के सर के ऊपर से खेला इस शॉट को 4 रन के लिए, इस चौके के साथ थोड़ा सा प्रेशर जो है वो गेंदबाज के ऊपर आएगा। सोफी डे को गेंदबाजी दे दी, और सोफी डे की गेंदबाजी देख कर मुझे लगता है कि गेंदबाजी करती क्यों है, क्योंकि ना इनके गेंदबाजी में कंट्रोल दिखता है, सिर्फ गेंद को धीमा करती हैं बस, मगर लाइन और लेंथ काफ़ी ख़राब, यहाँ पर ये ख़राब है। किम ग्राथ को ओवर मिलना चाहिए था, क्योंकि उनका एक ओवर बचा हुआ है अभी भी सोफी डे के ओवर के अगली गेंद पर। फिर से ऑस्टम की तरफ रिवर्स स्वीप खेल दिया, और लीजिए एक और चौका, लीजिए यहाँ पर एक और चौका आता हुआ निकोला कैरी के ओवर में, निकोला कैरी के बल्ले से 2 बैक-टू-बैक चौके, और सोफी डे को लाना ये ख़राब सोच यहाँ पर मैकलैनिंग की, 46 गेंदों में 61 रन चाहिए, आप यहां पर दाएं हाथ के स्पिनर लाना चाहिए था, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद है निकोला कैरी। अगली गेंद एक बार फिर से सोफी डे की यहां पर, और सामने मौजूद निकोला कैरी भी बल्लेबाजी अच्छी करती हैं, और नॉमी स्टेलबर्ग भी हैं, ये 2 विकेट छटकाने होंगे मेलबर्न स्टार को। अगली गेंद सोफी डे के कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन की दिशा में, आउटफील्ड थोड़ा सा हार्ड है, 1 रन ही मिलेगा इस गेंद पर, और इस 1 रन के साथ फिर से स्ट्राइक पे नॉमी स्टेलबर्ग आ जाएंगे। शायद ऐसा लगा था बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, मगर यहाँ पर बता रहे कि 22 का सिंगल आया है, अंपायर लगा तो था कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा, मगर यहाँ पर 83 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर,
पावर सर्च का यह आखिरी ओवर है, 3 गेंदें बची हैं, 9 रन दे चुके हैं सोफीडे, अगले 3 गेंदों में क्या कमाल करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में, क्या कमाल करते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले में, ये देखना होगा। चलिए अगली गेंद सोफीडे के इस ओवर की, सामने मौजूद नॉमी स्टेलबार्ग, लो फुल टॉस, ये गेंद कलाइयों के सारे खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन तो मिल गया है, क्या दूसरा रन लेंगे देखना होगा यहाँ पर। जी हाँ, 2 रन ले लिए हैं, 2 रन बटोर लिए हैं इस गेंद पर, इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन 4 विकेट नुकसान पर, 12.4 गेंदें हो चुके हैं, 44 गेंदों में 58 रन चाहिए। अगली गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर सोफीडे, नॉमी स्टेलबार्ग के लिए 5वीं गेंद होगी, एक बार फिर से लो फुल टॉस, कलाइयों के सारे फिर से खेल दिया डीप मिड विकेट दिशा में, इस बार लॉन्ग ऑन की फील्डर तैयार थी और 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर। जी हाँ, यासिर टकी भाई जुड़ चुके हैं, हेलो भाई हाउ आर यू, हर वरी बढ़िया बढ़िया, एंट्री ले ली क्या भाई यासिर भाई, मैच खत्म होने को आ चुका है, एंट्री भी हो गई है, लॉस कट बुक सेट भी हो चुका है, अब आप पूछ रहे हैं एंट्री लेनी है, बहुत नीचे 27 पैसे होबार्ट से और 55 पैसे मेलबर्न स्टार आ चुका है यहाँ पर। आखिरी गेंद इस ओवर की निकोला कैरी को, सोफीडे के इस ओवर के कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला, 1 रन बटोरा है और सोफीडे को अगर ऐसे ही ओवर देते रहेंगे तो जिंदगी नाश हो जाएगी मेलबर्न स्टार वालों की, क्योंकि देखिए अगर इस पिच के ऊपर अगर आप हॉबार्ट हरिकेन्स के स्पिनर देखें और सोफीडे को देखें तो जमीन आसमान का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। 29 रन दिए सोफीडे ने अभी तक, 1 विकेट छटकाया है, 13 रन आए इस ओवर से, पावर सर्च भी खत्म हो चुका है, तो अब 13 ओवर 87 रन 4 विकेट नुकसान पर, 42 गेंदों में 56 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर रन रेट अभी भी 8 का है, अभी भी 8 का यहाँ पर रिक्वायर रन रेट है। अब देखते हैं किस प्रकार से होता है यहाँ पर और किस प्रकार से ये खेल जो है वो चलता है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी में बता रहे हैं, गेंदबाजी फील्डिंग अगर मैच जीतती भी है मेलबर्न की टीम अपनी किस्मत से जीतेगी, क्योंकि गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं करी है, होबार्ट ने भी थोड़ी बहुत गलती की है बल्लेबाजी करते हुए, मगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर किस्मत का सहारा जो है मिल रहा है मेलबर्न स्टार को। चलिए एक और गेंदबाज कैलस कैप्सी आई है, जी हाँ यहाँ पर शाशा मोलनी को बुलाया गया है, शाशा मोलनी राउंड द स्टंप आती हुई भारत के बल्लेबाज के लिए, 2 ओवर किए 13 रन दिए शाशा मोलनी के ओवर की पहली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, इनसाइड एज लगा, गेंद को फील्ड करा मगर मिस हो गई ये गेंद, 1 रन मिल जाएगा निकोला कैरी को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे नॉमी स्टेलबार्ग जो कि 2 गेंदों में 3 रन आगे खेल रही हैं, 41 गेंदों में 55 रन चाहिए जीतने के लिए, रिक्वायर रन रेट अभी भी 8.05 का। अगली गेंद लेकर चलती हुई शाशा मोलनी यहाँ पर, और सोफीडे की तरफ से दोबारा देखे भी ना, अगर मैगलाइनिंग तो शायद बेटर रहेगा यहाँ पर, शाशा मोलनी यहाँ पर अब अगली गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर शाशा मोलनी, दूसरी गेंद इस ओवर की, नॉमी स्टेलबार्ग को ऑस्टन के बाहर, ये गेंद कट कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप पॉइंट दिशा में, 1 रन मिलेगा इस गेंद पर, दूसरा लेने की कोशिश थी मगर वहाँ मना किया नॉमी स्टेलबार्ग को निकोला कैरी ने, स्कोर अभी भी 89 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, विकेट की तलाश है, निकोला कैरी का विकेट चाहिए होगा, अच्छी फॉर्म में दिखी है, अच्छी बल्लेबाजी जो है करके दिखाई है निकोला कैरी ने। अगली गेंद शशा यहां पर शशा मोलनी के इस ओवर की, तीसरी गेंद फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सारे खेला, गेंद हवा में है मगर गेंद जाएगी मिड विकेट फील्डर से जस्ट आगे, ये गेंद गिरेगी, 1 रन मिल गया है इस गेंद पर। ये फुल टॉस गेंदों का जो खतरा मंडरा रहा है मेलबर्न स्टार की गेंदबाजी के ऊपर, आज काफ़ी फुल टॉस करी है, 2 फुल टॉस में तो 2 छक्के भी लगे हैं आज, स्कोर हो चुका है 90 रन 4 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद लेकर चलती हुई शशा मोलनी, अभी तक तो ओवर ठीक ठाक सा रहा है, सिंगल आए हैं इस ओवर के अंदर, अगली गेंद शशा मोलनी के इस ओवर की पटकी हुई गेंद, इस बार पुल कर दिया गेंद को, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, इस बार चौका आया है नॉमी स्टेलबार्ग के बल्ले से, पहला चौका आता हुआ शशा मोलनी, अच्छा ओवर जा रहा था, 3 सिंगल आए थे, अब 4 गेंदों में 7 रन दे चुकी हैं, 38 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए, 94 रन 4 विकेट नुकसान पर होबार्ट का स्कोर है, 13.4 गेंदें हो चुकी हैं और मैं बता तो रहा हूँ मेलबर्न स्टार की गेंदबाजी को आज देखेंगे, अगर आज जीत गए तो इनकी किस्मत होगी, अदरवाइज गलतियाँ तो सिर्फ होबार्ट ही कर रही है, क्योंकि ये गेंदें तो पूरी पूरी दे रहे हैं मार खाने की और मार खा भी रहे हैं। चलिए अगली गेंद, एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंद, डिफेंस कर दिया सिंगल लेने की कोशिश, शशा मोलनी ने गेंद को जाकर रोका यहाँ पर, और इस ओवर की 5 गेंदें 7 रन आए हैं, आखिरी गेंद है इस ओवर की, रिक्वायर रन रेट अभी भी 7.95 का, ये आखिरी गेंद पर क्या विकेट निकाल सकती हैं या डॉट निकाल सकती हैं, क्योंकि प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, रन जो है वो आ रहे हैं हर ओवर में, एक आधा बाउंड्री जो है निकल रही है। एक बार फिर से अगली गेंद नॉमी स्टेलबार्ग को, सीधे बल्ले से खेला मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने गेंद को पकड़ा है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, एक और डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की, आखिरी गेंद डॉट गेंद, स्कोर हो चुका है 94 रन
चार विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 36 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 8.17 का था। टॉफी डे की तरफ से जाने की कोशिश रहेगी भी नहीं यहाँ पर। एनएमएल सदरलैंड का एक और बच्चा हुआ है, यहाँ पर शाशा मोलनी का एक और बच्चा हुआ है, एलेक्स कैप्सी है, रैस मकीना जी, रैस मकीना की तरफ क्या अब रुख अपनाएंगी यहाँ पर, क्या युवा खिलाड़ी रैस मकीना क्या कुछ कमाल कर पाएंगी इस मुकाबले के अंदर। 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं रैस मकीना, और अगर देखा जाए तो एक अच्छी बल्लेबाजी क्या यहाँ पर कर दिखाएंगी, क्या देखना होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। चलिए, रैस मकीना की तरफ गई हैं गेंदबाजी के लिए। मैग लैनिंग यहाँ पर एक बार फिर से ओवर द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, कैरी के लिए कैरी हैं और निकोला कैरी है सामने। नॉमी स्टेलबर्ग दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, अगर इनमें से एक इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए तो थोड़ा दबाव बनता हुआ नजर आएगा। बाकी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। पावर सर्च खत्म हो चुका है भाई लोगों, पावर सर्च 12वां और 13वां ओवर में ले लिया था, जहां पर अलेक्स फिलानी का विकेट गया था वो पावर सर्च के ही ओवर थे। अब पावर सर्च खत्म है, फील्ड खुली हुई है और गेंदबाजी रैस मकीना जो है वो कर रही है ओवर द विकेट। रैस मकीना के ओवर के पहले गया है निकोला कैरी को लेग स्टंप के बाहर, वाइड गेंदों का तो आज लिस्ट निकाल लीजिएगा कि वाइड गेंदें आज कितनी करते हुए नजर आए हैं मेलबर्न स्टार के गेंदबाज। एक और वाइड गेंद, 95 रन 4 विकेट नुकसान पर 14 ओवर हो चुके हैं। 36 पे 48 रन चाहिए जीतने के लिए यहाँ पर, मगर वाइड गेंदों से फुर्सत मिले गेंदबाजों को तो विकेट निकाले यहाँ पर। चलिए अगली गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर निकोला कैरी के लिए ऑस्टन के बाहर ये गेंद ड्राइव किया, एक रन जो है वो मिल जाएगा इस गेंद पर। तो आज जो प्रेशर सिचुएशन बनानी चाहिए वो दिखी नहीं है गेंदबाजी के अंदर में। अगर मैं एक्स्ट्रास को गिनूं तो अभी तक कुल मिला के 6 वाइड गेंदे कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज इस लो स्कोरिंग मैच के अंदर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अब गेंदबाजी होती है। 2 रन आ चुके हैं एक गेंद के अंदर, 47 रन चाहिए जीतने के लिए। अगले 3 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर मेलबर्न स्टार के लिए। अगर रनों को रोकेंगे, विकेट निकालेंगे, तभी इस खेल बने रहेंगे। अगर रन आते हैं तो फिर दूर निकल जाएंगे इस मुकाबले से। चलिए, नॉमी स्टेलबर्ग तैयार है, फील्ड को प्लेस कर रही है यहाँ पर। रैस मकीना जो है गेंदबाजी करने तैयार है, मगर फील्डर को थोड़ा सा आगे पीछे ही कर रही है शायद, लग रहा है बस। चलिए, अगली रैस मकीना के ओवर की दूसरी गेंद, नॉमी स्टेलबर्ग हैं स्ट्राइक पर। ऑस्टम की तरफ स्लोअर डिलीवरी, ड्राइव किया कवर दिशा में, सिंगल आता हुआ इस गेंद पर। और ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज खुद घबरा रहे हैं कि रन ना पड़ जाए उनकी गेंदबाजी के ऊपर। 34 गेंदों में 40 रनों की ज़रूरत। स्ट्राइक निकोला कैरी के पास है, 18 गेंदों में 19 रन आ चुके हैं, 2 चौके लगा चुकी हैं। दबाव बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि विकेट लेने के लिए आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। 3-2 गेंदें हो गई हैं इस ओवर की। अगली गेंद निकोला कैरी को यहाँ पर, रैस मकीना की स्लो डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, सीधे बल्ले से खेला, मिड ऑफ की दिशा में डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश रहेगी, मगर पहुंच जाएंगे निकोला कैरी। एक रन और जोड़ लीजिएगा हॉबार्ट हरिकेन्स के खाते में, 98 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 14.3 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर, 14.3 गेंदे यहाँ पर हो चुकी हैं। अब किस प्रकार से गेम चलता है और यहाँ से देखने वाली बात रहेगी किस प्रकार से गेम चलता है यहाँ पर। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अगली गेंद रैस मकीना के इस ओवर की, नॉमी स्टेलबर्ग हैं स्ट्राइक पर। इस बार बढ़िया गेंद रैस मकीना की, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। डॉट गेंद आती हुई, जी हाँ, इस बार गेंद लेग स्टंप पे थी, जाकर पैड से टकराई है और रन नहीं मिलेगा। 32 गेंदों में 45 रनों की है ज़रूरत। रिक्वायर्ड रन रेट 8.44 का, जी हाँ, 8.44 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। अब यहाँ से रैस मकीना क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी गेंदों बची हैं 2, इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं। इन 2 गेंदों में अगर बाउंड्रीज आती है तो प्रेशर जो है फिर से मेलबर्न के ऊपर, अगर डॉट गेंद आती है तो प्रेशर शायद हॉबार्ट के ऊपर होगा। चलिए, अगली गेंद रैस मकीना की स्लो डिलीवरी ऑस्टम की तरफ, बल्ला घुमाया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन की दिशा में और चौका मिलता हुआ यहाँ पर आता हुआ इस गेंद पर, चौका मिलता हुआ नॉमी स्टेलबर्ग को। स्कोर होता हुआ 102 रन 4 विकेट नुकसान पर। 14.5 गेंदे हो चुकी हैं, 31 गेंदों में 41 रन चाहिए जीतने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि आज मेलबर्न स्टार की किस्मत जो है पता नहीं किस चीज़ से लिखी हुई है, क्योंकि जब भी प्रेशर बनता है हॉबार्ट के ऊपर
तो कहीं ना कहीं किस्मत का चौका जो है मिल जाता है हॉबार्ट को। आखिरी गेंद इस ओवर की रैस मकीना के, इस ओवर की फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, पैड पर लगी है गेंद, एक रन जो है वो दौड़ लिया इस गेंद पर। तो अब 30 गेंदों में 40 रन चाहिए, 9 रन आए इस ओवर से, देखिए फील्ड खुलने के बाद भी 9 रन आ रहे हैं ओवरों से, और 15 ओवर हो चुके, 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। नॉमी स्टेलबर्ग होंगे स्ट्राइक पर। अब देखते हैं गेंदबाजी करने कौन आएगा 16वें ओवर में। जी हां, 16वें ओवर में अब देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, क्या अब अपने स्ट्राइक गेंदबाज को लाया जाएगा, किम ग्राथ, एनाबेल सदरलैंड को लाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। जी हाँ, रुख बनाया तो है, मैं यहाँ पर मैग लैनिंग ने एनाबेल सदरलैंड की तरफ, मगर एनाबेल सदरलैंड का भी इकोनॉमी आप देखें तो 7.67 का है, 2 विकेट ज़रूर मिले हैं एनाबेल सदरलैंड को, मगर इकोनॉमी इनका भी ज़्यादा है। तो कोई एक बड़ा ओवर, जी अगर यहाँ पर प्रेशर बनाना है आपको तो एक ऐसा ओवर चाहिए जहाँ पर आप 2 या 3 रन दें और यह विकेट छटकाएं, प्रेशर जो है वो फिर से होबार्ट के ऊपर होगा, मगर सिचुएशन बहुत ख़राब, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब यहाँ पर गेंदबाजों के लिए, किस्मत आज साथ दे नहीं रही है गेंदबाजों की। बल्ले का बाहरी किनारा बाउंड्री की तरफ जा रहा है, एक बार फिर से एनाबेल सदरलैंड 16वां ओवर लेकर चलेंगे यहाँ पर, 16वां ओवर लेकर चलेंगे और देखते हैं अब किस तरीके से गेंदबाजी होगी। चलिए एक बार फिर से एनाबेल सदरलैंड ओवर की पहली गेंद लेकर चलती हुई स्ट्राइक पे, नॉमी स्टेलबर्ग स्लोअर डिलीवरी, सीधे बल्ले से खेला मगर गेंद को फील्ड कर लिया यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड ने, और कोई भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। तो पहली गेंद डॉट गेंद है, घबराइए नहीं, ऐसे दिखाते हैं, एक दो डॉट कराते हैं फिर चौका खा लेते हैं, इनकी गेंदबाजी भरोसा उठ रहा है, क्योंकि अगर जीतेंगे तो अपनी किस्मत से जीतेंगे आज मेलबर्न स्टार वाले। 29 गेंदों में 40 रन चाहिए जीतने के लिए, 8.28 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चाहिए। स्ट्राइक पे होंगे यहाँ पर नॉमी स्टेलबर्ग, ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर, अगली गेंद स्लो डिलीवरी, यॉर्कर गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर, इस एक रन के साथ स्ट्राइक पे निकोला कैरी जो है वो स्ट्राइक पे आ चुके हैं। स्कोर हो चुका है 104 रन 4 विकेट नुकसान पर, 15.2 गेंदे हो चुकी हैं, 28 गेंदों में 39 रन चाहिए। ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है निकोला कैरी और यहाँ पर नॉमी स्टेलबर्ग के बीच में। तो सिचुएशन यही है कि इस ओवर को, जी हाँ, ये ओवर अच्छा होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए, तो क्या हो पाएगा ये देखना होगा। चलिए 16वां ओवर चल रहा है, अगली गेंद लेकर चलते हुए, जी हाँ अगली गेंद लेकर चलती हुई यहाँ पर एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी जो हैं वो स्ट्राइक पे मौजूद हैं। अगली गेंद एनाबेल सदरलैंड की स्लोअर डिलीवरी, लेग स्टंप की तरफ, सीधे बल्ले से लेग स्टंप की तरफ उठाया है गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, बेहतरीन शॉट इस बार निकोला कैरी का, फुल लेंथ की गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ कलाइयों के सहारे खेल दिया उसको स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110 रन 4 विकेट नुकसान पर, 15.3 गेंदे हो चुकी हैं, 27 गेंदों में 33 रन चाहिए, और इस सिचुएशन में भी पैडों पे गेंदे हो रही हैं। जी हाँ, पैडों पे गेंदी हो रही है यहाँ पर, और पैडों पे अगर गेंद करेंगे तो बल्लेबाज के लिए आसान ही रन बनाना, तो भाई मेलबर्न स्टार के कोच कौन है यहाँ पर। चलिए अगली गेंद पर फिर से पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप की तरफ ही पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट दिशा में 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक पे नॉमी स्टेलबर्ग आ चुकी हैं। 26 गेंदे 32 रनों की ज़रूरत, रिक्वायर रन रेट 7.38 का, मैंने कहा था एनाबेल सदरलैंड का रिक्वायर रन रेट जो है वो करंट जो कम का रिक्वायर करंट रन रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, और ये एनाबेल सदरलैंड यॉर्कर गेंदबाजी कर सकती है, मगर ये सिर्फ लेग स्टंप की तरफ पैडों पे गेंद मार रही हैं कि जिससे पैड पे गेंद लगे और डॉट गेंद हो जाए, या विकेट लेने की कोई संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। अगली गेंद नॉमी स्टेलबर्ग को कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार ऑस्टन के बाहर यॉर्कर थी और डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर, मगर डॉट गेंद का फायदा नहीं है क्योंकि आपने रन जो है इतने दे दिए हैं कि बल्लेबाज प्रेशर नहीं महसूस करे, क्योंकि 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 25 गेंदों में 32 रन चाहिए जीतने के लिए, और ऐसा लग रहा है एनाबेल सदरलैंड की गेंदबाजी जो है इस सीज़न के अंदर पिटते हुए नजर आएगी, क्योंकि पिछले सीज़न के अंदर भी बहुत मार पड़ी थी एनाबेल सदरलैंड को, इस सीज़न के अंदर भी लग रहा है कि मार पड़ते नजर आएंगे। बल्ले से रन बन नहीं रहे एनाबेल सदरलैंड के, मगर गेंदबाजी में रन पूरे दे रही हैं। चलिए अगली गेंद पर फिर से स्लो डिलीवरी, ऑस्टम की तरफ सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर, बड़ा ही महंगा ओवर, पिछले 2 ओवरों में 18 रन आ चुके हैं, कोई ऐसा गेंदबाज दिख ही नहीं रहा जो आकर यहां पर विकेट चटका पाए। 24 गेंदों में 31 रन चाहिए जीतने के लिए, नॉमी स्टेलबर्ग हैं स्ट्राइक पर, 14 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रही हैं, निकोला कैरी 21 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रही हैं, 2 चौके 1 छक्का लगा चुकी हैं, 16 ओवर 112 रन 4 विकेट नुकसान पर होबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। 24 गेंदों में 31 रन चाहिए जीतने के लिए, मगर आप सब लोग सेटबेट के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है,
लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम से 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। तो जाकर ज्वाइन करिएगा, सेट बेट को खेलिएगा और जीतिएगा। सेट बेट के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा। मुकाबला काफ़ी बढ़िया, इस बार स्पिनर गेंदबाज को बुलाया गया, स्पिनर गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज जो है वो किस प्रकार से अब गेंदबाजी करेंगे। क्या फिर से सोफी डे बुला लीजिए भैया, वाह फिर से सोफी डे आ चुकी है। चलो भैया सोफी डे आ चुकी है, पहली गेंद पर सिंगल आया, स्ट्राइक पे है निकोला कैरी, 23 गेंदें 30 रनों की जरूरत। सोफी डे यहाँ पर, सोफी डे आ रही है यहाँ से, सोफी डे के ओवर की दूसरी गेंद, और लग रहा है इसी ओवर में ख़त्म करवाएंगी सोफी डे। सोफी डे के ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, पुल किया निकोला कैरी ने, गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन के लिए। अब्दुल हसन WBBL मार्क का खेल कर रहा है, 200K लॉस, 200K 200 रुपये या 200 हज़ार बोल रहे हैं भाई आप यहाँ पर। बहुत विजय कुमार भाई क्या करूं, मैं तो पहले ही बताया था आपको इनकी किस्मत से आज जाएंगे। चलिए अगली गेंद, नॉमी स्टेलबर्ग को हवा में खेला इस शॉट को लॉन्ग ऑफ की दिशा में 6 रन के लिए। और मैंने तो छूटते ही कहा था कि सोफी डे आई है और मैच को जरूर खत्म करा के जाएंगी, 21 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। और सोफी डे अपने आज बेहतरीन गेंदबाजी के ऊपर है, 35 रन दे चुकी है, 1 विकेट छटकाया है सिर्फ अभी तक, और इस मुकाबले को बहुत दूर लेके जा रही है मेलबर्न स्टार से यहाँ पर सोफी डे, क्योंकि सोफी डे आई है गेंदबाजी करने। और क्यों दिया गया ओवर समझ में नहीं आया कि सोफी डे को इतना इंपॉर्टेंट अच्छा ओवर देने, इतना महंगा ओवर देने की जरूरत क्या है। चलिए अगली गेंद सोफी डे के इस ओवर की, सामने मौजूद नॉमी स्टेलबर्ग सिंगल लिया इस गेंद पर, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 20 गेंदों में 24 रनों की है ज़रूरत। जी हाँ, 20 गेंदों में 24 रनों की है ज़रूरत। अब लग रहा है कि सोफी डे आज इसी मुकाबले के अंदर कमाल कर पाएंगी। ओहो, शुभमन गिल जो है वो आउट हो गए हैं, विराट कोहली बचे हुए हैं, विराट कोहली का भी 13 रन हो जाए तो शतक पूरे हो जाएंगे। आज सोफी डे, मैकेना, फॉल्टम, ये सब बस टीम पूरी करने के लिए हैं भाई, बिल्कुल काका भाई सही करें। मैंने किम रेस मकीना, तो देखो युवा खिलाड़ी, उनको खिलाया जाएगा तब होगा। हैना डालिंटन भी युवा खिलाड़ी थी, शुरू में जब पहले सीजन में आई तो बहुत मार पड़ी, सेकंड सीजन से उन्होंने गेंदबाजी सीखी है, मगर अगर देखा जाए तो सोफी डे तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा क्या इनका कोई टप्पा ही ढंग का नहीं है, इसे तो ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल नहीं पाती हैं। लीजिए एक चौक और खाई है। अगली गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप पे ही गेंदबाजी हो रही है, आज पूरे मैच में मेलबर्न स्टार ने लेग स्टंप पे ही गेंदबाजी करी है और फुल रन की गेंद करी, एक चौका और लीजिएगा। 18 गेंदों में 20 रन चाहिए जीतने के लिए, और सोफी डे ने इस मुकाबले में जहां पर 143 रन चेज कर रहे हैं, 4 ओवर में 40 रन खा के चली गई है सोफी डे। आप समझ सकते हैं कि अब प्रेशर जो है वो किसके ऊपर, मतलब 16, यूं कहें कि सोफी डे 4 में 40 खा के गई हैं, अगले 16 ओवर में बचाने होंगे 103 रन, तो ये तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया। और सोफी डे 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से, लग रहा है मेलबर्न स्टार के पास गेंदबाजी ही नहीं है, और पता नहीं कैसे पहला मुकाबला जीत गए थे सिडनी सिक्सर से। ये विराट 150 मारेगा आज भाई, अरे विराट की सेंचुरी होने दो यार, इनका तो चलता रहता है। और अगर देखा जाए तो सोफी डे का कुछ नहीं हो सकता भाई, सोफी डे का अब गेंदबाजी करने के लिए बताओ, किम ग्रात को यहाँ पर 16वां 17वां ओवर देना चाहिए था सोफी डे को, अगर अंत तक रोकते, अगर एक आधा विकेट आता तो आखिरी ओवर में चाहे 15 या 16 रन चाहिए तो सोफी डे शायद निकाल सकती थी, मगर यहाँ पर आपने शुरू में दे दिया, जो प्रेशर बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि गेंदें बची हैं, 18 रन चाहिए 20, और यहाँ से अब आप देखा जाए तो गेंदबाजी करने के लिए किम ग्रात आई हैं। किम ग्रात की गलती भी बिचारों की क्या है, उन्होंने देखिए अगर 3 ओवर किए तो 8 ही रन दिए। किम ग्रात ओवर की पहली गेंद लेकर चलती हुई नॉमी स्टेलबर्ग के लिए, स्लो डिलीवरी और यहाँ पर ऑफ मिडल स्टंप की तरफ पुल किया गेंद को, टॉप एज लगा है, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए एक और चौका नॉमी स्टेलबर्ग के बल्ले से आता हुआ। 18 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रही नॉमी स्टेलबर्ग, 17 गेंदों में 16 रन चाहिए जीतने के लिए। और जिन भाइयों का इस मैच का हाईलाइट देखना है तो बिल्कुल फैन कोर्ट में जाकर देख लीजिएगा, इतनी बकवास गेंदबाजी मैंने नहीं देखी, कि इतना बढ़िया पिच के ऊपर, इतनी ज़बरदस्त ये पिच थी, और इतने अच्छे पोजीशन पे आने के बाद, मैंने कहा था मेलबर्न स्टार अगर जीती तो अपनी किस्मत जीतेगी, क्योंकि गेंदबाजी के लक्षण जो है वो दिख नहीं रहे हैं। चलिए
किम ग्राथ क्या कर सकती है, बहुत ही ख़राब समय पे गेंदबाजी करने के लिए आई हैं। चलिए अगली गेंद एक बार फिर से, दूसरी गेंद इस ओवर की, नॉमी स्टेलबर्ग को सिंगल लिया इस गेंद पर, 16 गेंदे 15 रनों की ज़रूरत और इस मुकाबले में मैच का मुजरिम बनी सोफीडे और एनेबल सदरलैंड भी। रन बनाए नहीं एनेबल सदरलैंड ने, विकेटें निकाल ली हैं एनेबल सदरलैंड ने मगर रन नहीं बनाए, बैटिंग से रन नहीं बनाए, मगर गेंदबाजी में एनेबल सदरलैंड का जो करियर चल रहा है इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलियन टीम में गेंदबाजी बहुत कम मिलती है। एनेबल सदरलैंड को कभी भी देखो दो तीन ओवर देखे, एक दो ओवर देते हैं बस कहते निकल लो बस। एनेबल सदरलैंड 4 ओवर 32 रन, 8 क्रिकेट से मार खाई है। सोफीडे ने 4 ओवर 40 रन दिए हैं, 10 क्रिकेट से मार खाई है और बची कुछ काम करके गए एलेक्स कैप्सी जिन्होंने 1 ओवर में 9 रन दिए और बस चली गई फिर अपना। रैस मकीना 2 ओवर में 12 रन दिए, उनको ओवर नहीं मिल रहा है, उनको ओवर नहीं मिल रहा है जो 2 ओवर में 12 रन दे रहे हैं, उनको ओवर नहीं मिल रहा है और उनको ओवर मिल रहा है जो 4 ओवर 40 रन दे रही हैं। अगर देखा जाए तो अभी भी इस ओवर के अंदर देखा जाए तो 18वां ओवर डल रहा है और रैस मकीना के जो 2 ओवर बचे हैं उसका हम करेंगे क्या, यहाँ पर टीम करेगी क्योंकि 2 ही ओवर किए रैस मकीना ने। अगर सोफी डे वाला ओवर रैस मकीना को मिलता तो शायद वो रन रेट बढ़ जाती, इसलिए सोफी डे को ओवर देकर मैच को ख़त्म करा दिया है। वाह क्या कप्तानी करी है मैग लैनिंग ने, जल्दी जल्दी ख़त्म करो मुझे खाना भी खाना है यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर। चलो चलते हैं ज़रा अगली गेंद की तरफ, किम ग्राथ को अगली गेंद, नॉमी स्टेलबर्ग ने गेंद को खेला है हवा में, यहाँ पर फील्डर से दूर है गेंद, 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर, 14 गेंदों में 13 रन चाहिए जीतने के लिए और यहाँ पर जो कप्तानी हो रही है उसके लिए तालियां बजा दीजिए आप सब लोग, क्या कप्तानी कर रहे हैं, इतना थोड़ा दिखाते हैं मैच के अंदर कि रैस मकीना 2 और 12 रन, उनको ओवर नहीं मिला, सोफी डे 3-4 में 40 खा रही है, मार खा रही है, उनको फिर से ओवर देना है यहाँ पे, किस प्रकार का ये मुकाबला रहा समझ में नहीं आया। MK8 लॉस इन दिस मैच, भाई लॉस तो हो नहीं सकता MK व्लॉग भाई, 50 पैसे लग के मेलबर्न स्टार हारी है, 50 पैसे 55 पैसे आई थी, अगर आपको लालच ज़्यादा है तो फिर गलती आपकी है, लॉस कट बुक शट के ऐड डालिएगा। मैंने भी 27 पैसे 28 पैसे में एंट्री ली थी, वेट किया था 50-60 पैसे मिला था, लॉस कट बुक शट करके बैठ गया हूँ मैं, अभी हार नहीं है मगर ये है कि जिस प्रकार से मैच को जिताया गया होबार्ट को ये मैं समझ गया हूँ खेल किस प्रकार से खेला गया है। चलिए चौका आता हुआ, स्कोर होता हुआ 134 रन 4 विकेट नुकसान पर, 17.5 गेंदें हो चुकी हैं और निकोला कैरी का आप करियर उठा के देखिए, इतना तेज मैंने निकोला कैरी को कभी खेलते हुए देखा नहीं है, 143 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर, और यहाँ से देखा जाए लगता है चलो वाले भैया 20 स्टार पे पैसे लगाए थे। मुन्नू रस्तोगी भाई मैं तो भाई देखिए मैं लॉस कट पर बुस्ट कट करने वाला बंदा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी टीम जीतती है, मुझे टीम का टीम से मतलब नहीं, मुझे एंट्री से मतलब है, जब मैं एंट्री देता हूँ तो खुद भी एंट्री लेता हूँ और लॉस कट बुक सेट करता हूँ, मेरी हार तो नहीं है, मेरी हार तो बिल्कुल भी नहीं है इस मुकाबले में, और ऐसे मुकाबले में अगर मैं हार जाऊँ यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर मुझे खेलने का, अगर ऐसे मुकाबले में हारूँ तो मैं ऐसे मुकाबले में छोड़ता नहीं हूँ, मेरे को तो सिर्फ 20 पैसे में खाना, 90 पैसे में लॉस कट और अगले उस तरफ 60-50 पैसे में बुक सेट कर लेता हूँ मैं, यही मेरा मोटिव है ज़िंदगी का और इसलिए लंबा मैं खेल रहा हूँ। 12 गेंदें हो चुकी हैं, 9 रन चाहिए जीतने के लिए, नॉमी स्टेलबर्ग होम स्ट्राइक पर, लग रहा है कि अगले ओवर में ही निपटा देंगे। विराट गॉन, अरे यार क्या कर रहे हो यार, विराट कोहली का आउट मत करवाओ यार, अरे यार ये शतक नहीं होगा, ये शतक नहीं होगा, ये तड़पाएगा ये शतक, लगता है कि ये शतक जो है तड़का तड़पाएगा। 94 गेंदों में 88 रन बनाकर निकल गए हैं विराट कोहली, अरे नो बॉल दे दो कोई यार, शतक तो पूरा हो जाए कम से कम। यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 रन की पार्टनरशिप हुई है और गेंदबाजी, हाँ देखो ये देखो फिर से गेंदबाजी, शशा मौलानी को लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये गेंदबाज जो है ये अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इसलिए कि क्या बताओ इतनी फिक्सिंग कौन करता है भाई दिखाने के लिए। चौपी देखो रैस मकीना का स्कोर कार्ड देखिएगा जाके, रैस मकीना ने अभी तक सिर्फ 2 ही ओवर किए, जो अच्छी गेंदबाजी करे उनको ओवर नहीं मिलता है बिग बैश के अंदर, जो ख़राब गेंदबाजी करते हैं उनको ओवर देता है और वही हुआ आज मैग लैनिंग की कप्तानी भी हमने देख ली, कितना पैसा कमाएंगे ये सब लोग। स्कोर हो चुका है 134 रन 4 विकेट नुकसान पर, 18.2 गेंदे हो चुके हैं, शशा मौलानी लगातार 2 डॉट गेंदे कर चुके हैं, नॉमी स्टेलबर्ग हैं स्ट्राइक पर, 9 रन चाहिए जीतने के लिए, यहाँ पर कटाई का माहौल बना रहे हैं क्या, चलिए देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। यार स्कोर तो ठीक है इंडिया का, चलो देखते हैं यहाँ से अब लगातार 3री गेंद भी डॉट लीजिए, 9 गेंदों में 9 रन चाहिए जीतने के लिए, नॉमी स्टेलबर्ग हैं स्ट्राइक पर, क्या लगता है मैच खुलेगा, मैच बनेगा या टाई हो जाएगा, जरा इस पर नज़र डालिएगा कि बहुत घूम चुका है ये मुकाबला, बहुत घूम चुका है, टाई के संकेत बन रहे हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर
यहाँ पर शाशा मौलानी ओवर की चौथी गेंद लेकर चलती हुई नॉमी स्टेलबर्ग के लिए। ऑस्टम पे गेंद, सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद को आस के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई चार रन के लिए। लेट हो गया भाई, लेकिन सेकंड इनिंग में भी बुक बनवा ही दी इन्होंने भाई। बिल्कुल एंटरटेन भाई, बुक बनेगी, बुक बनाओगे तो बनेगी ना। लालच को रखो साइड में, क्योंकि यहाँ पर लालच का ही खेल है। लालच अगर आएगा तो नुकसान रहेगा। कैलकुलेटिव रखो, 20-30 पैसे में एंट्री लो, 90 पैसे में लॉस कट कर लो, और उस तरफ अगर मिल जाए 60-70 पैसे या 60 पैसे मिल जाए, बुक सेट कर लो। कम खाना खुशी रहना, खुश रहने वाली बात है भैया, खुश रहो। ज़्यादा खेलने जाओगे नुकसान हो जाएगा। चलिए यहाँ से चलते हैं मुकाबले की तरफ। चार रन चाहिए जीतने के लिए। एक सिंगल और आता हुआ पांचवी गेंद पर, सात गेंदे, चार रनों की ज़रूरत। आज गेंदबाजी क्रम देख लीजिएगा, आज जाके हाईलाइट देखिएगा इस मुकाबले की। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज़ हाईलाइट ज़रूर देखिएगा इस मुकाबले की। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का खेल जो है दिखाया गया है इस मुकाबले के अंदर, किस प्रकार से ये खेल जो है चला है इस मुकाबले के अंदर, और किस प्रकार। पहले गेंदबाजी देखना, बल्लेबाजी मत देखना, मेलबर्न स्टार की गेंदबाजी देखना कि किस प्रकार से पैड पैड पे गेंदबाजी जो है करी है इन्होंने। चलिए अगली गेंद निकोला कैरी को, चार रन चाहिए जीतने के लिए। सात गेंदें बची हैं। शाशा मौलानी की ये गेंद सिंगल लिया, तो तीन रन चाहिए अब जीतने के लिए। अगला ओवर जो है वो मैच विनिंग ओवर होगा, देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी आप सब लोग जो है सेटबेट के साथ जुड़ जाइएगा, सेटबेट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा सेटबेट के ऊपर। मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 500 रुपये का है, मिनिमम बेट जो है सिर्फ 10 रुपये की, और पहले डिपॉजिट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है। मान लीजिए आप 500 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो 500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, 1000 रुपये डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1000 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जो है वो सेटबेट की तरफ से मिलेगा। तो जाकर ज्वाइन करिएगा सेटबेट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन किया है। उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करते रहिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। उस लिंक को क्लिक करिएगा, आईडी क्रिएट करिएगा, खेलिएगा और जीतिएगा सेटबेट के साथ। भाई जब से ये लीग चालू हुई है 6 लाख टोटल लीग में हार चुका हूँ भाई। देखिए क्रिकेट चैम भाई, ध्यान रखिएगा, वुमेन लीग है, वुमेन लीग के अंदर हमेशा लिमिट जो है बांध के रखिएगा। मैं बिग बैश मैच बहुत ही कम खेल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैंने बिग बैश का पहला मैच खेला, 2 मैच खेले, मुझे इनके संकेत समझ में आ गए, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ छोटा छोटा खेल रहा हूँ इस मुकाबले के अंदर, 1000-2000 ज़्यादा मत लगाएंगे भी। अभी सीधे मार रहे हैं ये मैच, उड़ाएंगे भी आपको, आपको ऐसे ऐसे मैच उड़ा के देंगे ये कि आप उम्मीद नहीं करेंगे। 110 रन भी डिफेंड करेंगे, 120 रन भी ये डिफेंड करेंगे, और 170 रन भी ये चेज़ करते ना, 180 रन भी चेज़ करते नजर आएंगे आगे आने वाली सीजन मुकाबलों में। तो अभी ये भी इंतज़ार करिए, अभी 20वां मुकाबला है, बहुत मुकाबले होने बाकी हैं। 25 से 26 मुकाबले के बाद जब एक ब्रेक मिलेगा ना, जब ब्रेक छुट्टी आएगी इनकी एक दिन की, उसके बाद गेम बदल जाएगा यहाँ पर। चलिए एलिस कैप्सी आई हैं और 2 गेंदों में 3 रन देकर इस मुकाबले के अंदर ख़त्म कर दिया इस मुकाबले को। चलिए खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। स्कोर की बात की जाए 143 रन बन चुके हैं, जी हाँ 143 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर 19.2 गेंदों के बाद। आज टॉस जीता था मेलबर्न स्टार ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 142 रन बनाए 20 ओवर के अंदर 8 विकेट नुकसान पर, टारगेट दिया 143 का, और हवाट हरिकेन ने 19.2 गेंदों के अंदर 143 रन देकर 4 विकेट 143 रन बनाए 4 विकेट नुकसान पर, और 6 विकेट से, जी हाँ 6 विकेट से इस मुकाबले में कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबले जीत लिया। और आज मैं बताऊँ आपको, अगर आज भी लॉस हुआ है इससे बढ़िया मैच मिलेगा नहीं। आज हो, आज मेलबर्न दो बार फेवरेट आगे गई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। पूरा नहीं मिलता है मैच के अंदर, हमेशा जितना ट्रेड किया है, जितना लगाया अगर उतना भी उससे उसका 45 या 50% भी वापस आ रहा है ना, तो ले लीजिए, क्यों रिस्क ले रहे हैं ज़िंदगी में। यहाँ से मुकाबला ख़त्म हो चुका है, अब मिलेंगे आपसे अगले मुकाबले में कल, वुमेन बिग बैश के मुकाबले मिलेंगे कल आप सबके साथ। तब तक के लिए सब भाई को गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।